हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन डाला था फॉर गेट 2019 एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप लोगों का उस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई कि सर रेनफो 7 कंक्रीट का भी ऐसा कुछ रिवीजन टाइप वीडियो बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए RCC के लिए भी मैंने क्या किया है, एक क्विक रिवीजन बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है क्विक रिवीजन ऑफ रेनफो सीमेंट कंक्रीट, या RCC हम कह सकते हैं, फॉर गेट 2019 एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम RCC के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं लेने वाला हूँ आपका लिमिट स्टेट मेथड, जिसके अंदर मैं लेने वाला हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, अंडर द शेयर कंडीशन, अंडर द टॉर्शन कंडीशन एंड अंडर द कंप्रेशन कंडीशन। जितने टाइप के फार्मूले इसमें फ्रेम होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो सभी कंसेप्ट फार्मूलेज, उनके पीछे क्या रीज़न है, कब इसके क्या लिमिटेशंस है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, क्या क्या प्रोविजनल्स हैं हमारे पास, क्या रिकमेंडेशंस है कोर्ट्स के, वो सभी मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सब्जेक्ट। गेट 2018 में 8 मार्क्स के लिए तकरीबन ये पूछा गया था, 7 से 8 मार्क्स के लिए। ऑन एन एवरेज इसका वेटेज जो होता है वो 6 से 8 मार्क्स के लिए वेरी करता है। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं RCC। रेनफोर्समेंट कंक्रीट में हम डाल मतलब समझते हैं कि रेनफोर्समेंट हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो कंक्रीट होता है उसकी स्ट्रेंथ केवल कंप्रेशन में होती है, टेंशन में ये वीक होता है क्योंकि ये एक ब्रिटल मटेरियल है, हिट्रोजीनियस मटेरियल है। तो मुझे क्या करना होता है, इसमें रेनफोर्समेंट डालना होता है। मेथड बन जाती है मेरे पास लिमिट स्टेट मेथड। टोटल डिज़ाइन के लिए RCC के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होती है, एक होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड एंड देन द मेथड कम्स इन द पिक्चर इज लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, ये दो हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। गेट में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड से ही फ्रेम होते हैं। हाँ, यदि आप IAS की बात करते हैं तो ES इंजीनियरिंग सर्विसेज में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन गेट के लिए यदि हम पढ़ रहे हैं वी शुड फोकस ऑन दिस लिमिट स्टेट मेथड ओनली। कोड में यूज़ करने वाला हूँ IS 456-2000। ठीक है, जिसमें लिमिट स्टेट मेथड पर दी गई है। बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंदर कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। LSM दो होती है इसकी क्लासेस, एक होती है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स और दूसरी होती है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसबिलिटी। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, इन सभी चीज़ों की हम क्या करते हैं बात करते हैं और देखते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है इन सभी फोर्सेस और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस कितना दे पा रहा है, क्या वो उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पा रहा है या उससे कम रेजिस्टेंस दे पा रहा है। उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पा रहा है मतलब आपका स्ट्रक्चर सेफ है, उससे कम रेजिस्टेंस दे पा रहा है मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या है, फेल हो सकता है। ठीक है, ऐसी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के लॉन्ग लाइफ की, ड्यूरेबिलिटी की, उसमें क्रैकिंग्स नहीं आना चाहिए, उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए, स्टील रेनफोर्समेंट का इरोजन नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम बात करते हैं, डिफ्लेक्शन कम से कम होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है एक लिमिटिंग वैल्यू के अंदर होना चाहिए वो कोड ने दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो क्लास हो चुकी है, एक हो चुकी है, दो मेथड्स हो चुकी है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। फर्स्ट इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसबिलिटी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की सेफ्टी से रिलेटेड होता है, ये स्ट्रक्चर की सर्विसबिलिटी लॉन्ग लाइफ से रिलेटेड होता है। बात करते हैं हम यहाँ पर वन बाय वन, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके अंदर टोटल मेरे पास 4 लोड कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 3 लोड कॉम्बिनेशन है, DL मीन्स डेड लोड, IL मीन्स इम्पोज्ड लोड जिसको हम लाइव लोड भी कहते हैं, WL मीन्स विंड लोड, EQ मीन्स अर्थक्वेक लोड। अच्छा, जहाँ भी आप देखेंगे मेरे पास ये 4 लोड कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना। कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया था गेट में काफ़ी पहले कि मैक्सिमम अप्लाइड लोड आपको कैलकुलेट करना है ना। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस दे रखे थे, डेड लोड दे रखा था, इम्पोस्ट लोड दे रखा था, विंड लोड दे रखा था, अर्थक्वेक लोड दे रखा था। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि ये चारों कॉम्बिनेशंस लगाना है, जो भी कॉम्बिनेशन जितना मैक्सिमम वैल्यू देगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये सेकंड नंबर वाला कुछ वैल्यू दे रहा है ना, और वो इन तीनों से क्या है बड़ा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अप्लाइड लोड हो जाएगा या मोमेंट हो जाएगा जिसके लिए आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसके लिए हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। इधर भी ऐसे ही है सर्विसबिलिटी के अंदर। ठीक है, एक बात हम यहाँ पर देखना चाहिए कि जहाँ भी मैं अर्थक्वेक या विंड लोड लिख रहा हूँ उसमें प्लस माइनस साइन लिखा हुआ है,
तो प्लस माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है कि अर्थक्वेक जो है या तो प्लस एक्स डायरेक्शन से आप कंसिडर कर सकते हैं या माइनस एक्स डायरेक्शन से, या प्लस जेड डायरेक्शन से या माइनस जेड डायरेक्शन से। ये मैंने हॉरिजॉन्टली बताया, वर्टिकल में प्लस वाई माइनस वाई होते हैं। वर्टिकली का जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, इसलिए भी पीपल डू नॉट कंसिडर जनरली द वर्टिकल इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। लेकिन जहाँ भी आप हैवी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं लाइक आई कैन से डैम और रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसी सिचुएशन में आपको क्या होना पड़ता है, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थक्वेक का कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, उससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ पर देखना चाहिए, जहाँ भी मैं विंड लोड और अर्थक्वेक लोड लिख रहा हूँ मैं ऑब्लिक लगा रहा हूँ, मतलब एट अ टाइम आपको या तो विंड लोड कंसिडर करना है या फिर अर्थक्वेक लोड कंसिडर करना है, दोनों में से एक कोई भी आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के एक साथ ऑकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इट इज़ वेरी लेस। इन द हिस्ट्री पीपल हैव नॉट सीन द अर्थक्वेक एंड द विंड बोथ आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। सिंस आई एम फ्रॉम द अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सो I know very well about this. The probability of occurrence of heavy wind and heavy earthquake together is very less, very very less. So why to increase the cost of the building? है ना, आप दोनों यदि अर्थक्वेक एंड विंड लोड साथ साथ लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ता है, स्ट्रक्चर का डायमेंशन बढ़ जाएगा जो कॉलम है बीमिंग है, तो हमें नहीं लगाना है दोनों साथ में, कुल मिला के ये बात है। ये जो चौथा वाला दिख रहा है आप सभी देखिए, सब जगह मैंने डेड लोड इंक्रीज़ किया है, लेकिन सब ये जो फोर्थ वन है उसके अंदर मैंने डेड लोड डिक्रीज़ किया है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है मतलब विंड लोड अर्थक्वेक उसको इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ डेड लोड डिक्रीज़ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाले इंक्रीज कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रक्चर में ओवरटर्निंग इफेक्ट चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट मैंने कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, तो वो सभी कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला ओवरटर्निंग इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए ये वाला कंसिडर करता हूँ लोड कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी में की भी बात कर लेते हैं। चलिए ये यहाँ तक मेरा काम पूरा होता है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर मैं जानता हूँ कि मेरे पास मैं बता चुका हूँ कि मैं इसके अंदर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्जर अंडर शियर अंडर टॉर्शन एंड द कंप्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्जर कंडीशन, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन हम बीम्स डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि सिंगली रेनफोर्स हो सकती है, डबली रेनफोर्स हो सकती है, फ्लेंज बीम्स हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है फ्लेक्जर कंडीशन का कि सिर्फ आपको बीम ही डिज़ाइन करना है, आप इसके अंदर स्लिप डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि स्लिप में भी बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, आप इसके अंदर फुटिंग भी डिज़ाइन करेंगे क्योंकि आपको फुटिंग में भी बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। तो जहाँ जहाँ बेंडिंग ऑकर होने वाला है ये उसके लिए लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन क्या होगा, वैलिड होगा। ये फॉर्मूलेस उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं कि सेक्शन रिमेंस, अच्छा मैं इसके अंदर क्या बात कर रहा हूँ, एजम्पशंस की बात कर रहा हूँ कि आई एस 456:2000 ने कुछ एजम्पशंस दिए हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो पहला एजम्पशन दिया था कि द प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो स्ट्रेन वेरिएशन है वो क्या है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है, लीनियर है, और ये चेंज होती है फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो टॉप में हमको कंप्रेशन, बॉटम में हमको क्या मिलता है, टेंशन। लेकिन यदि मैं बात करूँ कैंटिलीवर बीम की तो टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन मिलता है। जो प्लेन सेक्शन लिया है वो क्या होता है, प्लेन ही रहता है, ऐसा इस तरीके से टिल्ट नहीं होगा, ऐसा इंक्लाइंड होगा क्योंकि स्ट्रेन आने वाला है, टॉप में कंप्रेसिव बॉटम में टेंसाइल, बट ये जो प्लेन है सरफेस वो प्लेन ही रहेगी, ऐसी या फिर वो अदर शेप में डिफॉर्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट के लिए दे रखा है 1.5 दे रखा है, स्टील के लिए 1.15 दे रखा है। आपको नोटिस करना चाहिए कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ली गई है स्टील से, क्यों, क्योंकि स्टील जो है वो फैक्ट्री मिल्स इनमें प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन जो कंक्रीट है वो एट द साइट प्रिपेयर किया जाता है। तो सो मेनी फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द कंक्रीट, टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, डस्ट का इफेक्ट हो सकता है, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हो सकता है, तो वो सभी फैक्टर्स के लिए जो आप साइट पर प्रिपेयर कर रहे हैं जब कंक्रीट, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना पड़ती है एज कम्पेयर टू स्टील, इसलिए मैंने स्टील से ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया है कंक्रीट में अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन वो दे रखा है 0.0035। यदि मैं बोल रहा हूँ अंडर द कंप्रेशन जब मैं कॉलम डिज़ाइन करूँगा तो इसकी कुछ और अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल में फ्लेक्जर के लिए मेरे पास वैल्यू दे रखी थी 0.0035। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेन जो दे रखा है HYSD बार्स में, है ना। तो जनरली क्या होता है HYSD बार्स में यील्ड पॉइंट मुझे पता नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पर 0.2% स्ट्रेन, मतलब 0.002 स्ट्रेन से
एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज़ पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एच वाई एस डी बार। ये लाइन जो मैंने 0.2% स्ट्रेन से ड्रॉ करी है, ये इस स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व को कहीं पर कट करेगी, वो आपका एल्ड पॉइंट हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या मेजर कर सकते हैं, उस पॉइंट से ड्रैग करिए लाइन को, स्ट्रेस करिए और टोटल स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। दैट इज 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस। 0.87 कहाँ से आया, ये आया एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 से। एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, जिसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 दिया है। तो एफ वाई डिवाइड बाई 1.15 इज द 0.87 एफ वाई। ई एस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, कितनी लेना चाहिए वैल्यू, 2×10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेना चाहिए। तो ये थे इसके अजम्पशंस लिमिट स्टेट मेथड के। यहाँ पर डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो दिया गया है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, स्ट्रेस लिखा है मैंने, 0.446 एफ सी के आपको लेना है। कहाँ से आया, एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आफ्टर द क्यूरिंग ऑफ 28 डेज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब ऑफ 15x15x15 सेंटीमीटर क्यूब का। अच्छा, एफ सी के की कुछ अलग डेफिनेशंस भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वो हम देखने वाले हैं। अभी फिलहाल में क्या किया है हमने, एफ सी के होता था एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है जो कि कंक्रीट का होता है, IS-456 ने दिया है। ये पैराबोलिक होता है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 एंड देन इट इज स्ट्रेट एंड कॉन्स्टेंट अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे ये मिलता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.446 एफ सी के, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का ले रखा है ना। आपके पास एफ सी के होता है, एफ सी के आप एफ सी से आप क्या लेते हैं, 67% स्ट्रेंथ लेते हैं पहले, 0.67 एफ सी के। 0.67 एफ सी के क्या है, ये होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन, सब टाइप के फोर्सेज के इफेक्ट को कंसिडर करते हुए स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो होती है सिर्फ 60% स्ट्रेंथ 0.67 एफ सी के, है ना। और क्योंकि एफ सी के मैंने सिर्फ कंप्रेसिव लोड के लिए कैलकुलेट किया था, लेकिन बिल्डिंग में तो बहुत सारे टाइप के फोर्सेस लगेंगे, इसलिए मुझे 67% स्ट्रेंथ ही लेना चाहिए। उसको मैंने डिवाइड किया था 1.5 से, तो मुझे यहाँ पर मिला था 0.446 एफ सी के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम क्रिप के बारे में, जो क्रिप कोफिशियंट होता है, दैट इज क्रिप स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेंथ होता है ना। क्रिप जो होता है ये एक होता है प्लास्टिक फिनोमिना कह सकते हैं, है ना। जो क्रिप होने वाला है ये होना है टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है, एक लंबे टाइम के बाद आपको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर में क्रिप मिलने लगता है, ना एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है, जो कि लोड रिमूव करने के बाद भी थोड़ी रिकवरी होती है, लेकिन एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको आपके स्ट्रक्चर में मिलने लगता है, ठीक है। तो क्रिप कोफिशियंट हमने निकाला है यहाँ पर। अच्छा, ये कंटिन्यूस डेड लोडिंग के कारण ही लगता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप किसके कारण लगता है, तो कंटिन्यूस डेड लोड्स के कारण क्रिप लगता है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, बात करता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो जो कंक्रीट है उसका हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना होता है। मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, तो कुछ इस फैशन में मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अवेलेबल होता है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अवेलेबल है। पहला होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड होता है सेकंड मॉडुलस, एंड थर्ड इज टेंजेंट मॉडुलस। तो बात करता हूँ मैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की। जो भी मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरीके सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कॉन्क्रीट का, ये रहा, मुझे क्या करना है, इनिशियल टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ओरिजिन से आपने क्या किया, इस कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो कर्व है या ये जो लाइन है आपने जो इनिशियल टेंजेंट ड्रॉ किया उसका जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। EIT से मैं शो कर देता हूँ, है ना, वो हो जाता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। फिर बात करते हैं सेकेंड मॉडुलस की। सेकेंड मॉडुलस जो होता है, क्या कर सकते हैं आप, इस कर्व पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद इस लाइन का भी आप क्या ले लीजिए स्लोप, तो वो आपका हो जाता है सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये जनरली जो होता है पॉइंट वो 1/3 ऑफ एफ सी के पर मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड मॉडुलस को एक डेफिनेशन और दे सकता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्ट्रेस डिवाइड बाई टोटल स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। आप क्या करिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, ये इसका कुछ स्लोप होगा, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा मैंने बना दिया है ना, ये इस तरीके से कर्व है, तो इसका एक स्लोप होगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो भी dy/dx अवेलेबल होता है
वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट मॉडुलस, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस टू द क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का वैल्यू डिवाइड बाय डीएक्स एक पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किए, तीन डिफरेंट टाइप की कैलकुलेट किए, आईएएस 6000 ने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू, जो कि ये रहा 5000 अंडर रूट एफ सी के। ये जो होता है एक्चुअली सेकेंड मॉडुलस ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5000 अंडर रूट एफ सी के को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको शॉर्ट टर्म क्यों कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, और मैं अभी आपको बता चुका हूं जो क्रीप होता है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। यदि आप टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना को कंसीडर करना चाहते हैं तो उसे हम देते हैं फिर लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि ECR से मैंने शो किया है, जिसे मैं कहूँगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप, ठीक है, जिसे हम नाम देंगे या तो लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो चुका है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 अंडर रूट एफसी के, और ये हो चुका है लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज 5000 अंडर रूट एफसी के डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर आपका क्रीप कोफिशियंट है, इसकी वैल्यू आपको दी जा सकती है। तो इस तरीके से था ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल रेनफोर्स बीम के अंदर हम एंटर करते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, सिंगल रेनफोर्स बीम है, मतलब जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वो सिर्फ मैंने बॉटम में प्रोवाइड कर रखा है, बॉटम में प्रोवाइड कर रखा है। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो स्मॉल डी से मैंने शो की है, जो विड्थ है वो स्मॉल बी से शो की है। मुझे यहाँ पर निकालना होता है, अच्छा मैंने जो अभी भी जितने अजम्पशंस यहाँ पर डिस्कस किए, लिमिट डिस्टेंस मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्चर कंडीशन, इन सभी अजम्पशंस का यूज़ करते हुए ही मैं क्या करने वाला हूँ, सिंगल रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और आने वाली जितने भी टाइप की बीम्स है उसको डिजाइन करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं सिंगल रेनफोर्स बीम में टोटल कंप्रेसिव फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, सिंगल रेनफोर्स होना चाहिए 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। मैं इसलिए सिंगल रेनफोर्स यहाँ पे स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ क्योंकि डबली रेनफोर्स में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसमें चेंज हो जाएंगे कुछ। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 एफ वाई इंटू एस टी हो जाएगा। अच्छा, एफ सी के क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है। यहाँ पर मैं जितना भी कैलकुलेशन करने वाला हूँ सब न्यूटन एमएम में ही होगा, मतलब जहाँ भी फोर्स की वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी, जहाँ भी डिस्टेंस की वैल्यू आने वाली है ना वो एमएम में आने वाली है ना, और बेंडिंग मोमेंट का न्यूटन पर एमएम उसमें आने वाला है, सॉरी न्यूटन एमएम में, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहीं पर रख रहा हूँ तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ एसटी एमएम स्क्वायर में, आगे बढ़ता हम यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल दिया, टोटल टेंसाइल फोर्स निकाल दिया। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चन की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालो, आपको क्या करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालो, टोटल टेंसाइल फोर्स निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, आपको क्या मिल जाएगी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला, टोटल टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला, दोनों को इक्वल रखा, एक्सयू का फॉर्मूला मिल चुका है विच इज 0.87 FA ST डिवाइड बाय 0.36 FC के बी। तो यहाँ से मुझे XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गया है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे ही आपको मिलता है हम क्या कर सकते हैं, लीवर आर्म निकाल सकते हैं। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म जो होता है ये होता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है डी माइनस 0.42 XU। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगता है, टॉप ऑफ बीम से 0.42 XU डेप्थ पर लगता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स, और टोटल टेंसाइल फोर्स CG पर लगता है स्टील रेनफोर्समेंट की। तो हम यहाँ से लीवर आर्म निकाल देते हैं डी माइनस 0.42 XU, यहाँ पर भी हमने क्या किया, लीवर आर्म निकाल दिया डी माइनस 0.42 XU। मेरे पास मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी मुझे निकालना होती है, किसी भी सेक्शन की मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपको निकालना है तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दीजिए या टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दीजिए, दोनों से आप मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकाल सकते हैं, बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। तो कंप्रेशन जोन में यदि मैं निकालूं तो टोटल सी इंटू लीवर आर्म, टोटल टी इंटू लीवर आर्म, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, जिसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, तो जब एक्स पर आईएएस 456/2000 जब भी आपका जो मैक्स स्ट्रेन है कंक्रीट में वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 एंड स्टील में जो स्ट्रेन है वो अपनी लिमिट 0.002 प्लस 0.87 FI/ES पे पहुंच जाता है, मींस बोथ द मटेरियल विल स्टार्ट यील्डिंग
तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है आपके सेक्शन में, उसे हम कहेंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि इस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बैलेंस्ड सेक्शन मिलने वाले हैं, है ना। तो जब भी आपके सेक्शन में एक्सियू मैक्स होता है या एक्सियू लिमिटिंग होता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो सेक्शन होता है वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाते हैं। पूरे कंक्रीट जो होता है वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, जो पूरा स्टील होता है वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाता है। इसलिए हम डेप्थ को बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ है, 700 डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 FY इनटू इफेक्टिव डेप्थ डी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि काफ़ी पहले कि जो न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है फॉर द गिवन डेप्थ, या फिर मैं बोलूँ किसी भी गिवन बीम के अंदर जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किसका फंक्शन है। तो गिवन बीम के अंदर मतलब डी तो ऑलरेडी दिया है, गिवन बीम है, तो ये फंक्शन होता है केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी ग्रेड ऑफ स्टील का। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नेवर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है ना। ये जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डेप्थ वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर। अच्छा, ये जो पूरा टर्म मैंने लिखा है इसको मैं इस फैशन में भी लिख सकता हूँ, के इंटू डी, एक्स लिमिट इज इक्वल टू के इंटू डी। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY, ये हो चुका है के। के का हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट। तो के हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट। अब ये के का जो वैल्यू है, जैसे मैं बताया ये सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, आप एफ वाई की वैल्यू पुट करते जाइए अलग अलग वैल्यूज, आपको के का अलग अलग वैल्यूज मिलता चला जाएगा। यदि एफ ई 250 है तो मेरे पास 0.53 मिलना चाहिए, एफ ई 415 है तो 0.48 मिलना चाहिए, एफ ई 500 है तो 0.46 यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये हो चुके हैं न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया कंप्रेशन जोन में, दिस वन 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। जब भी मैं बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहा हूँ तो बैलेंस सेक्शन की जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके बराबर होने वाली है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होने वाली है। उस बैलेंस सेक्शन की कैपेसिटी कितने होने वाली है, मोमेंट कैपेसिटी, वो एम यू लिमिट के बराबर होने वाली है। एक्स यू लिमिट के करस्पॉन्डिंग एम यू लिमिट आपको मिलेगा बैलेंस्ड सेक्शन में। तो यहाँ पर एक्स यू की जगह आप क्या रख दीजिए, एक्स यू लिमिट रख दीजिए के इंटू डी के फॉर्म में, के की वैल्यू आपको पता है। और यहाँ पर भी इस एक्स यू एंड एक्स यू की जगह आप एक्स यू लिमिट रख दीजिए के इंटू डी के फॉर्म में, के का वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए आपको पता है। तो इस कंप्रेशन जोन की इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं एफ ई 250 के लिए, तो आपको एम यू लिमिट मिलता है 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, देन आपको एफ ई 415 के लिए मिलता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, देन आपको 500 के लिए मिलता है 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। मतलब जब भी आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हैं आपको सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए और उस बीम के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पता होना चाहिए। आप क्या निकाल सकते हैं, उस मोमेंट में कितनी कैपेसिटी होगी मोमेंट को लेने की, वो आपको क्या होगी पता लग जाएगी। तो एम यू लिमिट इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी एम यू लिमिट आप डिज़ाइन करते हैं, इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम हमेशा बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ या डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं इन मोमेंट्स के लिए एरिया ऑफ AST प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चंस कभी कभी क्या टाइप के फ्रेम हो जाते हैं कि मोमेंट कैपेसिटी निकालो, तो जब भी आपको मोमेंट कैपेसिटी निकालना होती है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी वेल डिज़ाइन सेक्शन दिया है जिसके अंदर कुछ एरिया ऑफ AST डला हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ कंक्रीट है मतलब डेप्थ और क्रॉस सेक्शन दिया होगा आपको बी और डी, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंडीशन के लिए ही लगाए जाते हैं, है ना। जो आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा कि एक वेल डिज़ाइन सेक्शन ऑलरेडी आपको दिया गया है, उसकी मोमेंट कैपेसिटी यदि आपको निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, उसमें पहले टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालो इन द टर्म्स ऑफ एक्स यू, टोटल टेंसाइल फोर्स निकालो क्योंकि AST आपको दिया है, एक्स यू की वैल्यू निकाल दो, एक्स यू की वैल्यू निकाल दी, फिर उस एक्स यू की वैल्यू को आप यहाँ पुट करके MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात थी मेरे पास एक्स यू लिमिट की। अब क्या होता है कभी कभी, यहाँ जो मैं एक्स यू निकालता हूँ इस फॉर्मूले में, उस एक्स यू को एक्स यू लिमिट से मुझे क्या करना पड़ता है, इस एक्स यू लिमिट से कंपेयर करना पड़ता है। तो मैं क्या देखता हूँ, यदि एक्स यू छोटा आ रहा है एक्स यू लिमिट से, मतलब मेरे पास अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, आप डिज़ाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस। जब एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिट आता है तो मुझे बैलेंस सेक्शन मिलता है, यू कैन डिज़ाइन दिस सेक्शन, नो प्रॉब्लम इन दिस। बट जब एक्स यू बड़ा आ जाता है एक्स यू लिमिट से, तो क्या होता है, हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन मिलता है। इसके अंदर अंडर रेनफोर्स सेक्शन में मुझे क्या मिलता है, अलार्म मिलता है, मतलब क्रैक्स आने लगते हैं, तो मैं बिल्डिंग से बाहर भाग सकता हूँ क्योंकि कभी भी बीम जो है फेल हो सकता है ना, इसको हम कहते हैं डक्टाइल फेलियर। लेकिन जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात करता हूँ तो ये होता है एक ब्रिटल फेलियर, ठीक है। इसके अंदर कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, अंडर रेनफोर्स में स्टील पहले फेल होता है, इसलिए हम इसको डक्टाइल फेलियर कहते हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए हम इसको ब्रिटल फेलियर कहते हैं। तो ये हमारे लिए डेंजर होता है, इस टाइप के सेक्शन हमें कभी भी डिज़ाइन नहीं करना चाहिए एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट वाले, हमेशा या तो बैलेंस या फिर अंडर रेनफोर्स हमें डिज़ाइन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एनालिसिस की बात कर रही, मुझे डिज़ाइन करना है। तो मुझे क्या करना है, तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हो आप क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ एस टी रिक्वायर्ड जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन ऑफकोर्स हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो ए एस टी इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इन टू एक्स यू डिवाइड बाई 0.81 FY ST जो होता है हमारे पास फॉर्मूलाज, टोटल सी इक्वल टू टोटल डी का। तो आप यहाँ से ए एस टी निकाल सकते हैं। अब एक्स यू कहाँ से लाएंगे हम, एक्स यू आप रख सकते हैं एक्स यू लिमिट, क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हैं बैलेंस के लिए। और जब भी आप बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो आप एक्स ए एस टी लिमिट, जब भी आप बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो एक्स यू लिमिट बन जाता है। एम यू मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस, एम यू लिमिट बन जाता है, और ए एस टी लिमिट बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अब ए एस टी लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ए एस टी जो है उसका दूसरा फॉर्मूला आप इस फैशन में भी लिख सकते हैं, है ना, कि जो मैंने यहाँ पर आपका फॉर्मूला टेंशन जोन में ये वाला बताया था, आपको आपके सेक्शन में एम ओ आर की जगह क्या रखना होगा, अप्लाइड मोमेंट, कि आपको पता है आपके बीम में कितना मोमेंट आने वाला है। तो अप्लाइड मोमेंट यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिट रख दीजिए। सभी वैल्यूज मुझे पता है, ग्रेड स्ट्रेसिंग मुझे पता है, ए एस टी में क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक्स यू की जगह आप एक्स यू लिमिट रख सकते हैं। तो ये वो वहाँ से मैंने वो फॉर्मूला लिखा। थर्ड वाला फॉर्मूला जो है थोड़ा सा इस फैशन में आपको दिखेगा, एम यू की जगह आपको अप्लाइड मोमेंट रख सकते हैं। अच्छा, सभी जगह बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखना है, एफ सी के एफ वाई, एफ सी के एफ वाई बी डी एम यू, ये जो सभी चीज़ें हैं आपको एम एम में रखना है, या न्यूटन एम एम में रखना है, या न्यूटन में रखना है। सभी वैल्यू इस फैशन में होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। तो ये एरिया ऑफ एस टी के फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक मैंने पूरी तरीके से बात कर ली सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, किस तरीके से उसको एनालाइज किया जा सकता है, किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बाद आगे बढ़ते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर। डबली रेनफोर्स्ड बीम मुझे पता है कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में टॉप में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सेक्शन को हम डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कब करना है, डबली रेनफोर्स्ड बीम आपको प्रोवाइड तब करना है जब आपका एम यू जो भी अप्लाइड मोमेंट होता है वो एक्सीड कर जाए आपकी मोमेंट कैपेसिटी एम यू लिमिट से। एम यू लिमिट क्या होता है, एक बैलेंस सेक्शन का कैपेसिटी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एम यू लिमिट मैंने इस फॉर्मूले से पहले निकाल लिया, कि कोई भी मेरे पास एक डायमेंशन मैंने डिजाइन कर ली, कि मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने वाला हूँ, मैंने अपने बीम की जो डायमेंशन है वो मैंने रख दी 300 बाय 400, मतलब 300 बाय 400 की, 400 इज़ द डेप्थ, 300 इज़ द विड्थ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 300 रख दिया, इफेक्टिव कवर सपोज मेरे पास 50 mm है तो डी हो जाएगा मेरा 350, तो यहाँ 300 रख दिया, यहाँ 350 रख दिया। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में डिसाइड कर चुका हूँ, सपोज एम 20 में रखने वाला हूँ, यहाँ 20 रख दिया, और सपोज मैं Fe415 यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया, एम यू लिमिट निकाल दी। तो मेरे पास सपोज एम यू लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वो 250 kN आया, लेकिन जो अप्लाइड मोमेंट है उस बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है, जो स्लेब से आ रहा है, जो सुपर स्ट्रक्चर, वो भी दूसरी चीज़ों के कारण जो आ रहा है लोड, वो आ रहा है सपोज 300 kN² का, कैपेसिटी थी 250 kN की, आ रहा है मोमेंट सॉरी 250 इज द कैपेसिटी, और 300 का क्या आ रहा है, मोमेंट आ रहा है, मतलब एम यू जो है अप्लाइड मोमेंट वो क्या हो चुका है, एक्सीड कर चुका है, ज़्यादा हो चुका है एम यू लिमिट से। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिमेनिंग 50 kN है उसके लिए मुझे क्या रखना होगा, एडिशनल रेनफोर्समेंट बॉटम में ए एस टी टू जिसको मैंने नाम दिया है, और एडिशनल रेनफोर्समेंट टॉप में सी इक्वल टू टी करने के लिए ए एस सी मैंने कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया है। तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन जोन का ए एस टी, मतलब कंप्रेशन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, इसको बोलेंगे टेंशन रेनफोर्समेंट। तो जो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम है उसको दो पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ये प्योर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जो कि बैलेंस्ड सेक्शन है, और ये मेरा क्या है, एक एडिशनल मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। ये कितना मोमेंट रजिस्ट करने वाला है, ये वाला सेक्शन, ये रजिस्ट करने वाला है एम यू लिमिट। ये कितना रजिस्ट करने वाला है, ये रजिस्ट करने वाला है एम यू माइनस एम यू लिमिट। दोनों मोमेंट को ऐड कर दीजिए, वैल्यू कितनी रजिस्ट हो जाएगी, टोटल एम यू की रजिस्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मेरे पास इन दोनों को ऐड करूँगा तो डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम बन जाएगा, जो कि कितना मोमेंट रजिस्ट कर लेगा, एम यू अप्लाइड मोमेंट का। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन था, 250 रजिस्ट कर ही रहा था, और टोटल ये लग रहा था 300, ये 50 कर लेगा, ये 250 कर लेगा, दोनों मिलकर 300, पूरा सेक्शन क्या हो गया, रजिस्ट हो चुका है, डिज़ाइन कर दिया। डिडेश क्या होता है, डिडेश जो होता है ये होता है आपका इफेक्टिव कवर ऑफ द कंप्रेशन जोन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इसके कारण निकाल लो, प्लस टोटल कंप्रेसिव फोर्स इसके कारण निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कंप्रेसिव फोर्स पता चल जाएगा। ऐसी टेंशन में भी होगा कि यहाँ का टेंशन प्लस यहाँ का टेंशन दोनों को ऐड किया, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी होगा, यहाँ का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस यहाँ का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। टेंशन का मोमेंट
ऑफ रेजिस्टेंस, टेंशन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा सेक्शन डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स यहाँ का कितना होता है। नॉर्मल सिंगल रेनफोर्स बीम में 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, यहाँ कैसे निकालना है, यहाँ का जो फॉर्मूला होता है कि स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ एस सी माइनस एफ ऑफ एस सी इंटू ए सी, चूँकि आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टील प्रोवाइड कर रखे हैं और यहाँ पे आपने पूरी एरिया कंसिडर कर रखा है, लेकिन इस पूरे एरिया आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टील, तो उतना एरिया मुझे माइनस करना होगा। इसलिए मैंने लिख दिया 0.446 एफ सी के, और कितना एरिया है वो ए सी के बराबर है, तो 0.446 एफ सी के ए सी, तो दोनों में से ए सी मैंने कॉमन लिया। ये कंप्रेसिव फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला फ्रेम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं टेंसाइल फोर्स के लिए, है ना। तो 0.87 एफ आई एस टी वन प्लस 0.87 एफ आई एस टी टू फॉर्मूला बन गया टेंसाइल फोर्स का, क्योंकि 0.87 क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, 1/1.15 से आया ये वैल्यू। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मुझे एफ ऑफ एस सी जो है, सभी वैल्यूज मुझे पता है, सिर्फ एफ ऑफ एस सी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। वो क्या होता है, एफ ऑफ एस सी जो होता है वो ये होता है कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, वो कैसे निकालें। तो आप क्या करिए, स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए। स्ट्रेन निकाल दिया, अब मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता अवेलेबल है आईएस कोड के अंदर, एफ ई 250 के लिए भी अवेलेबल है, एफ ई 415 के लिए भी अवेलेबल है। तो इस वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसपी 16 में एक टेबल भी दिया गया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन के लिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, वहाँ से भी आप स्ट्रेस का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो स्ट्रेस का वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, एक बात देखी गई है कि एफ ई 415 के लिए तो आपको कर्व से यूज़ करना होगा या एसपी 16 की टेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपके पास ग्रेड एफ ई 250 है तो 250 के लिए इसका जो वैल्यू होने वाला है एफ ऑफ एस सी का, वो 0.87 एफ आई होने वाला है। तो डायरेक्टली इफ़ यू हैव 250 ग्रेड ऑफ स्टील, यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ एफ एस सी इक्वल टू 0.87 इंटू 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ का इंटू लीवर आर्म, यहाँ का कंप्रेसिव फोर्स इंटू यहाँ का लीवर आर्म। यहाँ का लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस 0.42 एक्स ही होता है ना। यहाँ का लीवर आर्म क्या हो जाता है, यहाँ का लीवर आर्म आप देख सकते हैं कि ये क्या है, डी डैश है इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये क्या चीज़ है, ये है आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो कंप्रेशन और टेंशन ये दो फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी माइनस डी डैश है। तो इसके लिए इस कंप्रेसिव फोर्स के लिए क्या मिलने वाली है, मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है लीवर आर्म की, डी माइनस डी डैश मिलेगी। इसी तरह से टेंशन जोन में भी 0.7 एफ आई एस टी वन यहाँ का लीवर आर्म, 0.7 एफ आई एस टी टू यहाँ का लीवर आर्म, डी माइनस डी डैश रख सकते हैं। अब ए एस टी वन जो है वो लिमिटिंग एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एम यू की जगह आपको एम यू लिमिट रखना पड़ेगा क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम निकाले हैं, ये वाला फर्स्ट सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, एस टी टू की यदि मैं बात करूँ तो एस टी टू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना है। एस टी टू कितना मोमेंट रजिस्ट कर रहा है, एम यू माइनस एम यू लिमिट कर रहा है। यहाँ का लीवर आर्म कितना अवेलेबल है, डी माइनस डी डैश, तो यहाँ का लीवर आर्म डी माइनस डी डैश 0.7 एफ आई एस टी इंटू एम यू माइनस एम यू लिमिट। सेम फॉर्मूला जो आप ये देखेंगे, ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म से ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये वाला टर्म कितना मोमेंट रजिस्ट कर रहा था, एम यू माइनस एम यू लिमिट का, दोनों को इक्वल रख दिया। ए एस टी टू की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से। इसी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का एरिया निकालना चाहते हैं तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख दीजिए इस वाले फिगर के लिए, है ना। तो यहाँ का इस वाली फिगर के लिए कंप्रेसिव फोर्स कितना है, इतना एफ ऑफ एस सी माइनस 0.446 एफ सी के ए सी, और यहाँ का टेंसाइल फोर्स कितना है, यहाँ का टेंसाइल फोर्स है 0.87 एफ आई ए सी टू। ए सी टू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप ए सी इस फैशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ का कंप्रेसिव फोर्स दोनों को इक्वल रखेंगे, ए ऑफ एस सी मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो हमने अभी इस लेक्चर में अभी यहाँ तक क्या बात कर ली है, अभी तक हमने बात कर ली है कि क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है डिज़ाइन करने के लिए, फिर उसके बाद ये जो कितने टाइप के मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, क्या क्या लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या क्या अजम्पशन है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन के, सिंगल रेनफोर्स्ड बीम किस तरीके से एनालिसिस किया जाती है, किस तरीके से डिजाइन की जाती है। उसके बाद हमने देख लिया किस तरीके से आपके डबली रेनफोर्स्ड बीम एनालिसिस किया जाती है, डिजाइन किया जाती है। एक बात बहुत जरूरी आपको याद रखना है, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो आपको जरूर चेक करना है कि जो एक्सयू है वो एक्सयू लिमिट से छोटा आ रहा है तो आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो आपको हर जगह एक्सयू लिमिट जो इस वैल्यू के अंदर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैलकुलेट करते टाइम। जब भी आपके पास बैलेंस सेक्शन होता है उसके अंदर एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट होता है तो आपको हर जगह मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सयू लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी आपके पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है मतलब एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट हो जाता है तो आपको
एक्सयू लिमिट ही यूज़ करना पड़ेगा मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन टाइप के सेक्शंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओवर एनफोर्स सेक्शन जो होता है हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें हमें अलार्म नहीं मिलता है, ये सडन फेलियर होता है, कोलैप्स हो सकती है बिल्डिंग सडनली यदि ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फ्लेंज्ड बीम के बारे में। फ्लेंज्ड बीम्स क्या होती है? जब भी आप बीम्स और स्लेब का मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपके बीम के साथ जो स्लेब होती है वो एक कंबाइंड एक्शन देने लगती है। दिस स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, मींस आपको स्लेब में फ्लेंज एक्शन मिलने लगता है। तो इस टाइप से हम फ्लेंज बीम की एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने फ्लेंज बीम कंसिडर किया है जिसका इफेक्टिव विड्थ जो है फ्लेंज का वो BF से मैं शो कर रहा हूँ। DF जो है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, BW विड्थ ऑफ वेब है, और ये जो है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d है। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको हम कहते हैं फ्लेंज, जो वर्टिकल है उसको कहते हैं वेब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने कोई एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट AST सपोज प्रोवाइड कर रखा होगा, ये सपोज AST है सपोज, है ना। जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं वो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक होती एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, एक होती इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैपेसिटी निकालना है, टेंसाइल फोर्स कैपेसिटी निकालना है, या मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकालना है, सभी जगह हमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज ही कंसिडर करना होगी, क्योंकि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज वो विड्थ है जहाँ तक रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है, फ्लेंज एक्शन ऑकर होता है स्लैब के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज यदि आपको निकालना है तो L0 by B प्लस 4 प्लस BW। यहाँ पर सभी के मीनिंग्स मैंने लिख रखे हैं। L0 क्या है? इसका स्पैन है बीम का, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर इन द बीम। फिक्स्ड बीम है उसके टू पॉइंट्स होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस होगा सिंपली सपोर्टेड, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। तो L0 जो है वो आपका लेंथ ऑफ बीम आई कैन से, बाकी सभी वैल्यूज यहाँ पर मैंने शो कर रखी है। तो ये जो दो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, ये जो पहला फॉर्मूला है ये है आइसोलेटेड टी बीम के लिए, ये जो फॉर्मूला है ये है आइसोलेटेड एल बीम के लिए। टी बीम कब मिलेगी? जब भी मैं स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएट बीम्स की बात करता हूँ तो मुझे टी बीम मिलेगी, जब भी मैं एज ऑफ द बिल्डिंग की बात करता हूँ तो कॉर्नर्स में मुझे कैसे मिलती है, एज ऑफ द बीम्स, एज ऑफ द बिल्डिंग्स पर एल बीम्स मिलती है, ठीक है। दोनों ही फ्लेंज्ड बीम्स के टाइप्स होते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये आइसोलेटेड, कब एक ही आपके पास बीम है तो ये आइसोलेटेड एल बीम का होगा, ये आइसोलेटेड टी बीम का होगा। इसी तरीके से ये टी बीम है, ये एल बीम के लिए है। ये कौन सी है? जब आप स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बीम्स आपके पास अवेलेबल है कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस टी बीम के लिए ये, कंटिन्यूस एल बीम के लिए ये, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर है। और ये आइसोलेटेड अलग से यदि कहीं पर रखते हैं तो उस केस के लिए आप इफेक्टिव स्पैन क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, एनालाइज करना है सेक्शंस को। तो देखते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फ्लेंज बीम किस तरीके से करना है। एनालिसिस करना है मतलब क्या, टोटल कंप्रेसिव कैपेसिटी फोर्स कैपेसिटी निकालना है, टोटल टेंसाइल फोर्स कैपेसिटी निकालना होगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन में, है ना। तो किस तरीके से देखते हैं करते हैं, और डिजाइन में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक वेल डिजाइन सेक्शन है ऑलरेडी, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी मैंने प्रिज्मेटिक नॉर्मल बीम्स की बात किया, रेक्टेंगुलर बीम्स की, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स निकालता हूँ, टेंसाइल फोर्स निकालता हूँ, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकालता हूँ। उसके अंदर मैं ये, क्योंकि जो सेक्शन है वो थ्रू आउट द डेप्थ यूनिफॉर्म है, है ना, रेक्टेंगल है, विड्थ वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सेक्शन का डेप्थ तो है लेकिन विड्थ वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे फ्लेंज का विड्थ है, फिर कम होकर यहाँ पे किसका विड्थ आ गया, वेब का विड्थ आ गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अलग अलग पोजीशन पर, न्यूट्रल एक्सिस के अलग अलग पोजीशन पर हम इसको एनालाइज करते हैं। यदि मैं मान लूँ केस नंबर वन कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लेंज पोर्शन में, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ कहीं पर लाई कर रही है, मतलब जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है XU वो छोटा है DF से, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, आपके जो कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स एंड मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी के जो फॉर्मूले थे जो आप रेक्टेंगुलर बीम में यूज़ कर रहे थे वो सेम रहेंगे, वही आपको यूज़ करना है। चेंज इतना होगा जो वहाँ पे बी यूज़ कर रहे थे विड्थ ऑफ बीम, यहाँ पे आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 0.36 FC के बी इंटू XU में लिखता था नॉर्मल बीम में, तो यहाँ पर BF लिखना होगा, यहाँ पर भी BF लिखना होगा, और फॉर्मूला पैटर्न एवरीथिंग विल बी सेम। नॉर्मल एनालिसिस है जैसा हम रेक्टेंगुलर बीम में करते हैं, कब, जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस क्या हो, फ्लेंज पोर्शन में हो, XU लेस देन DF, डेप्थ ऑफ फ्लेंज हो। चलिए आगे बढ़ते, ये था केस नंबर वन। केस नंबर टू की तरफ मैं मूव करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, केस नंबर टू में न्यूट्रल एक्सिस इज इन दी वेब पोर्शन। जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ चुकी है, वेब पोर्शन में आ चुकी है, तो जब भी न्यूट्रल एक्सिस वेब पोर्शन में आ जाती है हमारे पास दो केस आ जाते हैं इसके अंदर। जब भी न्यूट्रल एक्सिस
आपकी वेब पोर्शन में आ गई है तो हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस तो ये आता है कि देखिए न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं न्यूट्रल एक्सिस में यदि आप देखेंगे स्ट्रेस ब्लॉक, तो स्ट्रेस ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन जोन में। पहले ये पैराबोलिक होता है, फिर ये क्या होता है रेक्टेंगुलर। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट होती है 3/7 ऑफ XU, है ना। तो ये जो 3/7 ऑफ XU है उसने पूरी तरीके से फ्लेंज को कवर कर रखा है। मतलब मैं ये बोल दूँ कि 3/7 ऑफ XU जो है वो बड़ा है या इक्वल है BF के, ये एक केस बनता है। मतलब इस सिचुएशन में आपका जो फ्लेंज है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है ना। तो ये मेरा था केस जब आपका वेव जो है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड हो, 3/7 ऑफ XU बड़ा है या बराबर है DF के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या करिए टी बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट्स कैसे डिवाइड करना है, एक तो आपको वेव पोर्शन लेना होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ बीम से। तो ये पूरा मेरे पास एक वेव आ गया है विद द इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, और अब बचता क्या है, एक पोर्शन ये बचता है BF माइनस BW बाई 2 का, और एक पोर्शन ये बचता है BF माइनस BW बाई 2 का। सो BF माइनस BW बाई 2 प्लस BF माइनस BW बाई 2 इज इक्वल टू BF माइनस BW। तो मेरे पास केवल कॉन्क्रीट बचा है या फ्लेंज में BF माइनस BW। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। जो वेव था वो एक रेक्टेंगुलर बीम बन चुका है सिंगली रेनफोर्स्ड। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है 0.36 FC के बी इंटू W। बी क्या हो जाएगा, क्योंकि वेव लिया है तो विड्थ ऑफ वेव हो जाएगा, BW हो जाएगा। यहाँ पर अब मेरे पास दो कॉन्क्रीट बचता है ना, BF माइनस BW बाई 2 का, BF माइनस BW होल डिवाइड बाई 2 का, है ना। मतलब टोटल जो कॉन्क्रीट बचा है फ्लेंज में BF माइनस BW का बचा है। कॉन्क्रीट में स्ट्रेस कितना होता है 0.446 FC के इंटू इसका एरिया, तो 0.446 FC के इंटू इसका एरिया क्या हो जाता है BF माइनस BW इंटू इसका डेप्थ DF, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गए। जैसे टोटल टेंसाइल फोर्स निकाल दो, जो आपका लीवर आर्म मतलब आपका जो वेब पोर्शन है उसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, वेब पोर्शन में हमें टेंशन AST डाला हुआ है, वो AST 1 होगा 0.875 AST 1। फिर जो इसका जो हमने फ्लेंज पोर्शन लिया है वो फ्लेंज पोर्शन में टॉप में तो कोई नहीं है लेकिन टोटल कंप्रेसिव फोर्स अवेलेबल है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम AST 2 डालते हैं। सो 0.875 AST 2, है ना। तो आपको AST 1 प्लस AST 2 टोटल AST के क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया, टोटल टेंसाइल फोर्स आ गया। आप क्या कर सकते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख के डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी निकालते हैं, यहाँ पर XU रख देंगे, है ना। और पहले वाले के लिए इस पहले वाले वेब के लिए लीवर आर्म क्या होने वाला है, सिंगली रेनफोर्स बीम में D-0.42 XU होने वाला है। तो जो XU अभी आपने निकाला टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स करके, वो XU की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दीजिए। प्लस अब जो हमारा फ्लेंज पोर्शन था उसके कारण क्या मोमेंट आने वाला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाला है, उसके लिए लीवर आर्म क्या हो जाएगा, डी माइनस आपका DF बाई 2, ठीक है। तो डी माइनस DF बाई 2 उसका लीवर आर्म होगा, तो इसकी ये टर्म बन जाएगी ये कंप्रेसिव फोर्स इंटू ये लीवर आर्म, ये कंप्रेसिव फोर्स इंटू ये लीवर आर्म, दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड किया, पूरे सेक्शन की फ्लेंज बीम की मुझे क्या मिल चुकी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल चुका है ना। अब AST 1 और AST 2 निकालना है, तो सिंपल निकाल सकते हैं AST 1 मतलब वेव पोर्शन में AST 1। तो वेब पोर्शन में क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, वेब पोर्शन का टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख दो। वेब पोर्शन का टोटल कंप्रेसिव फोर्स इतना रहा 0.36 FC के BW इंटू XU, वेब पोर्शन का टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा 0.875 AST 1। ये दो टर्म्स को इक्वल रख दो, AST 1 आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, फिर क्या कर सकते हैं, आपको यदि AST 2 निकालना है तो ये दो कंप्रेसिव फोर्स ऑफ फ्लेंज और टेंसाइल फोर्स जो आप एडिशनल AST डालने वाले हैं, टॉप में नहीं डाल रहे हैं, फ्लेंज के अंदर कोई AST नहीं डाल रहे हैं, अलग से एक्स्ट्रा हमें डालना होगा, क्योंकि आपका जो वेब पोर्शन है वो तो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुका है सीक्वल टू टी, लेकिन एडिशनल हमारे पास फ्लेंज पोर्शंस अवेलेबल है, इसके कारण कंप्रेसिव आ रहा है फोर्स एडिशनल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशनल टी भी डालना पड़ेगा ताकि सीक्वल टू टी हो जाए। तो यहाँ का सीक्वल टू यहाँ का टी कर दो, आपको AST 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप AST 1 प्लस AST 2 कर दिए, टोटल AST हो जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, बॉटम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका केस नंबर 2, है ना। बॉटम ये रहा, AST हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्या था, अब ये था आपका केस नंबर 2, जब जो फ्लेंज है यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है, मतलब 3/7 ऑफ XU ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज DF है। नेक्स्ट केस देख रहा हूँ, अभी भी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर है, वेब पोर्शन में है, XU बड़ा है DF से, लेकिन अब की बार क्या हो चुका है, 3/7 ऑफ XU इज लेस देन DF, मतलब क्या हो चुका है, जो आपका फ्लेंज पोर्शन है उसके अंदर रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक भी आ चुका है और उसके अंदर थोड़ा सा पैराबोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी आ चुका है। मतलब आपका फ्लेंज जो है अब की बार
यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, या तो फ्लेम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसका एनालिसिस करो, मतलब ये पूरा लेबोरियस वर्क होगा, टाइम टेकिंग वर्क होगा। तो इसके लिए क्या क्या है कोड ने, इन्होंने कहा है कि आप क्या करिए, इसका एनालिसिस ही पूरा सेम रहेगा, इस तरीके से ही रहेगा, केस नंबर थ्री का एनालिसिस भी एज अ केस नंबर टू, लेकिन आपको क्या करना है, हर जगह आपको डीएफ ना कंसिडर करते हुए इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज कंसिडर करना है। टोटल डेप्थ ऑफ द फ्लेंज वी वोंट कंसिडर, वी कंसिडर ओनली द इफेक्टिव पोर्शन, मीन्स द इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द फ्लेंज विल बी कंसिडरिंग। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फ्लेंज का फॉर्मूला क्या है, 0.15 XU प्लस 0.65 DF। ये फॉर्मूला का यूज़ करिए और ये सभी फॉर्मूले जो है ये यूजफुल होंगे आपके केस नंबर थ्री के लिए भी। चेंज इतना करना है कि जहाँ जहाँ DF दिख रहा है आपको वहाँ को YF लिखना है, यहाँ DF दिख रहा है यहाँ YF लिखा, फिर इसके अंदर हमें यहाँ DF लिखा उसको YF लिखा, यहाँ पे YF लिखा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी YF लिखा, इन सभी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। DF को YF से क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जैसे मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी देख लेते हैं, ये फॉर्मूला था, आप DF की जगह यहाँ पे YF रखें, हम यहाँ पर YF बाई 2 रखें, ये सभी फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कि मेरे पास कि ये जो इक्वेशन है YF इक्वल टू 0.15 XU प्लस 0.65 DF, इसकी एनालिसिस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि इनिशियली तो आपको XU की वैल्यू पता नहीं है ना, आप XU कैसे निकालते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख के निकालते हैं, और आपने टोटल टेंसाइल फोर्स की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन टोटल कंप्रेसिव फोर्स के अंदर आपके पास XU अननोन है, और यहाँ पे DF की जगह में जब मैं YF रखने वाला हूँ तो YF के अंदर XU की वैल्यू चाहिए, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं XU के एक रेंडम वैल्यू ले लेते हैं, XU के एक रेंडम वैल्यू ली, YF की एक वैल्यू निकाली, इस DF की जगह रखा है ना, और अब C इक्वल टू T रखा, उससे XU की वैल्यू निकाली, तो जो अभी XU की वैल्यू आ रही है वो यहाँ जो मैंने XU की वैल्यू एज्यूम की थी उसके इक्वल आ रही है, तो जो एज्यूम्ड वैल्यू इज ओके, अदरवाइज फिर वापस आप क्या करिए, कोई दूसरी वैल्यू लीजिए XU की, YF निकालिए, फिर उस YF को यहाँ पर रखिए और वापस से C इक्वल टू T करके फिर एक XU यहाँ पर निकालिए, वो यदि XU रिवाइज XU के बराबर आ रहा है तो अब आपका जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो XU वो करेक्ट हो चुका है, फिर उस XU का आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले में मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हैं, YF भी हमारे पास है, बस इस तरीके से हम मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इटरेशन आपको करने होंगे यदि आपके पास केस नंबर थ्री आता है, तो मतलब जो फ्लेंज है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड नहीं होता है। तो ये था आपका टी बीम या एल बीम या जिसको मैं कह सकता हूँ फ्लेंज बीम की एनालिसिस, किस तरीके से इसमें आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करना है, चाहे वो टी बीम हो, चाहे वो एल बीम हो, चाहे वो आइसोलेटेड हो या कंटिन्यूस हो स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे मैं क्या देख रहा हूँ कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन शियर की बात करता हूँ। अब तक मैं सब कुछ बात कर चुका हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, जिसके अंदर हमने देखा उसके अजम्पशंस, फिर उसमें सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम एंड फ्लेंज्ड बीम है ना। अब मैं इसके अंदर आगे करता हूँ, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन। शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस जब भी आते हैं हमें पता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं कैसा होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है ना। ये अलॉन्ग द लेंथ भी लगते हैं, मीन्स विड्थ साइड में भी लग रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट सेक्शन है, मतलब RCC है, यदि मैं बोलता प्योर कंक्रीट है तो मैं बोल सकता था कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं वो पैराबोलिक होने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन यहाँ पर RCC है तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो पैराबोलिक नहीं होगा। तो फिर ये कैसा होगा, ये क्या होता है कि हमें क्या करते हैं, हम RCC में हमारे पास ऊपर कंक्रीट होता है, नीचे भी कंक्रीट होता है, न्यूट्रल एक्सिस होती है, नीचे टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है, RCC बीम्स के मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि इस केस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो फर्स्ट पैराबोलिक होता है फ्रॉम टॉप ऑफ बीम टू दी न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक। उसके बाद ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है अप टू दी टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक। ये होता है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन RCC बीम। प्रिज्मेटिक बीम होता, मतलब होमोजीनियस बीम होता सेम मटेरियल का, तो ये थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन क्या होता, फ्रॉम टॉप ऑफ बीम टू द बॉटम ऑफ बीम कैसा होता, पैराबोलिक होता। लेकिन RCC में कैसा होने वाला है, फर्स्ट पैराबोलिक होने वाला है फ्रॉम टॉप ऑफ बीम टू द न्यूट्रल एक्सिस, एंड देन इट इज कॉन्स्टेंट अप टू द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। यहाँ से बॉटम तक नहीं ले जाना है आपको, जो भी एनालिसिस है टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो ये कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेट होगा आफ्टर द न्यूट्रल एक्सिस अप टू द टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक। तो ये था लिमिट स्टेट। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। जब भी शेयर स्ट्रेस ऑकर होते हैं तो उसको रजिस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वर्टिकल
डॉर्सल स्ट्रेप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंक्लाइन स्ट्रेप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे शेयर फोर्स आ रहा है वी यू, तो उसका आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक बीम है तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ वी, बी क्या है विड्थ है और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ है। आगे बढ़ते हैं, यदि मेरे पास हॉन्चेस है मतलब वेरिंग डेप्थ के सेक्शंस है, अभी गेट 2016 में या 15 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था आरसीसी में, इस फॉर्मूले पे बेस्ड था वो, ठीक है। तो जब भी मेरे पास हॉन्चेस होते हैं या फिर मेरे पास वेरिंग डेप्थ के बीम्स होती है, चाहे वो कैंटिलीवर हो सकती है चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो सकती है, ऐसे केसेस में मेरे को यदि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने आप देखेंगे प्लस माइनस साइन लगा रखा है, कब प्लस यूज़ करना है कब माइनस यूज़ करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर माइनस साइन का, देखो माइनस साइन आपको तब यूज़ करना है जब डेप्थ एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, है ना। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब डेप्थ और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में सपोज इंक्रीज हो रही हो तो आपको माइनस साइन यूज़ करना है। जैसे मैं बात करूँ इस हॉन्च की, इस कैंटिलीवर बीम की, आप देखिए डेप्थ भी इधर इंक्रीज हो रही है और बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सपोर्ट पे, जीरो कहाँ होता है, फ्री एंड पे, तो बेंडिंग मोमेंट भी इधर इंक्रीज कर रहा है, डेप्थ भी इधर इंक्रीज कर रही है, इसलिए मैं इस टाइप के केस में माइनस साइन यूज़ करूँगा। यदि मैं बोलता हूँ किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पर कैलकुलेट करो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो यहाँ पे कितना शेयर फोर्स लग रहा है किसी अप्लाइड लोड के कारण, वो वैल्यू जाएगी वी यू की। यहाँ पर कितनी स्मॉल डी अवेलेबल है वो आपको यहाँ रखना है, आपको यहाँ रखना है क्योंकि डेप्थ हर जगह वेरी कर रही है। फिर टेन बीटा क्या है, ये तो एंगल है, स्लोप है, ये आप निकाल सकते हैं इजिली। एम यू इस जगह पर कितना बेंडिंग मोमेंट अवेलेबल है सेक्शन एक्स एक्स, वो आपको पता होना चाहिए, माइनस साइन आपको यहाँ पर यूज़ करना है, आंसर मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पर कितनी वैल्यू होने वाली है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ कब मुझे पॉजिटिव साइन लेना है। अच्छा, जो यहाँ स्टेटमेंट में कहा उसका अपोजिट स्टेटमेंट, मतलब जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा हो और डेप्थ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो, मतलब बोथ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो देखता हूँ, एक एग्जाम्पल देखता हूँ, ये भी एक हॉन्च एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आप देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, मिड स्पैन पर होता है, और डेप्थ यहाँ पे कहाँ पर है, मैक्सिमम सपोर्ट पर है। मतलब आप देखिए यदि मैं इसको दो पार्ट्स में, मतलब इसका सेक्शन देखूँ, तो क्या देखेंगे कि डेप्थ इधर इंक्रीज कर रही है बट बेंडिंग मोमेंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, अप टू द मिड स्पैन तक हम बात करते हैं इसमें, इधर मिड स्पैन उधर मिड स्पैन, क्योंकि सिमेट्रिक बीम है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मुझे कैसा साइन यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव। आगे बढ़ता हूँ, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में ही इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया था पिछले गेट 2016 में आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जब भी आपको स्टेटअप्स डिज़ाइन करना होते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती है। आपने देखा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हम प्रोवाइड कर देते हैं कंक्रीट, अब जैसे आपने बीम डिज़ाइन किया अंडर द लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स इन द फ्लेक्चर कंडीशन, तो उसके अंदर हमने क्या कर रखा, टेंसाइल रेनफोर्समेंट बीम के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ऑलरेडी एक आरसीसी बीम डिज़ाइन है, मतलब केवल उसके अंदर मैंने बीम है उसमें कंक्रीट है और उसके अंदर स्टील रेनफोर्समेंट है बॉटम में, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, तो इसके कारण कंक्रीट एंड स्टील का एक कंबाइंड इफेक्ट के कारण हमें क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेंथ मिलता है, है ना। उसको मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पर टाउ सी से, है ना। ये जो वैल्यू है टाउ सी का, ये आपको टेबल नंबर 19 ऑफ आईएस 456 2000 में मिल जाएगा फॉर द गिवन परसेंटेज ऑफ एएसटी एंड द गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो कंक्रीट और एएसटी दोनों के कारण जो शेयर स्ट्रेंथ मिल रही है कंबाइंड एक्शन कारण, वो है मेरे पास टाउ सी। तो ऑलरेडी कितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, कितना कैपेसिटी शेयर फोर्स लेने की अवेलेबल है, टाउ सी इनटू बीडी, इतना शेयर फोर्स कैपेसिटी अवेलेबल है, है ना। मैं बोल रहा हूँ शेयर फोर्स कैपेसिटी अवेलेबल है मेरे पास 100 किलो न्यूटन की, और ये जो अप्लाइड शेयर फोर्स है टाउ वी इनटू बीडी से जो आया है वो अवेलेबल है सपोज मेरे पास 120 का, कैपेसिटी 100 की आ रहा है 120, रजिस्ट कितना करना है 20 किलो न्यूटन, 120 माइनस 100, 120 को मुझे रजिस्ट करना है, तो वो हो जाएगा वी यू एस का वैल्यू, टाउ वी माइनस टाउ सी बी डी, ये है इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू इसको रजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेप्स या तो आप डाल सकते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेप्स या तो डाल सकते हैं, बेंट अप बार डाल देते हैं। जनरली क्या होता है, बेंट अप बार्स अकेला नहीं डाला जाता, इसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेप डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रेप डाल सकते हैं, ये सब फॉर्मूले हो गए। वी यूज़ की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे भी वी यूज़ की वैल्यू पता है, वी यूज़ की वैल्यू मुझे पता है, है ना। 0.7 FY, ये आप क्या कर सकते हैं, वर्टिसम में वर्टिकल स्ट्रेप्स डाल रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, एस वी स्पेसिंग होता है स्टिरप्स का, क्योंकि कितनी स्पेसिंग हमें डालना है वो वी यू एस यहाँ से कैलकुलेट करके आप यहाँ रख दीजिए, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, ये ए एस पी क्या बता रहा है, बाकी सब वैल्यूज तो मुझे पता है, डी इफेक्टिव डेप्थ है, एफ आई ग्रेड ऑफ स्टील है। ए एस पी का क्या मीनिंग होता है, ए एस पी होता है एरिया ऑफ स्टिरप्स, है ना, कितना लेस्ड स्टिरप्स है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं टू लेस डिस्टर्ब्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। टू लेस डिस्टर्ब मतलब उसके टू लेग्स होंगे, इस तरीके से हम स्टिरअप डालते हैं, इसके टू लेग्स है तो टू लेग्स डिस्टर्ब इसको हम कहेंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ फोर लेग्स डिस्टर्ब्स, मतलब एक रिंग और फिर एक और रिंग, दो रिंग, कितने लेग्स हो गए यहाँ पर, फोर लेग्स, तो उसको बोलेंगे फोर लेग्स। यदि मैं तीन रिंग डाल रहा हूँ तो कितने हो जाएंगे, सिक्स लेग डिस्टर्ब, टू टू फोर सिक्स, सिक्स लेग्स डिस्टर्ब। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 mm 8 लेग डिस्टर्ब डालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये SV में 2 लेग्ड इन टू 8 mm है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर एट स्क्वायर, मतलब टू लेग्ड, तो टू का मल्टीप्लाई करना है, मैं फोर बोल रहा हूँ तो फिर फोर का मल्टीप्लाई करना है, जितना भी है उस इनटू इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जितना भी मैं ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करने वाला हूँ FY, वो 415 से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, जो परमिसिबल वैल्यू है वो है, मतलब जो मैक्सिमम ग्रेड ऑफ स्टील विच कैन बी यूज इन द शेयर रेनफोर्समेंट इज Fe415, क्योंकि Fe415 से आप ज़्यादा जाते हैं, हायर ग्रेड ऑफ स्टील पर जाते हैं तो स्टील की डक्टिलिटी कम होती चली जाती है, इसलिए वहाँ तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। मैं यदि बात करूँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की, है ना, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में आई डू नॉट गो बियॉन्ड Fe250 ग्रेड, राइट, वाई, बिकॉज आई वॉन्ट डक्टिलिटी इन माई स्ट्रक्चर। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ अल्फा की। अल्फा क्या है, जैसे इंक्लाइंड स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितना एंगल रखना है इंक्लाइंड स्टिरअप्स का, वो हो जाएगा आपका अल्फा, इट शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें तो पता है, ये एरिया ऑफ बेंट अप बार, जितना भी बेंट अप बार से उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये हो जाएगा। ये था आपका एनालिसिस लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन। अच्छा, इसके अंदर अब आपको क्या करना है कि कंडीशन चेक करना पड़ेगी। आपने पहले टाउ वी निकाल दिया, आपने टाउ से निकाल दिया, टाउ वी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वी यू डिवाइड बाई बी डी से, टाउ से टेबल नंबर 19 से फॉर द गिवन परसेंटेज ऑफ एस टी इन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रोवाइडेड, अभी यदि टाउ वी छोटा आ रहा है टाउ सी से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। और मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कहाँ से आप प्रोवाइड करेंगे, क्या मतलब हो गया टाउ वी छोटा है टाउ सी से, कि मेरे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्ट्रेसेस कम है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम आपको हमेशा प्रोवाइड करना ही करना है। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट यहाँ से प्रोवाइड कर दिए, ASV मिनिमम डिवाइड बाई BSV ग्रेटर देन 0.4 F, तो जो भी टू लेस्ड स्टिरअप्स है तो 2 × π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, फोर लेस्ड है तो 4 × π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, डी मीन्स द डायमीटर ऑफ बार की मैं बात कर रहा हूँ, 0.87 FY पता है, SV स्पेसिंग है, B विड्थ है। तो इन दिस फैशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट किसके लिए, इस केस में यदि टाउ वी बड़ा हो गया टाउ सी से, तो इसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अब आपको शेयर स्ट्रिप डिज़ाइन करना होंगे ये सभी फॉर्मूलेस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूलेस का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद टाउ वी यदि बड़ा हो गया टाउ सी मैक्स से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ टाउ सी क्या है और टाउ सी मैक्स क्या है। तो टाउ सी मैक्स क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट होता है ना, ये जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। जो मैंने टाउ सी किया वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज वेल एज परसेंटेज ऑफ ASD पर डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ ASD बढ़ाइए टाउ सी बढ़ जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाइए टाउ सी बढ़ जाएगा। लेकिन जो टाउ सी मैक्स है वो डायगोनल क्रैक्स का चेक लगाने के लिए हमें यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो डायगोनल कंप्रेशन का जो चेक होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी गेट 2016-17 में आया था एक क्वेश्चन कि डायगोनल कंप्रेशन का चेक यदि हम लगाना चाहें तो उसमें हमें क्या चेक करना पड़ता है, इसलिए हमें टाउ सी मैक्स चेक करना पड़ता है कि जो अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेसेस है, नॉमिनल स्ट्रेसेस है, वो टाउ सी मैक्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो टाउ सी मैक्स की भी परमिसिबल वैल्यूज आर गिवन इन दी कोड, है ना। तो टाउ सी मैक्स की परमिसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाउ सी मैक्स इन गिवन इन द कोड। जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाते चले जाएंगे टाउ सी मैक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका एक मैं नॉर्मल फॉर्मूला दे देता हूँ यहाँ पर, हालांकि कोड में नहीं दिया गया है, 0.62 √FCK क्या हो जाएगी टाउ सी मैक्स की वैल्यू किसी भी गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, 0.62 मींस 0.62 √FCK। ठीक है, वहां से टाउ सी मैक्स आप निकाल सकते हैं। यदि टाउ भी बड़ा हो गया टाउ सी मैक्स आपको रिडिजाइन करना ही पड़ेगा। तो यहां तक मैंने पूरी बात किसके कर ली है, मैंने बात कर ली है यहां पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स शेयर फॉर दी इस शेयर स्टिरअप्स के लिए। अब शेयर स्टिरअप्स के लिए मैंने जो स्पेसिंग लिखी है, तो क्या ये जो स्पेसिंग जो फॉर्मूला है, ये जो स्पेसिंग दे रहे हैं, क्या मुझे यही प्रोवाइड करना है, नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा इस स्पेसिंग को। कोई भी स्पेसिंग इस वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो हम रखेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन मिनिमम ऑफ दिस थ्री, है ना, मिनिमम ऑफ दिस थ्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
0.75 डी, यदि आप वर्टिकल स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो 0.75 डी, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्लाइंड रेटो इफेक्टिव डेप्थ डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन एनी केस चाहे कुछ भी हो, आपको 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखना है स्टिरप्स में, ठीक है, चाहे वो इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पूरी हमने बात किसकी कर ली है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन की, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन की। यहाँ तक ये हमारी दो बातें पूरी होती है। तीसरी बात की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि मेरे पास है टॉपिक यहाँ पर, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन कंडीशन है। टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, टॉर्क और टॉर्शन क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें। टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है अप्लाइड मोमेंट, है ना, टॉर्शन टॉर्शनल मोमेंट जिसको कह सकते हैं, और इस टॉर्क के कारण टॉर्शन आ रहा है ना, इफेक्ट है टॉर्क का, जो इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन कंडीशन में जब भी आपकी बीम के अंदर टॉर्क आ रहा है, टॉर्क कब आता है, जब भी बीम्स आप देखेंगे, यदि मैं बात करूँ छज्जे की, छज्जा मीन्स बालकनी की, जब भी बालकनी है तो हम कैसे बनाते हैं बालकनी, जैसे कि ये बीम जा रही है पूरी बिल्डिंग के एज पर, ये बिल्डिंग के बीम है जो कि एज पर प्रेजेंट है, इसके बाहर क्या निकला है, हमारा बालकनी निकला है, बालकनी ओवरहैंग है, तो बालकनी के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण, और जैसे कि लाइव लोड के कारण क्या होगा, बालकनी इस टाइप से इसके ऊपर क्या देगी, टॉर्क देगी अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, इसके ऊपर क्या लगने लाला है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द बीम, इसके ऊपर मोमेंट लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो ये बीम क्या करेगी, ऐसा रोटेट होने की कोशिश करेगी, उसमें टॉर्शन आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट करने के लिए एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टॉप में बॉटम में। तो उसकी डिज़ाइन कैसे करना है, उसके लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई अलग से उसकी डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स लिमिट स्टेट अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, सब जगह जहाँ जहाँ आपको शेयर फोर्स दिखता है उसको इक्विवेलेंट शेयर फोर्स से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट दिखता है उसको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट से रिप्लेस कर दो, हर जगह सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन कंडीशन में इक्विवेलेंट शेयर फोर्स आप निकालते हैं, एक तो शेयर फोर्स जो अप्लाइड लोड के कारण आ रहा है, वर्टिकल लोड्स के कारण, प्लस जो टॉर्क आपके पास लग रहा है टी यू, फैक्टर्ड वैल्यू लेना है हमें, ठीक है, फैक्टर्ड वैल्यू मतलब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं यहाँ पर लोड्स के लिए, लिमिट स्टेट मेथड में 1.5 का, तो यदि नॉर्मल टॉर्क लग रहा है, अनफैक्टर्ड वैल्यू है, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्ड करना है, और फिर उसको इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम फोशन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए। डी क्या है, ग्रॉस डेप्थ ऑफ द बीम है, बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम है, एम यू, ये वी यू एम यू क्या है, ये अप्लाइड डेड लोड एंड लाइव लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट्स है, तो ये टोटल हो गए। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट करिए बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क, तो वहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ इतने टर्म को कैलकुलेट करना है, या फिर शेयर फोर्स पूछे तो सिर्फ इतने टर्म को करना है, जब तक वो टर्म इक्विवेलेंट आगे ना लिखे तब तक आपको ये दो ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट मतलब कंबाइंड वैल्यू हो चुकी है ना, टॉर्क के कारण केवल इतना आ रहा है, टॉर्क के कारण केवल इतना आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट शेयर फोर्स निकाल दिया, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो भी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन के फॉर्मूले थे, सभी जगह जहाँ मैं एरिया ऑफ एस टी निकालने की बात करता था, जहाँ पे मैं एरिया ऑफ एस टी कैसे निकालता था, मेरे पास फॉर्मूला होता था एक एरिया ऑफ एस टी का, क्या था फॉर्मूला, 0.5 एफ सी के बाई एफ वाई वन माइनस अंडर रूट वन माइनस 4.6 एम यू डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ये एक फॉर्मूला था मेरे पास एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का। एक फॉर्मूला और बन जाता था, क्या बन जाता था, एम यू डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई इंटू लीवर आर्म, जो भी बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एम यू को एम यू इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला आपका वैलिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर कंडीशन की मैं बात करूँ, तो शेयर में भी आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वी यू दिखता है उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, वी यू इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेस था, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस में क्या है, ये वी यू है, नॉमिनल शेयर फोर्स, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, वी यू इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। अब इसके लिए पूरी एनालिसिस कर दीजिए, तो आपको फिर शेयर स्ट्रेस डिज़ाइन करना आ जाएगा अंडर द टॉर्शन इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, नॉमिनल यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट किया, जो कि इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस में कह सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट शेयर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू डी इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि मैंने इफेक्टिव एरिया यहाँ पर क्या लिया है, लिया है। आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं क्या है यहाँ पर, कि यदि आपका टाउ भी इक्विवेलेंट छोटा है टाउ से ही, तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करना है, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है जैसा कि हमने शेयर केस में देखा था, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला है जैसा कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया था,
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यदि किसी केस में मेरे पास टाउ वी इक्विवेलेंट बड़ा हो चुका है टाउ सी से, लेकिन टाउ वी इक्विवेलेंट लेस देन है टाउ सी मैक्स से, तो इसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्शंस को शेयर एनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं शेयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। एस वी जो है वो स्पेसिंग है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। वी यू है हमारे पास, ए एस वी है, डी वन है, बी वन है, यहाँ पे सभी वैल्यूज लगभग मुझे पता है कि इसका क्या मीनिंग होता है, सभी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ जो आपको पता करना है टी यू, तो जो फैक्टर टॉर्क है वो है, आपको जो वैल्यूज यहाँ पे पता करना है वो सिर्फ बी वन और डी वन की है। मैं आगे अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ क्या होता है बी वन एंड डी वन, तो आपको सिर्फ बी वन और डी वन यहाँ पे चाहिए। यदि आपके पास ये टाउ वी इक्विवेलेंट ग्रेटर देन टाउ सी होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है उसमें ये चेक भी लगाना पड़ेगा कि हर आपको या तो स्पेसिंग इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर इस स्पेसिंग इस फॉर्मूले में से निकाल लो, दोनों में से जो कम स्पेसिंग आएगी वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी आपके पास टाउ वी इक्विवेलेंट ग्रेटर देन टाउ सी होता है, तो एक स्पेसिंग आप इस फॉर्मूले से निकालिए, दूसरी स्पेसिंग आप इस फॉर्मूले से निकालिए, दोनों में से जो छोटी स्पेसिंग है वही आपको क्या करना पड़ेगी, आपके सेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, उसको भी आगे चेक करना पड़ेगा फॉर द गिवन वैल्यूज़ के लिए, आगे देखते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट केस क्या आ जाता है, टाउ वी इक्विवेलेंट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है, तो अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है रीडिज़ाइन, तो आपको सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन से क्या मतलब होता है मेरा, रीडिज़ाइन से मतलब होता है या तो मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाऊँ, ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाऊँ, क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाने पर टाउ सी बढ़ जाता है ना। अब टाउ वी इक्विवेलेंट में और मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उसमें क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन बी एंड डी भी बढ़ा सकता हूँ, ये होती है रीडिज़ाइन का मीनिंग। आगे बढ़ता हूँ मैं इसके अंदर, मैं देखता हूँ कि जब यदि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ टाउ वी लेस देन टाउ सी के लिए या टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी के लिए, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन, तो वहाँ पर जैसे मिनिमम स्पेसिंग कितनी रखना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्योर शेयर के केस में बताया था मिनिमम स्पेसिंग जो है इन तीन से मिनिमम होना चाहिए, जो हमें मैक्सिमम स्पेसिंग है वो इन तीन की मिनिमम होना चाहिए, ये हम भी हमने बात की। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग है दैट शुड बी द मिनिमम ऑफ दिस थ्री वैल्यूज, एक्स वन प्लस वाई वन बाई फोर एंड 300 mm। एनी केस में 300 से हमें ज़्यादा जाना ही नहीं है, चाहे वो शेयर का प्योर शेयर का केस हो या कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन हो। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास ये एक बीम क्रॉस सेक्शन है, यहाँ जो मैंने बी वन एंड डी वन की बात की वही बी वन और डी वन और एक्स वन एंड वाई वन क्या है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर ये आप देख लीजिए जो हैच्ड है वो क्या है मेरा, स्टिरअप्स है प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, और ये जो फोर डॉट्स दिख रहे हैं आपको ये क्या है मेरे स्टील रेनफोर्समेंट्स है। तो जो बी वन है वो अलॉन्ग द विड्थ ऑफ दिस सेक्शन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है स्टील रेनफोर्समेंट्स की और कॉर्नर स्टील रेनफोर्समेंट की, और डी वन क्या है अलॉन्ग द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन कॉर्नर स्टील रेनफोर्समेंट मेन रेनफोर्समेंट के बीच की क्या है डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं ये बी वन है, ये डी वन है। अब एक्स वन और वाई वन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, स्पेसिंग में कैसे आ जाएंगे, एक्स वन और वाई वन है यहाँ पर आपके वर्टीरप जो स्टिरप्स आपने प्रोवाइड करे हैं उनकी अलोंग द विथ साइड में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो जाएगी लेग्स के बीच में, स्टिरप्स के लेग्स के बीच में, और जो वाई वन है वो हो जाएगी अलोंग द डेप्थ स्टिरप्स के लेग्स के बीच में, जो हॉरिजॉन्टल लेग्स है उसके बीच में की डिस्टेंस वाई वन। तो एक्स वन वाई वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, इन तीनों में से जो मिनिमम आए वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिरप्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे उतनी स्पेसिंग में कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। तो ये था आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी टॉर्शन कंडीशन, अंडर दी टॉर्शन कंडीशन। तो अभी तक हमने बात कर ली लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्सर कंडीशन, अंडर दी शेयर कंडीशन एंड अंडर दी टॉर्शन कंडीशन, है ना। तो अच्छा मैं एक बार और फिर कंफर्म कर रहा हूँ कि जितने भी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्सर कंडीशन के फॉर्मूले हैं, जितने भी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी शेयर कंडीशन के फॉर्मूले, वो सभी वैलिड होंगे इस अंडर दी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन टॉर्शन कंडीशन के लिए। ठीक है, सिर्फ ये जो शेयर वाले हैं थोड़े से चेंज होंगे, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं पे माइनर से चेंजेस होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी डन। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मैं अभी डिज़ाइन किया हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन में बीम्स को मैंने डिज़ाइन किया है, उसके अंदर मैंने आपको एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना सिखाया है। डबली रेनफोर्स्ड बीम की जब मैंने बात की तो आपको कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना सिखाया है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात की तो मैंने बॉटम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना सिखाया है, फ्लेंज बीम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमने बात की। तो हर केस में चाहे वो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट टेंशन रेनफोर्समेंट हो, किसी भी कंडीशन में जो टोटल एरिया ऑफ ए एस टी है उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है वो है आपकी
4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो बीम है उसका जो ग्रॉस एरिया है वो कैपिटल बी बाय कैपिटल डी है. कैपिटल डी मीन्स ग्रॉस डेप्थ, कैपिटल बी मीन्स ग्रॉस विड्थ. तो ऐसी केस में कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी का जो 4% होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील का. ऐसा मैक्सिमम लिमिट इसलिए दे रखा है क्योंकि जब यदि आप बहुत सारा स्टील डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, जिसके कारण कंपैक्ट करने में, कंक्रीट के कंपैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है. और कंक्रीट प्रॉपर कंपैक्ट नहीं होता है तो फिर एक समय के बाद वो फेल होने लगता है, नंबर ऑफ क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं. आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट. अच्छा, मिनिमम रेनफोर्समेंट की भी लिमिट दे रखी है कि इतना तो आपको डालना ही डालना है रेनफोर्समेंट, क्योंकि सिस्टम में हमें क्या करना होता है, मिनिमम डक्टिलिटी मेंटेन करके रखना होती है. तो और कंक्रीट तो प्योर ब्रिटल मटेरियल है, तो उसकी डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमें मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट हमें डालना ही डालना चाहिए. तो कैसे डालना है, वो एएसटी मिनिमम जो है टेंशन रेनफोर्समेंट का, ये मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0.85 डिवाइड बाय FY इनटू BD से. यहाँ पे तो ग्रॉस आपका जो BD है वो ग्रॉस एरिया नहीं है, B क्या है यहाँ पर, B है आपका विड्थ और स्मॉल D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ. तो आपको इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लेना है. FY क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, 0.85 ओके. तो अभी गेट 2016 में शायद 2 मार्क्स के लिए क्या हुआ था, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने को दिया गया था. तो इन फॉर्मूला का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद मैं करता हूँ, काफ़ी बार पूछा जाता है डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूले से क्वेश्चन, किस तरीके से आप डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है मेरे पास, कि मैं मिनिमम लेंथ हमेशा मुझे रखना होती है, चाहे वो मैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में रखूँ, चाहे मैं टेंशन रेनफोर्समेंट रखूँ, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, चाहे HYSD बार हो, मुझे मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ रखना ही होती है, ताकि जो स्टील रेनफोर्समेंट है वो इजीली कॉन्क्रीट में से बाहर ना आ जाए, है ना. तो मिनिमम डेप्थ हमें, मिनिमम जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमें रखना ही होती है. अच्छा, तो कैसे निकालते हैं मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ, वो निकालते हैं हम बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील. तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर टाउ BD से, है ना. IS-456 में टाउ BD की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है फॉर द डिफरेंट क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, मतलब उन्होंने क्या दिया है, प्लेन रेनफोर्समेंट्स की वैल्यू दे रखी है टाउ BD के अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि LD जो है, LD आपका क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, इट इज़ इक्वल टू 0.87 FY. यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं सही तरीके से, ये आपका 0.87 FY इंटू 5. FY तो ग्रेड ऑफ क्या हो चुका है, स्टील रेनफोर्समेंट, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट लेंथ डालने वाले हैं, है ना. और 5 क्या हो जाता है, 5 आपका हो जाता है डायमीटर ऑफ दैट बार. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बार हो गया है, और जिसके लिए हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालना है 4 टाउ BD. अच्छा, ये जो टाउ BD है, ये टाउ BD आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन, मतलब IS-456-2000 ने टाउ BD बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी दे रखी है फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, प्लेन रेनफोर्समेंट के लिए, इन टेंशन जोन. 3 चीज़ें याद रखना है, टाउ BD की वैल्यू IS कोड ने किसके लिए दे रखी है, प्लेन रेनफोर्समेंट के लिए, मतलब Fe-250 के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, इन टेंशन जोन, है ना. यदि मेरा स्टील रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में तो वैल्यू कुछ अलग होगी, कोड ने केवल टेंशन जोन की दे रखी है, वो भी माइल्ड स्टील के लिए. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंक्रीज, यदि सपोज आपके पास टेंशन जोन में ही माइल्ड स्टील है, तो जो भी कोड ने वैल्यू दे रखी है सीधे वो वैल्यू आप टाउ BD की यहाँ पर रख दीजिए. लेकिन मैं बोल रहा हूँ टेंशन जोन में आपके पास HYSD बार है, तो जो वैल्यू कोड ने दे रखी है टाउ BD उसको 60% बढ़ा दीजिए. तो यहाँ लिख रखा है इंक्रीज टाउ BD बाय 60% फॉर HYSD, मतलब जो भी टाउ BD की वैल्यू उसमें 1.6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेंशन जोन में की बात खत्म करते हैं, अब मैं जा रहा हूँ कंप्रेशन जोन में. कंप्रेशन जोन में माइल्ड स्टील रखा हुआ है, तो इस टाउ BD को 25% बढ़ा दीजिए. मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज टाउ BD बाय 25% फॉर द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. कंप्रेशन जोन में डब्ली रेनफोर्स बीम की बात कर रहा हूँ, कंप्रेशन जोन में माइल्ड स्टील है, तो इस टाउ BD को कितना बढ़ाना है, 25 टाइम्स, मतलब टाउ BD में 1.25 का मल्टीप्लाई करना है. अब मैं क्या ले रहा हूँ, कंप्रेशन जोन में HYSD बार प्रेजेंट है, तो 2 चीज़ें करना पड़ेगी. कंप्रेशन जोन में है तो 1.25 टाइम्स आपको इंक्रीज करना है, और कैसा स्टील है,
HYSD ले तो 60% फी और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो टाउ बीडी के अंदर कंप्रेशन, टाउ बीडी के में आप 1.25 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म्स का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप कंप्रेशन जोन में HYSD बैप प्रोवाइड कर रखें। तो ये पूरा हो चुका अब तक का आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंदर फ्रैक्चर कंडीशन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन शेयर कंडीशन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन टॉर्शन कंडीशन, और डेवलपमेंट लेंथ की, मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की, मैक्सिमम स्पेसिंग की, यहाँ हमने क्या किया है, कितना रेनफोर्समेंट रखना है, क्या रखना है, ये पूरा हमें बात कर लिया है। तो यहाँ तक का आपका तीन जो क्लासेस होती, तीन जो मेथड्स होती, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, अंडर द शेयर कंडीशन, अंडर द टॉर्शन कंडीशन, ये कंप्लीट होती है। अब हम बात करने वाले हैं कंप्रेशन कंडीशंस के बारे में, ठीक है। उसके पहले जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, स्लैब में बात करूं या बीम में बात करूं, है ना, तो या मैं स्टेयर केस में बात करूं, तो उन जगह पर इफेक्टिव स्पैन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इफेक्टिव स्पैन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका बेंडिंग मोमेंट क्या बनना चाहिए, WL²/8, है ना। तो एल कौन सा लेना होगा आपको, इफेक्टिव लेना होगा। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए मेरे पास अलग अलग वैल्यूज है इफेक्टिव स्पैन की, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम कंप्रेशन के अंदर कॉलम्स की डिज़ाइन देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, फुटिंग्स के एनालिसिस एंड डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन्स की। हमें क्या है कि जो अभी हमने बात किया लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर शेयर और टॉर्शन में, जो भी हमने बीम्स की डिज़ाइन वगैरह देखी है, हो सकता है अब हम बात करें स्लैब का, स्टेयर केस का, बीम्स में, इन सभी में हमें किस तरीके से इफेक्टिव स्पैन्स निकालने होते हैं। चाहे मैं बात करूं डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स की, चाहे मैं बात करूं डिज़ाइन ऑफ बीम्स की, जहां भी मैं बात करता हूं उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। क्यों बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके ही मैं उस सेक्शन के डेप्थ और उसमें एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है वो कैलकुलेट करता हूँ। तो अब सबसे पहला टास्क मेरा यहाँ पर होना चाहिए, मुझे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते आना चाहिए कि कितना बेंडिंग मोमेंट ऑकर होने वाला है, चाहे वो बीम हो या स्लैब हो। अब वो बेंडिंग मोमेंट में जब कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं ये सपोज मान लूँ कि आपका जो सेक्शन है वो सिंपली सपोर्टेड है, या फिर कंटिन्यूस है, या कैंटिलीवर है, जो भी है आपका बीम या स्लैब या स्टेयरकेस। ऐसे केसेस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि इफेक्टिव स्पैन हमें कंसिडर करना होता है, क्योंकि WL, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम का, उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर होने वाला है वो कहाँ पर ऑकर होने वाला है, दैट विल बी ऑकरिंग एट द मिड स्पैन, एंड द वैल्यू विल बी WL²/8। WL²/8 के बाद में यदि देखूँ तो W यहाँ पर मुझे क्या लेना चाहिए, UDL फोर्स होता है जो किलो न्यूटन पर मीटर में हो सकता है, और ये फैक्टर्ड वैल्यू होना चाहिए, है ना। फैक्टर कितना लेना है हमें लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स IS-4562000 रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें लेना होगा 1.5, ठीक है, डेढ़ टाइम मीन्स 1.5 टाइम हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, W की बात हो चुकी है, L²/8 है, तो L जो यहाँ पर है वो है इफेक्टिव स्पैन, है ना। आपको इफेक्टिव स्पैन कंसिडर करते हुए इसमें क्या करना है, शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करना होगा और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना होगा। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके मैं क्या कर लूँगा, उसके अंदर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लूँगा, डेप्थ रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर लूँगा, शेयर फोर्स WL/2, WU रहेगा मतलब फैक्टर रहेगा, L/2, L क्या रहने वाला है यहाँ पर आपका, L रहेगा इफेक्टिव स्पैन, ये शेयर फोर्स की वैल्यू होगी एट द सपोर्ट। जहाँ पे भी आपको शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना है आपको इफेक्टिव स्पैन एंड फैक्टर लोड लेके कंसीडर करना होगा। फैक्टर लोड मैं बता चुका हूँ, इफेक्टिव स्पैन हमें लेना होता है शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स का यूज़ क्या रहेगा, शेयर फोर्स का यूज़ हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, किस तरीके से हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर देखा था मैंने नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू VU/BD, तो वहाँ पर VU की वैल्यू कैलकुलेट करते समय भी आपको इफेक्टिव स्पैन की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या पड़ रहा है, इफेक्टिव स्पैन की जरूरत पड़ रहा है। तो बात करते हैं हमें किस तरीके से इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना चाहिए। अभी रिसेंटली गेट 2018 में ही आई थिंक क्या हुआ था कि इफेक्टिव स्पैन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सिंपली सपोर्टेड स्लैब था वो, तो उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना था। बात करते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग केसेस में, अलग अलग टाइप की बीम्स में हम यहाँ पर या स्लैब्स में इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यदि मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है या स्लैब है, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, इफेक्टिव स्पैन जो होगा, है ना, ऐप तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका मतलब क्या, या स्लैब इसका मतलब क्या होगा, एक बीम होगी या स्लैब होगी जो कि दो सपोर्ट्स पर टिकी हुई होगी, है ना। तो सपोर्ट्स की जो विड्थ है, एक सपोर्ट की विड्थ क्या है W, दूसरे सपोर्ट्स की विड्थ है W, या W1 W2 ऐसा आप कह सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि दोनों सपोर्ट्स की विड्थ क्या है, इक्वल है, अपन इक्वल भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी मैंने क्या किया, दोनों की विड्थ इक्वल है, और L नॉट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं मान रहा हूँ कि जो बीम है उसकी क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन मतलब क्या होता है, सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस,
है ना, दैट कैन बी मेजर्ड सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। तो जो इफेक्टिव स्पैन है इसी सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब में, वो होता है क्लियर स्पैन, कुछ पीपल एल सी से भी शो करते हैं, यहाँ पे मैंने एल नॉट से शो कर रखा है, एल नॉट प्लस हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ वन सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ सेकेंड सपोर्ट, विड्थ मीन थिकनेस भी मैं बोल सकता हूँ, तो ये एक हो जाएगा, और एल नॉट प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन, वो आप क्या देख सकते हो, आप इन दोनों में से जो भी कम हो दैट विल बी योर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन, विच एवर इज लेस। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस बीम है या स्लैब है तो उसके अंदर दो केसेस बनते हैं, दो आपको कंडीशन देखना है, एक तो कंडीशन इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन एल नॉट बाय 12, मतलब जो कंटिन्यूस बीम है या स्लैब उसके अंदर जो सपोर्ट्स है उसकी जो विड्थ होने वाली है यदि वो एल नॉट बाय 12 से छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना होगा कंटिन्यूस बीम या स्लैब में, वो सेम ये कंडीशन का यूज़ करते हुए ही करना पड़ेगा जो आपने सिंपली सपोर्टेड में यूज़ किया था, क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वन सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ सेकेंड सपोर्ट, और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ विच एवर इज लेस इन बिटवीन दिस टू, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्पैन इन द कंटिन्यूस बीम वेन द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन एल नॉट बाई 12, एल इज द क्लियर स्पैन, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको यही फार्मूला यूज़ करना है जब ये वाली कंडीशन आती है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि यदि आपके पास कंटिन्यूस बीम और स्लैब है तो उसके अंदर यदि विड्थ ऑफ सपोर्ट जो हो रहा है या थिकनेस ऑफ सपोर्ट मैं कह दूँ वो बड़ा हो रहा है एल नॉट बाई 12 से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। ये वाला केस हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक कंटिन्यूस बीम बना रखा है, आप देखेंगे इस वाले सपोर्ट का क्या नाम दूँ कि दिस इज इंटरमीडिएट सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट सपोर्ट, बट यहाँ पे समझने की बात क्या करना है, द नेक्स्ट सपोर्ट इज फिक्स्ड, नेक्स्ट सपोर्ट इज फिक्स्ड, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पैन है, जो क्लियर स्पैन एल नॉट वन है, इसका क्लियर स्पैन एल नॉट टू है, इसका एल नॉट थ्री है, तो यहाँ पर जो होने वाला है वो सेम होने वाला है इफेक्टिव स्पैन के बराबर, इज इक्वल टू क्लियर स्पैन। तो यहाँ का जो इफेक्टिव स्पैन होगा इस बीम का कंटिन्यूस है इस पोर्शन का, वो एल इफेक्टिव एल नॉट के वन के बराबर ही होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है, यहाँ पर इसी कंडीशन में ये वाला जब स्पैन होता है जिसका एक एंड फिक्स है और नेक्स्ट एंड का अगला क्या है फ्री है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एल इफेक्टिव क्या बन जाएगा, इसमें भी एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट टू बनता है। लेकिन यदि मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि मतलब इसका नाम क्या है कि एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट टू, मतलब जिसका एक सपोर्ट क्या हो कंटिन्यूस हो, दूसरा सपोर्ट क्या हो डिसकंटिन्यूस हो, ऐसी कंडीशन में भी क्या है एल नॉट टू है। यहाँ पर देखते हैं कि एल नॉट थ्री की कंडीशन में क्या है कि जो नेक्स्ट एंड है वो क्या है ओवरहैंग है, लेकिन इधर के जो एंड्स है वो क्या है कंटिन्यूस है, तो ऐसी कंडीशन में एज अ कैंटिलीवर ये बिहेव कर रहा है ओवरहैंग है, तो आप क्या कर सकते हैं एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट थ्री प्लस डी बाई टू, डी मतलब इस जगह की स्लैब या बीम का इफेक्टिव डेप्थ है, और एल नॉट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू मतलब डब्ल्यू क्या हो गई है विड्थ हो चुका है ना, तो इसका हाफ, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। तो याद रखना है कि दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है तो सेम रहेगा इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन के बराबर रहेगा, एक जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है आगे उसके बाद, मतलब कोई दूसरा सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो एल इफेक्टिव विल बी योर क्लियर स्पैन हो जाएगा अगेन, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास एल इफेक्टिव क्या रहेगा एल नॉट थ्री प्लस डी बाई टू और एल नॉट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू रहेगा। एक बात मैं मुझे थोड़ी सी जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि ये क्विक रिवीजन का वीडियो है इसके अंदर हमें डिटेल में बात नहीं करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से कि हमेशा एल इफेक्टिव जो है यहाँ पर फिक्स्ड बीम के केस में हम क्लियर स्पैन ही क्यों ले लेते हैं, हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जब भी एल इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, जब भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं सेंटर टू सेंटर बनाते हैं, है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए हम सपोर्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए क्या बनाते हैं हम इफेक्टिव स्पैन बनाते हैं, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स्ड बीम के केस में, या मैं कंपेयर करूँ फिक्स्ड बीम को सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एंड पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एंड पर बेंडिंग मोमेंट होता है सिंपली सपोर्टेड के बीम में ज़ीरो, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है और बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है इसका मतलब क्या हो चुका है कि अब और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है मिड स्पैन पर होता है, ठीक है, एंड पर डेप्थ कितना अवेलेबल है सिंपली सपोर्टेड के बीम में, जितना डेप्थ आपका मिड स्पैन पर अवेलेबल है उतना ही डेप्थ आपका
सपोर्ट पे भी अवेलेबल है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड बीम की, तो फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि फिक्स्ड बीम के एंड पर कुछ अलग डेप्थ अवेलेबल होता है, मिड स्पैन पर कुछ अलग डेप्थ अवेलेबल होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास फिक्स्ड बीम होती है, इसका मतलब ये है कि उसके नीचे जो कॉलम्स है ना, उसके नीचे के कॉलम जो है, बीम और कॉलम के बीच में कनेक्टिविटी है। आप बीम का रेनफोर्समेंट कॉलम में ले गए हैं अप टू द डेवलपमेंट लेंथ प्लस एंकरेज लेंथ समथिंग समथिंग, तो उसके कारण क्या हो चुका है, जो फिक्स्ड बीम का एंड है जिस पे आपने कॉलम प्रोवाइड रखा है, वो कॉलम इज एक्टिंग एज अ डेप्थ ऑफ फिक्स्ड बीम एट द एंड्स। तो दोनों एंड्स पर बहुत सारी डेप्थ अवेलेबल है। जब दोनों एंड्स पर बहुत सारी डेप्थ अवेलेबल है, देन वाई टू इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव हम लेते क्यों हैं, हम चाहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड के केस में बेंडिंग मोमेंट हमें ज़्यादा मिल जाए, डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो एल जो है हमें इफेक्टिव लेना ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट मिले तो हम ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड कर सकें सपोर्ट के केस में। लेकिन ऑलरेडी फिक्स्ड बीम में क्या है कि फिक्स्ड बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन सपोर्ट्स पर डेप्थ कितनी अवेलेबल है, इनफाइनाइट डेप्थ अवेलेबल है किसी भी बिल्डिंग में जब भी आपके पास फिक्स्ड बीम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर एल इफेक्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना ले सकते हैं वहाँ, कोई बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इफेक्टिव वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल होती है ना फिक्स्ड बीम के केस में। तो इसलिए मैं वहाँ पर इफेक्टिव नहीं लेता हूँ, क्लियर स्पैन सीधे ले लेता हूँ ना। तो ये थोड़ा सा मैंने पिक्चर इसका बताया कि हालांकि ऐसा क्यों मैं ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कैंटिलीवर बीम और स्लैब की बात करूँ मैं, तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी बाई टू होता है। डी जो होता है आपका क्या हो सकता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, एल नॉट क्लियर स्पैन है। तो यहाँ पर जैसा कि एक ये भी ओवरहैंग था, कैंटिलीवर में भी एक एंड फिक्स्ड होता है दूसरा फ्री होता है, तो उसी वही कंडीशन थी एल नॉट थ्री प्लस डी बाई टू, उससे आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ओवरहैंग इस पोर्श इस तरीके से कंटिन्यूस होने के कारण ओवरहैंग जो होता है उसके अंदर आपको एल नॉट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू भी कैलकुलेट करना और फिर इन दोनों में से जो मिनिमम हो वो लेना होता है। ठीक है, तो ये थे आपके बीम और स्लैब के अंदर। बात करते हैं यदि स्टेयर केस की, तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं स्टेयर केस में से। गेट में एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करने के लिए स्लैब के अंदर। तो जनरली देखिए स्लैब के अंदर डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं स्टेयर केस में, कि आपका जो सॉफिट स्लैब है, स्लैब मतलब स्टेयर केस का, वो या तो बीम पर सपोर्टेड होगा। यदि बीम पर सपोर्टेड होता है तो आपको क्या करना चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना चाहिए, है ना, वो आपका इफेक्टिव स्पैन होता है। लेकिन यदि मैं एक कंडीशन देखूँ स्टेयर केस में कि लैंडिंग्स आर सपोर्टेड, जो लैंडिंग्स है ये पोर्शंस, लैंडिंग्स आर सपोर्टेड ऑन साइड वॉल, मतलब साइड में हमारे पास वॉल है ना, और इस वॉल के ऊपर आपकी लैंडिंग्स है, ठीक है, लैंडिंग्स है, और लैंडिंग्स के ऊपर आपकी क्या टिका हुआ है, स्लैब्स टिका हुआ है, समझ रहे हैं। तो स्लैब्स मतलब जो स्टेयर केस की जो सॉफिट स्लैब्स होती है वो, तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप का आपको फिगर देखने को मिलेगा, है ना। तो आपका जो ये लैंडिंग पोर्शन है ये वॉल्स पे टिका हुआ है, इधर वॉल्स पे टिका हुआ है, और ये जो स्लैब्स आपने बना रखी है, एक अप है एक डाउन है, मतलब एक गोइंग है ना, एक ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो ये दो जो है वो किस पर टिकी हुई है, लैंडिंग्स पर टिकी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इफेक्टिव स्पैन यदि इसका निकालना चाहते हैं तो आप देखिए ये है आपका जी गोइंग, इसको लैंडिंग को नाम दो 2x, इस लैंडिंग को नाम दो हमने 2y, तो आपको जो इफेक्टिव स्पैन होता है दैट विल बी इक्वल टू जी प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ का हाफ लेना है, हम क्या करते हैं कुछ इस फैशन में लेते हैं, इसको हाफ किया, यहाँ पर भी हमने इसको क्या किया, हाफ किया। काफ़ी पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बन जाएगा। सो जी प्लस एक्स प्लस वाई, कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक कंडीशन हमेशा हमें याद रखना है कि जो हाफ हो रहा है, मतलब इतना एक्स है इतना वाई है, तो ये जो एक्स है ये कभी भी एक मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 1000 mm, ठीक है। ऐसे ही वाई का भी है कि शुड नॉट बी मोर देन 1000 mm। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x का वैल्यू जो है वो 2.2 मीटर है, 2x का वैल्यू 2.2 मीटर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.1 मीटर, मतलब 1100 mm। तो आपको कितना मैंने परमिसिबल बोला है, 1000 mm, 1000 mm, 1 मीटर, तो आपको x का वैल्यू फिर वहाँ पर कितना रखना होगा, 1.1 मीटर न रखते हुए 1 मीटर रखना होगा। तो जब भी कोई कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर x का वैल्यू या y का वैल्यू x मीटर से बड़ा आता है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू x की 1 मीटर ही रखना पड़ेगी। और यदि छोटा आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2x इज इक्वल टू 1400 है, तो x इज इक्वल टू 700 है, मतलब एक से छोटा है, तो आप
एज इट इज एक्स इज इक्वल टू 700 mm यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं स्लैब्स की बात करूँ यहाँ पर, है ना, तो इसके अंदर हम कोई डिज़ाइन पोर्शन तो सब पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत क्विक रिविजन है ये, तो डिटेल में हम इसमें बात नहीं कर सकते। और हालांकि स्लैब में से कभी बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम होए, ज़्यादातर फ्रेम होने के चांसेस होते हैं बीम्स से, ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं कॉलम से, ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं आपके क्या कहते हैं अपना ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी मैं स्लैब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पर स्लैब जो है वो वन वे हो सकती है, टू वे हो सकती है। बेसिक आइडिया जो होता है स्लैब डिज़ाइन का, इट विल बी सेम लाइक बीम ओनली। आपके पास बीम है, आप उसमें क्या करते हैं, बीम के अंदर बीम का स्पैन आपको पता है, बीम के ऊपर लोड्स आपको पता है, बीम में आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन के जो मेरे पास फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले अवेलेबल है मेरे पास, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वगैरह में निकालता था, वो मुझे स्लैब में नहीं करना है। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकालना है, हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जो मैंने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है उसके लिए मुझे डेप्थ निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पास डेप्थ का क्या फॉर्मूला बन जाता है, मैंने आपको लिमिटिंग मोमेंट्स बताया था, है ना, लिमिटिंग मोमेंट, जैसे मेरे पास Fe415 है तो MU लिमिट कितना बन जाता है 0.138 FCKBD स्क्वायर फॉर Fe415 के लिए। सो 0.138 FCKBD स्क्वायर में इक्वल टू क्या है MU लिमिट। आप क्या करिए, आपका MU कैलकुलेट करिए और इस MU लिमिट की जगह आप रख दीजिए, बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करिए। मैंने इफेक्टिव स्पैन के इतना सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, है ना, ये आप देखिए इफेक्टिव स्पैन के। जब सपोज मेरे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एल इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ डी मान लो सपोर्ट्स, या तो ये मान लो और कैलकुलेट करो। आपने एक एल इफेक्टिव कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, उस बेंडिंग मोमेंट को MU लिमिट के वाले फॉर्मूले में रख दो, FCKBD से क्या पता चल जाएगा, FC का आपको पता है, B को आप 1000 mm रख सकते हैं और उसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, D का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेप्थ रिक्वायर्ड का। तो आपने क्या किया, कितना डेप्थ रिक्वायर्ड होता है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है स्लैब के लिए। बस अब डेप्थ आ गया तो अब आपको क्या रखना है, उसके अंदर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट डालना है। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे, फॉर्मूला मुझे पता है, AST का नंबर ऑफ फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ, क्या AST इज इक्वल टू 0.5 FCK/FY × 1 − √1 − 4.6 MU / FCKBD² × B × D। वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले AST का, वो फॉर्मूला यूज़ करिए, MU की वैल्यू रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, MU की वैल्यू वहाँ पर न्यूटन MM में रखना है, ठीक है। यदि किलोन्यूटन मीटर में रख रहे हो तो 10^6 वहाँ पर आपको लिखना होगा उस फॉर्मूले में। आगे बढ़ते हैं, वो सभी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। AST आ गया, उस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को फॉर द गिवन डायमीटर ऑफ बार्स के लिए आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर दीजिए, स्पेसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये पूरा डिज़ाइन होता है स्लैब का, नॉर्मल है। जो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछी जा सकती है ना, क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे स्लैब मेरे पास वन वे है, टू वे है। वन वे स्लैब क्या हो सकती है कि वन वे स्लैब की जो जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो ये है कि ये सपोर्टेड होना चाहिए ऑन टू डिफरेंट अपोजिट एजेस पर, है ना। तो यहाँ पर सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट एजेस, और LY/LX का जो रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तभी हम स्लैब को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये वन वे स्लैब है। तो ये रहा आपका वन वे स्लैब, ये LX, ये LY, LY/LX का जो रेशियो है इट शुड बी ग्रेटर देन 2, और ये सपोर्टेड है ऑन टू अपोजिट एजेस पर। टू वे स्लैब का क्या है, टू वे स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल दी फोर एजेस, सभी चारों एजेस पे क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। कोई भी एक एज मिसिंग है, यदि मीन्स सपोर्टेड नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड टू वे स्लैब, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होती है, देखो प्राइमरी कंडीशन ये है, हर जगह आपको यही कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इनको देखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LY/LX इज लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, टू वे स्लैब दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंदर देखता हूँ मैं कि सपोज ये जो एग्जांपल मैं देखूँ, यहाँ पर एक 3 m/4 m या 4 m/3 m का क्या है मेरे पास, एक स्लैब है। तो 3/4 के इस स्लैब में ये सपोर्टेड ऑन टू डिफरेंट एजेस, है ना, मीन्स टू अपोजिट एजेस। तो ये कौन से स्लैब है, टू वे स्लैब है या वन वे स्लैब है? तो जनरली क्या होता है, लोग सपोर्ट्स नहीं देखते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टली क्या देख लेते हैं, LY/LX का रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यदि आप LY/LX का जो रेशियो है 4/3, इट इज़ कमिंग लेस देन 2, राइट। इफ इट इज़ कमिंग लेस देन 2 तो मैं क्या बोल दूँ, ये टू वे स्लैब है, बट ये टू वे स्लैब नहीं है, ये क्या है, वन वे स्लैब है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टू अपोजिट एजेस पर सपोर्टेड है ना, बट
टू वे स्लैब की प्राइमरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर एजेस, देन ओनली द स्लैब कैन बी कॉल्ड टू वे स्लैब। तो ये आपकी कैसे स्लैब है, वन वे स्लैब है। अब टू वे स्लैब और वन वे स्लैब की अलग अलग डिजाइंस होती है। वन स्लैब की डिज़ाइन तो नॉर्मल होती है, टू वे स्लैब में आपको कुछ कोफिशियंट्स कंसिडर करना होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है वहाँ पर टू वे स्लैब में, कि कौन सा एज कंटिन्यूस है, कौन का एज डिसकंटिन्यूस है। तो वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से IS 456-2000 ने टेबल दे रखी है, उसका यूज़ करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, और फिर तो पूरा सेम प्रोसेस होता है एरिया ऑफ AST निकालने का। हमने क्या किया, वन वे स्लैब डिज़ाइन की, एरिया ऑफ AST कैलकुलेट किया। हमने टू वे स्लैब डिज़ाइन की, हमने एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया। अब दोनों को प्रोवाइड करने के जो पैटर्न्स है वो भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम वन वे स्लैब की बात करता हूँ, तो जो मैं मेन रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करता हूँ, दैट कैन बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, है ना। हमेशा जो वन वे स्लैब है उस केस में आपको जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो किधर प्रोवाइड करना है, अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यदि मैं बात कर रहा हूँ टू वे स्लैब में, तो टू वे स्लैब में जो मेन रिइंफोर्समेंट्स होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट किए जाते हैं, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन एज वेल एज अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, क्योंकि टू वे स्लैब में दोनों ही डायरेक्शन में ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट्स ऑकर होते हैं, MUX एंड MUY दोनों ही की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, जब भी मैं वन वे स्लैब की बात करता हूँ तो अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ही मैं कैलकुलेट करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि वन वे स्लैब में एक तो लॉन्गर लेंथ है, एक शॉर्टर है, तो जो शॉर्टर वाले हो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है ना। तो लोड आने पर ज़्यादा लोड जो लेता है वो किस में गवर्न करता है, वो शॉर्टर स्पैन के लिए गवर्न करता है, लॉन्गर स्पैन में वो गवर्न नहीं करता है। इस कारण से फेल होने के चांसेस जो होते हैं अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ज़्यादा होते हैं, उस शॉर्टर वाली बीम में ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना होती है हमारे स्लैब की, इसलिए अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन में क्या करता हूँ, ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ स्टील रेइंफोर्समेंट। तो फिर अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन मुझे क्या करना पड़ेगा, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन मुझे मिनिमम रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट। अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए आप जो मेन रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी स्लैब में, चाहे वन वे स्लैब हो चाहे टू वे स्लैब हो, वो रेइंफोर्समेंट इस मिनिमम रेइंफोर्समेंट से भी कम आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेन डायरेक्शन में भी, मेन रेइंफोर्समेंट में भी एज अ मिनिमम रेइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ वन वे स्लैब की, तो वन वे स्लैब में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन मेन रेइंफोर्समेंट डालते हैं, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन हम डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट डालते हैं, जिसे हम कहते हैं मिनिमम टेंशन। किसी केस में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन का जो एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट है वो कम आ रहा है दिस एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट से, तो उस कंडीशन में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन ऑल्सो वी विल प्रोवाइड दिस एरिया ऑफ AST। समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो उसी तरीके से उस कंडीशन में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन दोनों जगह हम फिर ये वाला AST डाल देंगे। अब ये वाला AST है क्या, तो ये होता है मिनिमम एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट, जो कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए भी हम मिनिमम श्रिंकेज के कारण भी हमें मिनिमम रेइंफोर्समेंट डालना होता है, ठीक है। और डक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है इस सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं, 0.15% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया जब मेरे पास माइल्ड स्टील हो, यदि आप माइल्ड स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी स्लैब में, तो आपको ये एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट डालना होगा पर मीटर लेंथ के लिए। हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं स्लैब के अंदर, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट मैंने आपको बताया था बीम्स के अंदर, 4% ऑफ द टोटल ग्रॉस एरिया मैंने बताया था मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट, और मिनिमम का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था 0.85 डिवाइड बाय FY इनटू B इनटू इफेक्टिव डेप्थ D, वो एरिया ऑफ AST मिनिमम हो चुका था, है ना। इसी तरह स्लैब में भी मिनिमम एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट हमारे पास होता है, और यही जो होता है वो आप स्टेयरकेस में भी वैलिड है, यही जो होता है वो फुटिंग में भी वैलिड है। फुटिंग में भी आपको चेक करना होगा मिनिमम एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट, है ना। लेकिन एक बात जरूर आपको याद रखना है कि यदि आप जब भी माइल्ड स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको 15% लेना होगा टोटल ग्रॉस एरिया का फॉर 1 मीटर लेंथ के लिए, और जब आप HYSD बार्स माइल्ड हायर इल्ड स्ट्रेंथ बार्स FE 415 या 500 प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन टेक 0.12%, सो 0.12 डिवाइड बाय 100 into इफेक्टिव, अच्छा ये इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना है, ग्रॉस डेप्थ लेना है, ठीक है, फॉर पर मीटर लेंथ ऑफ द स्लैब के लिए। तो एस्टी मिनिमम इन दिस फैशन यू कैन कैलकुलेट। एक बहुत ज़रूरी बात होती है फुटिंग के लिए मैं करना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर स्लैब की मैं बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था वन वे स्लैब में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन में मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन में क्या करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन फुटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, फुटिंग के केस में मैं क्या करता हूँ अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन हमेशा मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मेन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। किधर प्रोवाइड करता हूँ, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन, और अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन में हमेशा यहाँ पर क्या करता हूँ
डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो फूटिंग में थोड़ा सा अपोजिट केस होता है। ऐसा इसलिए होता है फूटिंग में क्योंकि फूटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं कैंटिलीवर मोमेंट, है ना। तो फूटिंग हम जब भी कैंटिलीवर मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट इफेक्ट देखते हुए उसकी डेप्थ निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी लार्जर लेंथ होती है जहाँ पर वन वे शेयर भी ज़्यादा होता है उस डायरेक्शन में भी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की ज़्यादा डायरेक्शन में हम क्या करते हैं एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। तो सिर्फ सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इन द वन वे स्लैब मेन रेनफोर्समेंट अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन। फुटिंग के केस में अपोजिट हो जाएगा, मेन रेनफोर्समेंट अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, ऐसा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि मेरे पास स्लैब है या फुटिंग है ऐसी कंडीशन में स्टेयर केस है, तो आपको जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज़ करना है दैट शैल नॉट बी मोर देन या हायर देन 1/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। तो जैसे मैं 100 mm थिकनेस रख रहा हूँ, सो 100 / 8 वो वैल्यूज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मैंने थिकनेस लिया उसका 1/8 किया, मुझे यहाँ पर सपोज वैल्यू मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू मिल रहा है 9.6, कुछ वैल्यू मिला है 9.6 यहाँ पे लिए, जब थिकनेस कुछ रखा था उसको 1/8 किया, सपोज मुझे वैल्यू मिला है 9.6, तो डायमीटर मुझे कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके नियरली कौन है 10 mm है, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या? नहीं। ये क्या था, वी शुड नॉट प्रोवाइड मोर देन दिस वैल्यू। सो डायमीटर जो अवेलेबल होते हैं या तो वो 10 mm का अवेलेबल होगा या फिर 8 mm का अवेलेबल होगा, तो इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, नियरेस्ट तो 10 mm है लेकिन वो हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें फिर 8 mm ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है IR456:2000 का कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार इन द स्लैब शैल नॉट बी मोर देन या हायर देन 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं स्पेसिंग। जो मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर रखे हैं, चाहे मेन रेनफोर्समेंट हो या चाहे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हो, उनकी स्पेसिंग यदि आप निकालना चाहते हैं, तो यदि मैंने कैलकुलेट किया है टोटल एरिया ऑफ AST, चाहे इस फॉर्मूले से किया हो या फिर वो मैंने जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ क्लास अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन की जो फॉर्मूले है उससे कैलकुलेट किया हो, तो जब भी मेरे पास एरिया ऑफ AST आ जाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसकी स्पेसिंग निकालना होता है। सम पीपल कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स ऑल्सो, है ना, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है फुटिंग के केस में। फुटिंग के केस में हम नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन स्लैब के केस में हमें स्पेसिंग कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्पेसिंग हो सकती है, जैसे मैं 10 mm का बार की स्पेसिंग निकालना चाहता हूँ फॉर द गिवन एरिया ऑफ AST, तो ये तो टोटल AST है, तो इस टोटल AST के लिए आपको कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करना है 10 mm के लिए, तो 4/10² हो जाएगा डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा AST ऑफ सिंगल बार डिवाइड बाय टोटल AST इनटू 1000 mm पर मीटर लेंथ के अंदर आपको इतनी स्पेसिंग, फिर इतनी स्पेसिंग, फिर उसके बाद इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करना है थ्रू आउट द स्लैब। तो ये हो जाता है आपका स्पेसिंग का फॉर्मूला, है ना। अब जैसे कि मैंने बात किया था स्टिरप्स की स्पेसिंग, वहाँ पे भी मैंने आपको स्पेसिंग निकालना सिखाया था अलग अलग कंडीशंस के लिए, है ना। तो जब वर्टिकल रेनफोर्समेंट हो, फिर या वर्टिकल स्टिरप्स हो, इंक्लाइंड स्टिरप्स हो, बेंट अप बार्स हो, तो अलग अलग कंडीशन में मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, सो टॉर्शन के केस में यदि आप इफेक्ट कंसिडर करते हैं टॉर्शन का, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने बात किया था मैक्सिमम स्पेसिंग की, कि क्या वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम स्पेसिंग की, उससे बियॉन्ड हमें नहीं जाना है। तो ऐसे यहाँ पर भी होती है हमारे पास, जब भी मैं मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करता हूँ तो स्लैब में भी मैं बात करूँगा मैक्सिमम स्पेसिंग की, चाहे मैं बात करूँ स्टेयर केस में, चाहे मैं बात करूँ फुटिंग में। तो जो मेन बार्स है मेरे पास, जिसको मैं अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन वन वे स्लैब में, और जैसे टू वे स्लैब है तो दोनों डायरेक्शन में हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट रहते हैं। अच्छा, एक तरीका और होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को पहचानने का एट द साइड, कि वन वे स्लैब में जो क्रैंक्स प्रोवाइड करते हैं, हम बार्स को बेंड करते हैं, वो अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पैन करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में ही आपको रेनफोर्समेंट बेंड होते हुए नजर आएंगे, दूसरे डायरेक्शन के मतलब लॉन्गर स्पैन के जो रेनफोर्समेंट है वो बेंड नहीं होते हैं। लेकिन टू वे स्लैब में आप क्या देखते हैं, यदि रेनफोर्समेंट मेट ऑलरेडी बिछा दिया गया है, ऑलरेडी रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, तो आप क्या देख सकते हैं वहाँ पर कि टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट्स क्या होता है, अल्टरनेट बार्स हम बेंड कर देते हैं, है ना, शेयर रेजिस्ट करने के लिए बेंड अप बार्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हमेशा स्लैब की थिकनेस इतनी रखना चाहिए कि उसके अंदर शेयर रेनफोर्समेंट हमको ना प्रोवाइड करना पड़े। स्लैब में हम कभी शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ बेंट अप बार्स डाल देते हैं। तो हमें मिनिमम इतना थिकनेस उसमें प्रोवाइड करना चाहिए कि उसमें कभी भी डिफ्लेक्शन ना आए,
है ना, डिफ्लेक्शन चेक जो होता है वो हम बात करेंगे, तो डिफ्लेक्शन उसमें रजिस्ट किया जा सके, एक चीज़। दूसरी चीज़, फ्लेक्चर कंडीशन में वो फेल ना हो। तीसरी चीज़, उसमें शियर रेन्फोर्समेंट आपको ना प्रोवाइड करना पड़े स्लैब में, तो इतना थिकनेस तो आपको मिनिमम रखना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग। यदि मेरे पास मेन बार्स है तो वो हो सकती है डी, तो इफेक्टिव डेप्थ होता है स्मॉल डी, 3D और 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम हो। और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब जिसको मिनिमम रेनफोर्समेंट, जो अभी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताए हैं इसका यूज़ करते हुए भी, है ना, तो यहाँ जो एरिया ऑफ एस्ट निकालेंगे उसकी स्पेसिंग भी आप देखते हैं, तो पहले तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले से एंड यहाँ से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी होगा वो मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करते पहले तो आप स्पेसिंग निकाल दीजिए, वो स्पेसिंग को इस स्पेसिंग से चेक करिए। यदि ये वाली स्पेसिंग इस वाली स्पेसिंग से छोटी आ रही है तो आप प्रोवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वाली स्पेसिंग बड़ा आ रहा है ये वाली स्पेसिंग से, तो आपको क्या रखना है, फिर ये वाली स्पेसिंग है आपको रखना है, क्योंकि ये जो स्पेसिंग है ये मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ क्या है, रेनफोर्समेंट है। तो ठीक है, ये हमने बात किया स्लैब के बारे में, इसका और अभी चेक वगैरह हम थोड़े से देखते हैं। बीम की लेटरल स्टेबिलिटी के भी कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन क्विक रिविजन है तो थोड़ा सा मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंप्रेशन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन। तो देख, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर स्लैब्स के बारे में, अब हमें क्या करना है, जब भी हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ चेक्स लगाने होते हैं, है ना। तो वो चेक जिसमें से एक बहुत ज़रूरी चेक होता है वो होता है डिफ्लेक्शन चेक। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन के अंदर बीम्स की बात किया, वहाँ पर भी ये चेक मुझे लगाना पड़ेंगे, बीम्स के लिए भी लगाना है, स्लैब्स के लिए भी लगाना है। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन चेक का, कि जो वैल्यू होती है डिफ्लेक्शन की वो विद इन द रेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कोड ने कि जो स्पैन है आपका उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन डिसाइड होता है। मतलब इट इज़ ऑब्वियस, इट्स अंडरस्टूड, यदि स्पैन ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो स्पैन को लिमिटेड रखने के लिए, या फिर जो स्पैन ज़्यादा है तो उसकी डेप्थ ज़्यादा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेक्स एस कोड ने रिकमेंड किए हैं, उसे हमें रीड करना होगा और उसके हिसाब से हमारे स्लैब में डिफ्लेक्शन चेक करना होगा या बीम में डिफ्लेक्शन चेक करना होगा। यहाँ पर बात करते हैं, यदि मेरे पास बीम है या वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब के लिए अलग है, वन वे स्लैब या और बीम के लिए एक दिया गया है, है ना। तो ऐसी कंडीशन में बेसिक रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। यदि सिंपली सपोर्टेड होता है उसके लिए 20 है, कंटिन्यूस है तो उसके लिए 26 है, यदि आपके पास कैंटिलीवर है तो उसके लिए वैल्यू 7 होता है। यहाँ पर बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ जो रेशियो है उसको मैं ए के से शो कर रहा हूँ। ए मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पर ए बता रहा है बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है वो इतने के आसपास होना चाहिए। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ हो सकता है कि आप बिफोर द डिज़ाइन ऑफ योर बीम्स और स्लैब यू कैन फाइंड द प्रोबेबल डायमेंशन ऑफ योर स्लैब और बीम। प्रोबेबल डायमेंशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका यदि स्पैन पता है तो इफेक्टिव डेप्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने पूरी डिज़ाइन करने के बाद ये चेक आपको लगाना है, आपने पूरा बीम डिज़ाइन कर दिया या स्लैब डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद आपको ये चेक लगाना होगा कि स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो आने वाला है, कितना स्पैन आपकी स्लैब या बीम में है और उसकी इफेक्टिव डेप्थ आपने कितने रखी है, उसका जो वैल्यू आ रहा है इट शुड बी लेस देन बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ये स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो ऑलरेडी आपने रख चुके हैं आपकी स्लैब में या बीम में, और ये कोड ने रिकमेंड किया है ए वैल्यू बेसिक स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का, वो है ए इंटू F1, F2, F3, F4। तो A का वैल्यू तो टाइप ऑफ सपोर्ट से आपको पता चल जाएगा, कैंटिलीवर है तो 7 हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है तो 20 हो जाएगा और कंटिन्यूस है तो 26 हो जाएगा। F1, F2, F3, F4 क्या है, ये होते हैं करेक्शन फैक्टर्स, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स या रिडक्शन फैक्टर्स, है ना, डिपेंड करते हैं ये डिफरेंट कंडीशंस पे। मैं यदि बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्पैन है, F1 देखते हैं मेरा जो स्पैन है वो यदि 10 मीटर है या 10 मीटर से छोटा है, तो इसी कंडीशन में F1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन जब भी स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर आपको F1 का वैल्यू लेना होगा 10 डिवाइड बाय योर स्पैन वैल्यू, और जो होना चाहिए मीटर में। सपोज मैं बोल रहा हूँ मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ या गर्डर बना रहा हूँ जिसका स्पैन जो है वो 12 मीटर का है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी F1 की 10 डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से आपको F1 का वैल्यू निकालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज छोटा होगा, यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो 10 मीटर का स्पैन तो हम नहीं रखते हैं वहाँ पर, तो कंडीशन होती है F1 को 1 ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं F2 बेस्ड ऑन परसेंटेज AST। क्या होता है कि ये जो वैल्यूज दे रखी है 7, 20 एंड 26, इन ये सभी के अंदर हमें करेक्शन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना होता है,
तो यदि मैं यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकालना चाहूँ, देखो मैं इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला क्या निकलता है, मैंने जैसे कि कहा कि जो डिफ्लेक्शन चेक है ये तो आपको पूरी बीम डिज़ाइन या पूरा स्लैब डिज़ाइन करने के बाद लगाना चाहिए, लेकिन इसका यूज़ आप बिफोर द डिज़ाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉबेबल इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए, प्रॉबेबल डायमेंशन निकालने के लिए। कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको मैं कुछ इस फैशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इफेक्टिव डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पैन डिवाइड बाय द सेम वैल्यू ए इंटू एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर। यहाँ पर जैसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम आइकन से, तो यहाँ पर मैंने ए का वैल्यू कितना ले लिया, 20 ले लिया। स्पैन में बोल रहा हूँ मेरे पास 4 मीटर का स्पैन है, मतलब एफ वन का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि एफ वन का वैल्यू यदि 1 हो गया है, ठीक है, तो ए 20 × 1 हो गया। अभी यदि मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ भी परसेंट ना तो बॉटम में रेनफोर्समेंट है ना टॉप में रेनफोर्समेंट है, तो एफ टू एफ थ्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और ये एक रेक्टेंगुलर बीम है तो एफ फोर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू मिल जाएगा, स्पैन था सपोज 4 मीटर, 4 डिवाइड बाय 20 से, है ना, ये इफेक्टिव डेप्थ होती है जो इतनी इससे बड़ी आप जो भी वैल्यू आपका आएगा 4 डिवाइड बाय 20 से उससे बड़ी डेप्थ आपको रखना पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था कि अच्छा 4 मीटर मीटर में रख रहे हो यदि यहाँ पे स्पैन, तो आपको मीटर में वैल्यू मिलेगी, एमएम में रख रहे हो तो एमएम मिलेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखो मैंने एफ टू का वैल्यू रखना चाहा, एफ टू मतलब क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज एएसटी। तो जैसे मैं एफ टू का वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, एफ टू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यहाँ पर इस फिगर से यदि आप देखेंगे तो जो एफ टू का वैल्यू है वो 1 से बड़ा आने वाला है। तो जब एफ टू का वैल्यू 1 से बड़ा होने वाला है मतलब डेप्थ यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं ये अलग अलग कंडीशन है, एफ थ्री किस पर बेस्ड करता है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पर, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, फिर एफ थ्री का वैल्यू 1 से बड़ा होने वाला है इस फिगर से, है ना, तो उसका मतलब क्या, फिर डेप्थ कम हो जाएगी। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ये सिंपल सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं कंक्रीट बीम के लिए दे रखी है, उसके अंदर परसेंटेज एएसटी में डालता हूँ बॉटम में तो डेप्थ जो रिक्वायर्ड होगी वो कम हो जाएगी, मैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डालता हूँ डेप्थ रिक्वायर्ड और कम हो जाएगी, फ्लेंज बीम प्रोवाइड करता हूँ तो डेप्थ रिक्वायर्ड और कम हो जाएगी। मतलब आपको जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि परसेंटेज एएसटी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना डालने वाला हूँ, और उसके अंदर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यदि डब्ल्यू डिज़ाइन करना हो तो कितना डालने वाला हो, वो परसेंटेज एएसटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कम डेप्थ आपके सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी का ये पूरा पिक्चर है कि डेप्थ कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप, परसेंटेज एएसटी बढ़ाइए रिक्वायर्ड डेप्थ कम हो जाएगी, परसेंटेज एएससी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बढ़ाइए रिक्वायर्ड डेप्थ कम हो जाएगी, फ्लेंज बीम प्रोवाइड कर दीजिए डेप्थ रिक्वायर्ड कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है जो यहाँ पर बताई गई है, ये बिफोर द डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, आफ्टर डिज़ाइन आपको ये फॉर्मूला पूरा लगा के क्या करना है, चेक करना है कि आपके स्पैन और आपके इफेक्टिव डेप्थ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, एफ टू इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज एएसटी। यहाँ पर अब क्या होता है, जब भी आप कोई अभी हमने बहुत सारे एएसटी के फॉर्मूले कैलकुलेट किए टेंशन रेनफोर्समेंट के, है ना, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी परसेंटेज एएसटी होती है आपके तो कुछ वैल्यू आपको मिलती है एएसटी रिक्वायर्ड, लेकिन जैसे सपोज मुझे वैल्यू मिली 150.208 कुछ इस तरीके से, क्या आप 150.208 प्रोवाइड करोगे, क्या नहीं, हम 151 प्रोवाइड कर देंगे या फिर हम 160 प्रोवाइड कर देंगे या 200 प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड आपको लिखना है, एएसटी रिक्वायर्ड जो आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ लिखना है, एफ आई ग्रेड जो आपने सेलेक्ट किए एफ एस निकालो, एफ एस के अलग अलग कर्व दिए हैं, जो भी कर्व मैच कर रहा हो या नियरेस्ट हो उस कर्व के लिए जो भी आपने परसेंटेज एएसटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मुझे एफ एस की वैल्यू 90 मिल रही हो, यहाँ पर कोई परसेंटेज एएसटी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो इस तरीके से इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे आपकी एफ टू की, है ना। तो मैंने देखा जैसे जैसे एफ एस या परसेंटेज एएसटी बढ़ रहा है या एफ टू का वैल्यू क्या होता जा रहा है, एफ टू का वैल्यू भी कम होता चला जा रहा है ना। तो वो कंडीशंस आपको इस फिगर से देखने को मिलेगी, ज़्यादा परसेंटेज आप एएसटी यदि प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली एफ टू की वैल्यू आपको 1 से बड़ी मिलने वाली है, और छोटी रखते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं एफ थ्री, बेस्ड ऑन परसेंटेज एएससी, पर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए भी दिया है, यहाँ पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ पे एफ थ्री करेक्शन फैक्टर होगा, जो भी परसेंटेज एएससी आपने प्रोवाइड कर रखा है उसको मैच कराओ, एफ थ्री का वैल्यू लो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यदि आपका सिंगल रेनफोर्समेंट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपने नहीं डाला है तो एफ थ्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिंपल केस, है ना। आगे बढ़ते हैं एफ फोर, ये होता है जब भी आप फ्लेंज बीम प्रोवाइड करते हैं, है ना, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ वेब ऑफ विड्थ, है ना, विड्थ ऑफ वेब टू दी विड्थ ऑफ फ्लेंज का रेशियो आप निकाल लीजिए यदि फ्लेंज बीम है तो,
और यहाँ से उसका करस्पॉन्डिंग आप F4 का वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। यदि आपके पास रेक्टेंगुलर बीम है तो उस कंडीशन में आपको F4 का वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबल डायमेंशंस रिक्वायर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था चेक आपका वन वे स्लैब का या बीम्स का, उसके अंदर आपको ये चेक लगाना है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन चेक की बात किसके अंदर, टू वे स्लैब के अंदर। तो टू वे स्लैब में भी बेसिक स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस डेप्थ दिया गया है और इसका लिमिटेशन है कि जब भी आपकी स्लैब का जो डायमेंशन है 3.5 मीटर से एक्सीड नहीं हो रहा है एंड जो लोड है वो 3 kN/m² की क्लास का है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे सिंपली सपोर्ट और कंटिन्यूस के लिए 35 एंड 40, 20 एंड 32 दिया गया है ना। माइल्ड स्टील यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो 35 ले लेना है L/D का वैल्यू, और इसके लिए क्या ले लेना है, 40 ले लेना है। तो यहाँ से भी आप प्रोबेबल डायमेंशन स्लैब की जो इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, L/D का वैल्यू कितना हो गया, 35। तो आपको स्पैन यदि पता है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ HYSD, तो क्या हो जाएगा, सब सिंपल सपोर्ट है तो L/28 इक्वल टू डेप्थ हो जाएगा, L/D इक्वल टू 28, सो L/28 इक्वल टू D। ये ग्रॉस डेप्थ आपके टू वे स्लैब में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये दिया गया है डिफ्लेक्शन फॉर टू वे स्लैब। जब भी टू वे स्लैब मतलब यहाँ पर क्या जो है लोड क्लास और स्पैन पर बेस्ड है, स्पैन यदि 3.5 मीटर से कम है तो आपको ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यू शुड नॉट यूज़, है ना। यही चीज उधर भी वैलिड होता है वन वे स्लैब में, यदि ये क्लास यदि आप सेटिस्फाई कराते हैं ये दो कंडीशन। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, जो HYSD आपको ये रेशियो उसके लिए कम करना पड़ेगा, क्योंकि हायर ग्रेड आप प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला है, वैल्यू आपको रिड्यूस करना है। और ये जो माइल्ड स्टील का, इसका 80% लेना है। आप 35 × 0.8 करिए, 28 मिलेगा, 14 × 0.8 करिए, 32 मिलेगा। तो ये था ये वाले के लिए, इन क्लास के लिए, जब आपके पास 3.5 मीटर स्पैन हो, 3 kN/m² क्या हो, लोड की क्लासिंग। आगे बढ़ते हैं, चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। जब भी मैंने अभी तक अपनी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ क्लास अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन में बात किया है हमारा बीम्स के लिए, कि बीम की यदि देखो मैंने क्या किया था, AST की बात किया था कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मुझे बॉटम में प्रोवाइड करना है, तो बीम सेफ रहता है सर्विसिबिलिटी के हिसाब से। हम देखें, बात करें, डिफ्लेक्शन कंट्रोल होना चाहिए उस पर, क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि यदि डायगोनल क्रैक्स आ रहे हैं तो हम वहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ क्लास अंडर द शेयर कंडीशन के हिसाब से। फ्लेक्चर टेंसाइल क्रैक्स आ जाते हैं तो इसी कंडीशन में हम बॉटम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या होता है कि जो बीम है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो विड्थ है वो यदि कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है आपके साथ, जो आपका बीम है वो लेटरल डायमेंशन में क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है, मतलब उसमें बकलिंग आ सकती है आपकी बीम में, है ना, बेंड कर सकता है आपका बीम। तो ऐसी कंडीशन में क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे जो लेटरल स्टेबिलिटी आपको चेक करना है बीम्स की, वो इन कंडीशंस के आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूस बीम है, तो स्पैन बहुत ज़्यादा है, विड्थ आप लिमिटेड रख रहे हैं, तो वो बेंड हो सकता है लेटरल डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, ये टॉप व्यू मैंने बनाया है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये टॉप व्यू है सिंपल सपोर्ट या सिंपली सपोर्टेड बीम का, या कंटिन्यूस बीम भी हो सकती है ये। तो बीम्स में ये हम प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी बीम्स, जिसको हम कहते हैं, और जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पर लेटरल रिस्ट्रेंट्स, है ना। तो मैंने क्या किया है, लेटरल डिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो मेरे पास कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस है टू लेटरल रिस्ट्रेंट्स के बीच की, वो ज़्यादा या बड़ा नहीं होना चाहिए 60B और 250B²/D से। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चेक लगा सकते हैं, बी क्या है, विड्थ ऑफ मेन बीम होना चाहिए, जो मेन बीम है उसका विड्थ है बी एंड डी, इफेक्टिव डेप्थ। तो विच एवर इज लेस, वो आपका L1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये चेक है सिंपल सपोर्ट के लिए, ये चेक है कैंटिलीवर बीम्स के लिए, आपके पास ये वाला चेक अवेलेबल होता है ना, 25B और 100B²/D, विच एवर इज लेस, ये आपको चेक लगाना होते हैं। यहाँ पर L1 क्या होता है, यहाँ पे तो समझ में आता है टू लेटरल रिस्ट्रेंट्स है, यहाँ पर L1 जैसे मैं बात करूँ कैंटिलीवर है, तो एक एंड फिक्स्ड होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, फिर आपने क्या किया, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के बीच में एक लेटरल बीम प्रोवाइड किया है, लेटरल रिस्ट्रेंट प्रोवाइड किया है। तो जो L1 होगा वो फ्री एंड और लेटरल रिस्ट्रेंट के बीच की डिस्टेंस होगी, वो बड़ी नहीं होना चाहिए इन दोनों में से, विच एवर इज लेस आ रहा हो उससे, ठीक है। तो ये था आपका किस तरीके से आप स्टेबिलिटी चेक करते हैं लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायरेक्शन में। तो आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन चेक से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है बीम में या स्लिप में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चेक से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रोबेबल डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं बी का, विड्थ का, है ना। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले ये वाला चेक लगाइए डिफ्लेक्शन चेक, वहाँ से आप क्या कर लीजिए बीम के अंदर इफेक्टिव डेप्थ प्रोबेबल इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबल डायमेंशन ऑफ विड्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं वो डायमेंशन लेके डिजाइन करके देखिए, फिर वापस अपनी कंडीशंस सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई हो जाता है सब कुछ, प्रॉपर डिजाइन हो जाती है, इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाते हैं, देन वी कैन सिलेक्ट दी एज्यूम वैल्यूज करेक्टली। ठीक है, तो ये था पूरा आपका किस तरीके से आपको स्लैब में या बीम में चेक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, शेयर चेक्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्लैब के अंदर भी शेयर चेक लगाया जा सकता है, जैसे लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर कंडीशन हम देखते हैं यदि, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं शेयर चेक्स लगा सकते हैं, है ना। शेयर चेक्स में आपको देखना होगा कि जो टाऊ सी है शेयर स्ट्रेंथ है वो हमेशा बड़ी रहना चाहिए टाऊ वी में, है ना। किस केस में, आपके इसके केस में, स्लैब के केस में, क्योंकि हम स्लैब में कभी भी शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। फुटिंग के केस में भी जैसे कि हम बात करेंगे फुटिंग की, जब तो फुटिंग के केस में भी आपको इतनी डेप्थ रखना होगी फुटिंग की कि कभी भी शेयर स्ट्रेस जो आने वाले हैं वो शेयर स्ट्रेंथ को एक्सीड ना करें। ठीक है, हाँ बीम में यदि करते हैं तो वहाँ पर हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं, डायगोनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बीम से केस में हम कभी भी शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ रखना चाहिए किस में, स्लैब के केस में, और उसमें कभी भी शेयर चेक लगाते समय यह हमेशा याद रखना है कि शेयर स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए शेयर स्ट्रेस से। फिर भी हम स्लैब में क्या करते हैं, अल्टरनेट बार्स को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ वन वे स्लैब की, तो वहाँ पर अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन के जो रेनफोर्समेंट होते हैं वो मेन रेनफोर्समेंट होते हैं जिसको हम बेंड कर देते हैं, और यदि मैं बात करूँ लॉन्गर डायमेंशन की, है ना, मतलब मैं बात करूँ यदि टू वे स्लैब की, टू वे स्लैब में क्या करेंगे, हम दोनों डायरेक्शन के रेनफोर्समेंट को मेन रेनफोर्समेंट मानेंगे और दोनों को ही क्या करेंगे अल्टरनेट रेनफोर्समेंट को बेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम यहाँ पर लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन की। जैसे कि मैं बात किया मैंने फ्लेक्चर कंडीशन का, मैंने बात किया शेयर कंडीशन का, टॉर्शन कंडीशन का, तो इसके अंदर मेनली मैंने बात करते गया बीम्स के बारे में, स्लैब्स के बारे में, फुटिंग्स के बारे में, है ना। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन में, यहाँ मेनली मैं बात करने वाला हूँ कॉलम्स की और कॉलम्स के बाद फुटिंग की। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्रेशन के अंदर हम फुटिंग डिज़ाइन करेंगे, फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए आपको लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन के साथ साथ अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पहले कॉलम डिज़ाइन करेंगे उसी के बाद आप फुटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले आप फुटिंग डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फुटिंग के ऊपर कितना लोड आ रहा है कॉलम का वो मुझे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, है ना। इसलिए पहले मैं बात करता हूँ कि लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन के अंदर मैं कॉलम एंड फुटिंग दोनों को इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन में यदि आपको कॉलम डिज़ाइन करना है तो आई एस 456:2000 ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कॉलम डिज़ाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो सबसे मैं मानता हूँ कि यदि स्ट्रक्चर में कोई क्रिटिकल मेंबर होता है तो वो कॉलम होता है, कभी भी बीम और कॉलम में यदि मैं कंपेयर करूँ तो, क्योंकि कभी भी एक बीम फेल होने के कारण पूरा स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है, लेकिन एक कॉलम फेल होने के कारण हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाए, क्योंकि कॉलम में जो फेलियर होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, बीम्स के फेलियर प्रोग्रेसिव नहीं होती है। सपोज एक बीम है स्ट्रक्चर में ये फेल हुई तो इसके आसपास के स्लिप गिरने के चांस होंगे या वो पोर्शन कॉलम्स पे टिका हुआ रहेगा, पूरी स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। लेकिन सपोज एक कॉलम फेल हो रहा है तो एक कॉलम फेल हुआ उसके पास वाला दूसरा कॉलम फेल हो जाएगा, क्योंकि जो लोड आने वाला है, एक कॉलम तो फेल हो चुका है वो लोड कौन लेगा, दूसरा कॉलम इतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना लोड ले ले, तो दूसरा फेल हो जाएगा, तीसरा फेल हो जाएगा, चौथा। इन दिस फैशन ऑल द कॉलम्स वन बाय वन विल फेल, वाई, बिकॉज देर इज़ अ प्रोग्रेसिव फेलियर इन दिस सिस्टम। तो इसलिए हमें कॉलम्स को बहुत क्रिटिकली डिज़ाइन करना होता है, अच्छे लेवल पर डिज़ाइन करना होता है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस फॉलो करना होता है। पहला रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है कि यदि मेरे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम है सो मिनिमम मुझे 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डालना होंगे। दूसरा रिकमेंडेशन है यदि मेरे पास सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डालना होंगे। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मैं डाल रहा हूँ क्या इसका डायमीटर के भी कोई रिकमेंडेशन है या कोई भी डायमीटर डाल दूँ? तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट डालना है या मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट डालना है, तो इन ये जो रेनफोर्समेंट है चाहे आप डिज़ाइन करके डालो या मिनिमम डालो, उसका जो डायमीटर होना चाहिए किसी भी बार का लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम 12 mm का डायमीटर आपको प्रोवाइड करना है। यू कैन नॉट प्रोवाइड द डायमीटर
ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार 10 mm और 8 mm, मिनिमम 12 mm के आपको प्रोवाइड करना है ना। इसके ज़्यादा आप जा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आना है, एक बात। दूसरी बात बढ़ते हैं कि जो भी आप ये बार्स प्रोवाइड करते हैं, आपने कॉलम डिज़ाइन किया उसके अंदर जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड किया, तो आपका जो रेनफोर्समेंट है दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट शुड नॉट एक्सीड 300 mm। 300 mm को आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर फिर मतलब ये रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको 300 mm को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 600 mm का कॉलम है ना, 600 mm का कॉलम है, तो मैंने चारों कॉर्नर पर क्या किया, एक एक रेनफोर्समेंट लगा दिया 25-25 mm डायमीटर के, ठीक है। 25 mm का एक यहाँ पर 32 mm का लगा दिया, सपोज 32, 32, 32, 32, 32, तो चार रेनफोर्समेंट बार लगा दी 32 mm के। क्या ये सही डिज़ाइन है? हो सकता है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा लोड ले रहा हो, सब कुछ सही हो, लेकिन यह जो इसका वो है, इसको हमने जो यहाँ पे डिटेलिंग करी है वो सही नहीं है। ये सब पार्ट होता है डिटेलिंग का, तो डिज़ाइन तो सही हो सकती है इसकी लेकिन डिटेलिंग सही नहीं है। क्यों डिटेलिंग सही नहीं है? क्योंकि कोड कहता है कि दो रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती, और आपने यहाँ पर कितनी रख दी, 600, तो विड्थ थी कॉलम की एक रेनफोर्समेंट कॉर्नर पर, एक रेनफोर्समेंट कॉर्नर पर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 600 mm, तो वो एक गलत डिज़ाइन होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बीच डायमीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम कर दो, बीच में भी रेनफोर्समेंट नंबर ऑफ प्रोवाइड कर दो, है ना। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी डिटेलिंग करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, कॉलम को कहते कि देखो दो चीज़ें हो सकती है, यदि वर्टिकल मेंबर्स की बात करूँ, या तो वो हो सकता है आपका कंप्रेशन मेंबर में पेडेस्टल हो सकता है, या फिर वो आपका कॉलम हो सकता है। पेडेस्टल जो होते हैं, पेडेस्टल क्या होते हैं कि ऐसे मेंबर्स होते हैं कंप्रेशन के जिनका जो इफेक्टिव लेंथ होता है, जिनका इफेक्टिव हाइट जो होता है, डेट इज लेस देन 3 times ऑफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 300 by 400 का, 300 by 400 ज़्यादा हो जाएगा पेडेस्टल के लिए, सपोज 300 by 400 का एक कंप्रेशन मेंबर है 300 by 400 का, तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि उस मेंबर की जो हाइट है वो 300 by 400 का मैं 3 times कर रहा हूँ 300 का, तो 900 mm लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है इसमें, 300 mm, तो 300 × 3 900 mm से यदि कम है उसकी हाइट या उसकी लेंथ तो वो पेडेस्टल कहलाएगा, लेकिन यदि मैं बोल रहा हूँ कि वो 900 mm से ज़्यादा की कि हाइट रखता है तो फिर वो कॉलम कहलाएगा। तो कॉलम के केस में ये जो है इसको हम कहेंगे कॉलम और इसको हम कहेंगे पेडेस्टल, ठीक है। सो इफेक्टिव लेंथ इज मोर देन 3 times ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो वो कॉलम। इफेक्टिव लेंथ और हाइट इज लेस देन 3 times ऑफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो उसको कहेंगे हम पेडेस्टल। तो अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके बाद, कॉलम के बाद पेडेस्टल की हो गई, फिर उसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की, ये भी होगी मिनिमम 12 mm रखना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए डायमीटर। अच्छा, तो जो हम बात किए कि हम मिनिमम 4 number ऑफ रेनफोर्समेंट डालना चाहिए या 12 mm मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, इनकी स्पेसिंग 300 mm को क्रॉस नहीं करना चाहिए, सर्कुलर है तो 6 डालना चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो 4 रेनफोर्समेंट बार डालना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि आप जब भी डिज़ाइन करते हो और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं कॉलम के अंदर, उस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को आपको यहाँ से चेक करना है कि कभी भी आप एरिया ऑफ एएसटी जो है वो 0.8% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम इतना तो आपको डालना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, आप देखिए, यदि मैं बात करूँ कि मेरे पास 300 by 400 का एक कॉलम है, तो उसमें मिनिमम कितना एएसटी होना चाहिए, 0.8 ÷ 100 × 300 × 400 का एएसटी होना चाहिए। तो क्या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है? बिल्कुल मैक्सिमम की भी लिमिट है। कितनी लिमिट है? वो 6% से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो ओवरलेप नहीं हुए हैं, मतलब एक रेनफोर्समेंट बार है फिर उसमें थोड़ा सा ओवरलेप किया फिर वो आगे बढ़ रहा है एक्सटेंड, तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स में यदि ओवरलेपिंग नहीं है तो आप 6% तक मैक्सिमम रेनफोर्समेंट तक आप जा सकते हैं, लेकिन हालांकि जाते नहीं है 6% तक, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन की मैं बात करूं जब स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी 6% तक जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे कंजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, हमें प्रॉपर कंपैक्ट नहीं कर पाते हम कंक्रीट को। और यदि मैं बोल रहा हूँ कि जब ओवरलेपिंग आप कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर जब ओवरलेपिंग नहीं कर रहे थे तो 6% में रखा था मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, यहाँ पर जब मैं 4% की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं बात कर रहा हूँ कि जब जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो ओवरलेप्ड नहीं है,
सॉरी ओवरलैप्ड है, तो जब भी ओवरलैप्ड रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि एक बार फिर वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो कंजेशन का प्रॉब्लम आता है, कंपैक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर कंक्रीट का। तो ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वो हम डिक्रीज कर देते हैं 6% से 4% पे ले आते हैं। तो 4% मैक्सिमम हो जाएगा, यदि क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पूछते हैं यदि ओवरलैपिंग है तो आपको 4% मैक्सिमम आंसर देना है, ओवरलैपिंग नहीं है तो 6% आपका आंसर होना चाहिए, मिनिमम 0.8% है ना। काफ़ी बार रिकमेंडेशन से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं 1 मार्क के लिए गेट में। आगे बढ़ते हैं, है ना। पेडेस्टल की मैंने जैसे बात किया कि जिसका जो हाइट है या इफेक्टिव लेंथ है दैट इज़ लेस देन 3 टाइम्स सिलेक्ट लिस्ट लेटरल डायमेंशन, तो इसी कंडीशन में इसके अंदर हम जो इसकी डिज़ाइन करते हैं पेडेस्टल की, तो उसके अंदर स्टील का कोई रोल नहीं होता है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कॉलम यदि मैं डिज़ाइन करता हूँ तो स्टील का स्टील जो होता है स्टील रेनफोर्समेंट वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लेता है, कंप्रेसिव लोड लेता है, लेकिन पेडेस्टल के अंदर जो हम डिज़ाइन करते हैं इसका लेंथ ही बहुत कम है, इसमें सिलेंडरनेस नहीं होता है, ये सिलेंडर मेंबर्स नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एएसटी मिनिमम जो होता है ये पेडेस्टल में डालना है, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये डक्टिलिटी से रिलेटेड होती है ये चीज़ें। जब भी आप मिनिमम रेनफोर्समेंट डालने की बात करते हैं तो वो 0.15% डाल देना है, 0.8% कॉलम के लिए, 0.15% किसके लिए, पेडेस्टल के लिए। यहाँ पर मिनिमम 6 नंबर, अच्छा जब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, मतलब हेलिकल रेनफोर्समेंट मतलब क्या, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट रिंग्स जब मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे बीम में स्टिरअप्स प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही इसके अंदर कॉलम्स के अंदर मैं रिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, है ना। तो यदि मैं हेलिकल रिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या हेलिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहते हैं उस केस में चाहे कैसे भी शेप का कॉलम हो मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट आपको वहाँ पर डालना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था रिकमेंडेशंस IS 456 2000 ने लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशंस के लिए इतने सारे दे रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कॉलम भी जो मैंने बात किया ना, ये भी कॉलम जो होते हैं वो 2 टाइप के लिए हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं IS 456 2000 के हिसाब से, या तो वो सिलेंडर मेंबर हो सकते हैं या फिर वो शॉर्ट कॉलम्स जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट कॉलम्स को डिफाइन किया गया है एंड लॉन्ग कॉलम को डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं पहले बात करूँ शॉर्ट कॉलम्स की, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, शॉर्ट कॉलम मतलब आपका जो इफेक्टिव लेंथ है कॉलम का टू दी लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी। मैं मान रहा हूँ कि जो कॉलम है उसकी विड्थ जो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो बी है और उसका डेप्थ जो है वो डी है, ठीक है, कैपिटल बी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव विड्थ वाला काम नहीं होता है कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर टेंशन नहीं आ रहा है कॉलम को, हम कभी भी टेंशन के लिए डिज़ाइन नहीं करते, हमेशा कंप्रेशन लोड के लिए ही डिज़ाइन होता है ये चीज़ें। वी डू नॉट वॉन्ट टेंशन एनी वेयर इन आर कॉलम, ओके, क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है ना, इसके अंदर मेजर रोल पर कंक्रीट प्रेजेंट होता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बहुत कम है। आप सोचिए केवल 1% के आसपास हमारे पास एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है, 99% क्या है, कंक्रीट है। सो वी डू नॉट वॉन्ट टेंशन, वाई, बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेकिंग टेंशन। तो ये सपोज मैं मान रहा हूँ बी डी है मेरे पास, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव बाई बी का जो रेशियो है तो ये सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है, किसके हिसाब से, IS 456 2000 के हिसाब से, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पर सिलेंडरनेस रेशियो कुछ और अलग होता है, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन समथिंग इज देयर, है ना, किस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहाँ पर RCC में IS 456 2000 के हिसाब से क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव डिवाइड बाय बी, यदि इसका जो वैल्यू है यदि ये छोटा आ रहा है 12 से, है ना, दिस वैल्यू इज लेस देन 12 तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, शॉर्ट कॉलम, है ना। यदि ये 12 से बड़ा आ रहा है तो उसे हम नाम दे देते हैं सिलेंडर कॉलम या लॉन्ग कॉलम, सिलेंडर कॉलम या लॉन्ग कॉलम। तो दोनों की डिज़ाइन जो होती है वो अलग अलग होती है ना। ये शॉर्ट कॉलम्स थे जिसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 था, यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम पे भी कभी डिस्कशन किया जा सकता है हम यहाँ पे। अब assumptions क्या होते हैं, अब थोड़ा सा recommendations डिस्कस करने के बाद एंटर करते हैं हम यहाँ पर assumptions के अंदर, कि किस तरीके से हमें आपको कॉलम डिज़ाइन करना है ना, उसके कुछ assumptions दिए गए हैं। काफ़ी बार assumptions पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। मैंने आपको assumptions एक बार और पढ़ाया था अभी थोड़े देर पहले, किसमें पढ़ाया था, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन में, वहाँ पर भी मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी। तो वहाँ पर मैंने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या लिया था, जिस
वो वहाँ पर मैंने लिया था IS-456 2000 लिमिटेड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन के हिसाब से द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी टेकन एज 0.0035 अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। बहुत जरूरी याद रखना है अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी रिकमेंडेशंस लेना है स्ट्रेंथ से रिलेटेड, और वो है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज 0.002 अंडर द प्योर एक्सियल कंप्रेशन। केवल एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है तो आपको कितनी लेना पड़ेगी 0.002। लेकिन यदि मैं बात करूं द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग, कि मतलब पहला तो मेरा क्या था कि कॉलम के अंदर प्योर एक्सियल कंप्रेशन आ रहा है, उस केस में इतनी स्ट्रेन लेना है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपके कॉलम के अंदर प्योर एक्सियल कंप्रेशन के साथ साथ क्या आ रहा है, बेंडिंग भी ऑकर हो रहा है, तो आपको जो मैक्सिमम स्ट्रेन लेना है वो ये लेना है एप्सिलॉन सी एच। और एप्सिलॉन सी एच इज इक्वल टू क्या है 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ एप्सिलॉन ऑफ सी एल। इसका मीनिंग क्या है सी एच का, बाकी सब तो समझ में आता है 0.035 है 0.75 है। सी एच और सी एल क्या है, सी एच अच्छा एप्सिलॉन का मीनिंग होता है स्ट्रेन, सी एच का क्या है हाईली कंप्रेस्ड फाइबर, है ना। इसका मतलब क्या है स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर, वो तो मैक्सिमम हो गया, हाईली कंप्रेस्ड है मतलब ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेन है सेक्शन में, और लीस्ट कंप्रेस्ड है मतलब उस जगह पे कम स्ट्रेन है। सो हाईली कंप्रेस्ड फाइबर पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो इतना होगा 0.0035 माइनस 75% मतलब 0.75 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर का, ठीक है। तो ये जब कंडीशंस रहेगी, चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो चाहे वो सेकेंड कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में आप यदि ये इतनी स्ट्रेन लेते हैं तो मैं ये कंफर्म करता हूँ कि आपके सेक्शन में कहीं पर भी टेंशन ऑकर नहीं होगा, है ना। यदि आप इतनी स्ट्रेन लेते हैं तो आपके सेक्शन में कहीं पर भी टेंशन ऑकर नहीं होगा, और वही मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम में कभी भी टेंशन ना आए, क्योंकि मेरे कॉलम में 99% कॉन्क्रीट होता है, 1% के आसपास हम बेसिक लेवल पर बता रहा हूँ, 1% से ज़्यादा भी हम रख सकते हैं स्टील में, मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ 1% तकरीबन स्टील होता है ना। तो मैं टेंशन कभी भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर है, वी डू नॉट वांट टेंशन एनीवेयर इन द सेक्शन। तो उसके लिए अच्छा मैं यदि बोलूँ कि कॉन्क्रीट में 0.0035 स्ट्रेन रख दूँ मतलब टेंशन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेन को कम करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेन हमने कम कर दिया, इतनी स्ट्रेन तक हम रख सकते हैं। कैसे, इस अजम्पशंस को यहाँ पे मैं फिगर में बता चुका हूँ, है ना। ये कॉन्क्रीट है, यदि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो 0.0035 है, इसका मतलब क्या है सेक्शन में टेंशन भी आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस विद इन द सेक्शन है। लेकिन इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यदि मैं मान रहा हूँ इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा शिफ्ट किया और न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर ले आया मैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब पूरे सेक्शन में क्या है मेरे पास, कंप्रेशन है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस इस जगह पर है एट द एंड ऑफ द कॉलम, है ना। तो वहाँ पर 0.0035 अभी भी है, 0.002 अभी भी है, और न्यूट्रल एक्सिस इस जगह पर प्रेजेंट है। टेंशन जो होगा वो क्या है, वो आउट ऑफ द सेक्शन है। टेंशन जो है वो आउट ऑफ द सेक्शन है, मतलब हमारे सेक्शन में क्या है अभी, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन है। तो ये कंडीशन तब ऑकर होती है, हमने क्या किया, ये जो पॉइंट था ये यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया। तो देखिए मैंने इस पॉइंट को, यदि मैं बोलूँ ये एक पॉइंट था, पाइवट पॉइंट जिसको मैं कहूँ, उसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर आ गया हूँ, और इधर आने पर मैं मान रहा हूँ कि ये जो फाइबर है इस पर मिनिमम स्ट्रेन है एप्सिलॉन सी एल की, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर है। तो ये जो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप देखिए इसको मैं यदि यहाँ से घुमा रहा हूँ इस पॉइंट से सपोज, तो मैं जब इसको ऐसा घुमाता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेन क्या जाता है, कुछ इस तरीके से जाता है, है ना। तो इस तरीके से जाने पर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेन हो चुका है लीस्ट कंप्रेस फाइबर का, और इतनी जो वैल्यू होती है आपको जो यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये होती है आपकी 0.75 टाइम्स, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं 0.75 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन सीएल की, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है कि पूरा 0.0035 था, उसमें से 0.75 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ चुका स्ट्रेन यहाँ पर इतना, यहाँ पर भी इतना। तो पूरे सेक्शन में मेरे पास क्या आ चुकी है, पॉजिटिव स्ट्रेन आ चुकी है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन आ चुकी है, पूरे सेक्शन में आप कंप्रेशन लग रहा है ना। तो ये था आपका एजम्पशन नंबर टू, कि मेरे पास जब बेंडिंग ऑकर होती है, बेंडिंग ऑकर हो रहा है कॉलम में, कौन सा सेक्शन, जब कॉलम में बेंडिंग कब ऑकर होता है, कॉलम में बेंडिंग ऑकर होता है जब कॉलम आपके कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग पर प्रेजेंट हो, बेंडिंग ऑकर होता है जब कॉलम
एज ऑफ द बिल्डिंग पर प्रेजेंट हो। जब भी कॉलम्स इंटरमीडिएट होते हैं जिसमें चारों तरफ से बीम जा रही है, वो प्योर एक्सियल कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन होते हैं, है ना। तो कॉलम्स के डिज़ाइन के तीन केसेस होते हैं। एक तो हो सकता है डिज़ाइन ऑफ कॉलम अंडर द प्योर एक्सियल कंप्रेशन, एक हो सकता है डिज़ाइन ऑफ कॉलम अंडर द एक्सियल कंप्रेशन एंड यूनि एक्सियल बेंडिंग, और एक हो सकता है डिज़ाइन ऑफ कॉलम अंडर द प्योर एक्सियल कंप्रेशन एंड यूनि बाई एक्सियल बेंडिंग, यूनि एक्सियल बेंडिंग एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। तो यूनि एक्सियल बेंडिंग वाले से कौन से कॉलम्स होते हैं, वो एज ऑफ द बिल्डिंग पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, चाहे वो एक्स डायरेक्शन के हो वाई डायरेक्शन पे हो। और बाई एक्सियल बेंडिंग वाले कॉलम्स क्या होते हैं, कॉर्नर के कॉलम्स होते हैं, कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग से जितने कॉलम्स होते हैं वो होते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग्स के। बाकी इंटरमीडिएट जो कॉलम्स होते हैं जिसमें चारों तरफ से बीम्स जा रही हो, वहाँ पर हमें डिज़ाइन करना होता है फॉर प्योर एक्सियल कंप्रेशन, एजम्पशन नंबर वन के हिसाब से, ठीक है। तो एजम्पशन नंबर वन के हिसाब से इंटरमीडिएट कॉलम डिज़ाइन करना है, एजम्पशन नंबर टू के हिसाब से एज ऑफ द बिल्डिंग्स के कॉलम फॉर यूनि एक्सियल बिल्डिंग, और कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स के कॉलम, है ना, उनके लिए बाई एक्सियल बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेन का मुझे क्या मिल चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, प्योर एक्सियल कंप्रेशन हो, नो बेंडिंग हो। तो बेंडिंग कहीं पर भी नहीं हो, तो मैंने क्या किया, वही पॉइंट को और ज़्यादा शिफ्ट किया, इस तरीके से इस लाइन को घुमाया इस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ तक भी आ चुका है। तो आप देखिए, जब इसको ऐसा घुमाया तो ये भी 0.02 हो गया, ये भी 0.002 हो गया है। तो ये हो चुका आपका अजम्पशन नंबर वन। आप देखिए इसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, इसमें न्यूट्रल एक्सिस से आउट ऑफ द सेक्शन, मतलब पूरा कंप्रेशन है। इस सिचुएशन में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी, 0.002, प्योर एक्सियल कंप्रेशन का केस आ चुका है। इस कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, आउट ऑफ द सेक्शन है, लेकिन आफ्टर इनफाइनाइट है। ये दो लाइन जहाँ मिलती है वहीं पे तो बनता है ना आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस आउट ऑफ द सेक्शन एट फाइनाइट डिस्टेंस, हियर आउट ऑफ द सेक्शन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ मिनिमम एसेंट्रिसिटी। एक रिकमेंडेशंस और है IS 456-2000 का, कोड कहता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉलम तो चांसेस जो होते हैं, आपको क्या एजम्पशन नंबर वन के हिसाब से कॉलम डिज़ाइन करना है या एजम्पशन नंबर टू के हिसाब से कॉलम डिज़ाइन करना है, तो कोड कहता है आप एजम्पशन नंबर वन के हिसाब से कॉलम डिज़ाइन करो, इंटरमीडिएट कॉलम यदि है, लेकिन प्योर एक्सियल कंप्रेशन के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको मिनिमम मूवमेंट्स के लिए आपको कॉलम डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑकर हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कॉलम की जो सीजी हो उसी से पूरा लोड ट्रांसफर हो, पूरा एग्जैक्टली लोड पास हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंसीडर करना पड़ती है। एज पर द कोड मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो है उसका फॉर्मूला में यहाँ लिखा हुआ, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 500, अनसपोर्टेड लेंथ किसकी, कॉलम की, डिवाइड प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 300, लेटरल डायमेंशन किसकी, कॉलम की। ये लेटरल डायमेंशन या तो बी हो सकती है या तो डी हो सकती है, तो दो वैल्यूज मेरे पास आने वाली यहाँ पर मिनिमम एसेंट्रिसिटी की, करस्पॉन्डिंग टू द विड्थ, करस्पॉन्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पर डेप्थ मतलब वही क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, टू लेटरल डायमेंशन 500 है, 300 है और 20 mm, तो इन दोनों में से जो भी आपका लेस आने वाला है वो आपकी हो जाएगी ई मिनिमम के वैल्यू। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास ये एक कॉलम है जिसकी विड्थ में मान रहा हूँ बी है, जिसकी डेप्थ में मान रहा हूँ डी है, तो एसेंट्रिसिटी मुझे यदि कैलकुलेट करनी है, कोई पॉइंट मेरा यहाँ पर है, यहाँ मैं मान रहा हूँ कि लोड एक्चुअली सीजी से ट्रांसफर होना चाहिए, है ना, लेकिन लोड कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है लोड, कितनी डिस्टेंस पर, ई एक्स पर और ई वाई पर, ये मिनिमम वैल्यूज है, सपोज ई एक्स मिनिमम और इसको मैं क्या नाम दूँ, ई वाई मिनिमम। तो जो मोमेंट्स है वो हमें किस लिए डिज़ाइन करना हो, मतलब जो एसेंट्रिसिटीज लग रही है इसके कारण मोमेंट्स भी आने वाले हैं, है ना, तो हमें ये जो कॉलम है उसको हमें कैसे डिज़ाइन करना है, प्योर एक्सियल कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन करना है। यदि एसेंट्रिसिटी मिनिमम है तो प्योर एक्सियल कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन करना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लोड लग रहा था इस पॉइंट पे, इस लोड को तो आप सीजी पर ट्रांसफ़र कर दो, तो आपने सीजी पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस सीजी पर अब क्या लग रहा है, जैसे कि ये सीजी मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो ये जो सीजी है इस पे तो आपने क्या किया, यहाँ से ये लोड यहाँ ट्रांसफ़र किया, जिसकी वैल्यू मैं मान रहा हूँ लोड की पीयू है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो मोमेंट लग रहा था अबाउट एक्स एक्सिस, ये देखिए अबाउट एक्स एक्सिस जो इस कॉलम के इस तरीके से, जैसे ये कॉलम है तो लोड यहाँ लग रहा था, तो इसको अबाउट एक्स एक्सिस इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अबाउट एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, मोमेंट यहाँ सीजी पर ट्रांसफ़र कर दिया, कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, उसका वैल्यू हो जाएगा पी यू लोड इंटू ई वाई मिनिमम, ठीक है। एक दूसरा जो एसेंट्रिसिटी वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है, जिसके कारण हमें क्या मिलने वाला है, एम यू, ये था आपका वैल्यू एम यू एक्स एक्स का, अबाउट एक्स एक्सिस का, अबाउट वाई एक्सिस भी मोमेंट लग रहा है आपका, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एम यू अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक मोमेंट और लग रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो लग जाएगा आपका जब आपका लोड यहाँ लग रहा है, तो कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा था ये आपको, आप इसको देखेंगे तो इतनी डिस्टेंस पर घुमाने की कोशिश कर रहा है। यदि मैं इसको इस तरीके से बताऊं तो कॉलम यहाँ पर है, लोड यहाँ पे लग रहा है, इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है अबाउट एक्स,
तो ये था अबाउट वाई वाई, और अब अबाउट एक्स एक्स आपको यदि घुमाने की वो कर रहा है एम यू वाई वाई, तो जिसका वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, पी यू इंटू ई एक्स मिनिमम। तो इन दिस फैशन आपको क्या लग रहा है, मोमेंट्स लग रहे हैं। प्योर एक्सियल कंप्रेशन को आप मिनिमम मोमेंट्स के लिए डिज़ाइन करना होंगे। तो आप देख सकते हैं यदि मैं ई वाई मिनिमम इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एल नॉट डिवाइड बाई 500 प्लस डी बाई 30 ले सकता हूँ, ई मिनिमम एक्स क्या ले सकते हैं, एल नॉट डिवाइड बाई 500 प्लस बी डिवाइड बाई 30 ले सकता हूँ। इन विद रिस्पेक्ट टू डेट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मोमेंट्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। पी इंटू ई वाई मिनिमम कैलकुलेट मैंने किया है यहाँ पर, और x डायरेक्शन के यदि y डायरेक्शन के यदि मैं मोमेंट्स देख रहा हूँ तो पी यू इंटू ई मिनिमम एक्स मैंने क्या किया है यहाँ पर शो किया है। तो ये था आपके मिनिमम मोमेंट्स जिसके लिए आपको आपको कॉलम्स क्या करने पड़ेंगे, डिज़ाइन करना पड़ेंगे एक्सेल कंप्रेशन के अंदर। जब भी आपके अंदर बाइएक्सियल या यूनिएक्सियल आते हैं तो हम यहाँ पर कोड यूज़ करते हैं आपका, और कोड्स के अंदर आप यदि देखेंगे XP16 तो उसके अंदर काफ़ी सारे फिगर्स दे रखे हैं, उसके अंदर आपको उसका यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें किस तरीके से इसके अंदर फॉर्मूलेज होते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ अंडर द कोलैप्स, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन में किस फॉर्मूले का कब यूज़ करना होता है, वो अब हम देखते हैं कॉलम डिज़ाइन के अंदर। तो जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे मिनिमम एसेंट्रिसिटी का, तो कोड ने क्या सजेस्ट किया है कि बेस्ड ऑन आपके जो भी कॉलम आप डिज़ाइन कर रहे हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन मिनिमम एसेंट्रिसिटी। मीन्स यदि मैं बोल रहा हूँ कि आपके कॉलम में एक्सेल कंप्रेशन आ रहा है तो उस केस में भी आपको आपके कॉलम को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई एस 4562000 के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूले लिख रखे हैं फॉर द एक्सेल कंप्रेशन कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंसिडर किया है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले हम देख चुके हैं किस तरीके से हमें निकालना है ना। उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन आपको लगाना होगी, जो कोड ने ये फॉर्मूला लिखा है 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन कॉलम, तो उसमें ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपका जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या मिल रही थी हमें, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30 और 20 mm, इन दोनों में से जो भी क्या होना है, विच एवर इज लेस होना है वो आपको लेना है, और वो क्या हो जाएगा मिनिमम एसेंट्रिसिटी। आपको वो वैल्यू यदि लेस देन और इक्वल टू 0.005 आ रही है ऑफ लेटरल डायमेंशन तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यदि नहीं आ रही है, इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हैं, इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, एक तो ये कंडीशन का डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये भी प्योर एक्सियल कंप्रेशन के, ये एक्सियल कंप्रेशन के लिए, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट कंसिडर किया है। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये एग्जैक्टली जो एक्चुअल लोड है वो किससे पास हो रहा है, सीजी से पास हो रहा है, उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप एग्जैक्टली जो लोड है वो सीजी से पास हो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हम बाइएक्सियल या यूनिएक्सियल डिज़ाइन करते हैं कॉलम्स, तो क्या हमारे पास कंडीशन क्या बनती है कि जैसे कि ये एक्सिस है एक्स एंड वाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो लोड है वो यहाँ कहीं पर लग रहा है, सपोज इस पॉइंट पर लग रहा है, मतलब इसमें जो एसेंट्रिसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कौन सी वाली है, ई एक्स वाली एसेंट्रिसिटी है ना, ई वाई नहीं है इसके अंदर। तो जो लोड यहाँ पर लग रहा था आपका पी यू, उसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, एग्जैक्टली एट द सेंटर शिफ्ट कर दिया विद द मोमेंट पी इंटू ई एक्स, है ना। तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली सेंटर पर लग रहा है लोड, क्योंकि हमने शिफ्ट किया एसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लाई करते हुए मोमेंट अप्लाइड किया है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में आप जो लोड पी यू यूज़ करने वाले हैं वो आपका ये वाला होना चाहिए 0.45 FC की AC प्लस 0.75 FY AC, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर पे हमने लगाया है ना। लेकिन यदि वो उसका केस नहीं है, यूनिएक्सियल बेंडिंग का या बाइएक्सियल बेंडिंग का केस नहीं है, सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन का केस है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉलम को मिनिमम मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना होगा, जिसके लिए मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन लिया है। आप इस इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम मोमेंट के कारण हम इसका 90% स्ट्रेंथ ले रहे हैं। आप सोचिए यदि मैं इस इक्वेशन में 0.9 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऑलमोस्ट ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें इफेक्ट ऑफ मिनिमम एसेंट्रिसिटी कंसीडर करना होता है, आपको मोमेंट आपके कॉलम्स का आपको मिनिमम मोमेंट कैपेसिटी के लिए डिजाइन करना होता है, तो मैं क्या करता हूं, 90% स्ट्रेंथ ले लेता हूं, है ना, अप्लाइड लोड्स की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं क्या कर रहा हूं, विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट यदि मुझे डिजाइन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हेलिकल रेनफोर्समेंट यदि आप प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉलम की, वो 5% बढ़ जाती है। इसलिए आपको जब भी सर्कुलर कॉलम में
अल्टीमेट कैपेसिटी निकालना है लोड कैपेसिटी कॉलम की, तो आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके अंदर आपको 1.05 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन हेलिकॉप्टर एनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड, एरिया ऑफ एसी से रिलेटेड, है ना। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हमको कितना प्रोवाइड करना चाहिए, 0.8% मिनिमम, एंड मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 4% और 6%, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ओवरलैपिंग कंडीशन दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। यहाँ पर जो एरिया ऑफ कंक्रीट एसी है वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ एएसटी हो जाएगा। जैसे कि बोल रहा हूं मेरे कॉलम का साइज 400 बाय 500 है, इसका मीनिंग क्या है कि ये मेरा ग्रॉस एरिया है 400 बाय 500, माइनस करना है मुझे इसमें से एरिया ऑफ एएसटी, है ना, तब वो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ कंक्रीट। तो वो आप एरिया ऑफ कंक्रीट यहां पर रखेंगे, ये है हमारे पास इक्वेशन। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है इग्नोर द डिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट, है ना, मतलब आपको जो एएसटी यहां पे डिडक्ट करना था वो आपको नहीं डिडक्ट करना है इस जगह पर, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ग्रॉस एरिया रख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 200 बाय 300 को मेरे पास कॉलम है, तो डायरेक्टली आप ग्रॉस एरिया यहाँ पर रख सकते हैं 200 बाय 300, यदि क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि इग्नोर द एरिया ऑफ कंक्रीट ड्यू टू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, तो वो कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, मेरे पास है यहाँ पर जब भी मेरे पास, अच्छा तो मैंने तो यहाँ तक तो बात कर ली किस तरीके से आपको यूनिएक्सियल या बायएक्सियल के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके पास एक्सियल कंप्रेशन लोड लग रहा है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है वो हमने डिस्कस कर ली, इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कॉलम या उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास बायएक्सियल या यूनिएक्सियल कॉलम्स आते हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉलम इंटरेक्शन कर्व, जो कि SP16 के अंदर दिया गया है। तो कॉलम इंटरेक्शन कर्व का यूज़ करते हुए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट कैपेसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम्स की, और उसके लिए उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ मैं कि कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम क्या है। ये कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम है जो कि SP16 में दिया गया है, ये अप्लाइड लोड एंड द मोमेंट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन बताता है ना। ये कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो लाइन्स है इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन योर कॉलम एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज्ड इन योर कॉलम, सो उसके रेशियो पर बेस्ड है। ये कोई एक ही लाइन नहीं होती है, इसके जैसे नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ होगी, जो आप यदि SP16 देखते हैं तो इस तरीके से नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो वहाँ पर ड्रॉ होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे होता है MU डिवाइड बाई FC के BD² यदि आपके पास जो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस है आपके कॉलम में तो MU डिवाइड बाई FC के BD² होगा, अबाउट वाई एक्सिस यदि मोमेंट आप निकाल रहे हैं तो ये FC के DB² हो जाएगा, आप BD² नहीं लिखेंगे DB² लिखेंगे, और PU डिवाइड बाई FC के BD है वाई एक्सिस पर। यहाँ पर इस कर्व को हम तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं, Zone 1, Zone 2, Zone 3। Zone 1 की मैं बात करूँ तो उसे हम कहते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी जोन, Zone 2 को कहते हैं कंप्रेशन कंट्रोल जोन, Zone 3 को हम कहते हैं टेंशन कंट्रोल जोन। अच्छा, मिनिमम एसेंट्रिसिटी जोन का मीनिंग क्या होता है कि ये जो जोन है इसके अंदर आप देखिए मोमेंट्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम है इस जोन के लिए, लेकिन अप्लाइड लोड्स की वैल्यू बहुत है। मतलब ये आपका कौन से टाइप के कॉलम्स है, ये आपके टाइप कॉलम्स है जिसके अंदर प्योर एक्सियल कंप्रेशन लग रहा हो, जहाँ पर लोड जो है वो डोमिनेटिंग है। तो मैंने आपको अभी जैसे केस बताया कि जो भी आपके कॉलम में यदि प्योर एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है, एक्सियल कंप्रेशन लोड लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉलम्स को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये देखिए ये एक्सियल कंप्रेशन लोड था, इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए इसको डिज़ाइन किया। तो Zone 1 में हम मिनिमम एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट कंसिडर करते हुए कॉलम को डिज़ाइन करेंगे। अब Zone 2 पे मैं चलता हूँ, जिसके अंदर हमने क्या नाम दिया है, कंप्रेशन कंट्रोल जोन। मैंने यहाँ पर बात किया था आपको, अच्छा मैंने अजम्पशन भी बताया था आपको, है ना, लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन में कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट कैन बी टेकन एज 0.002 इन एक्सियल कंप्रेशन, वो यहाँ पर वैलिड है Zone 1 में। उसके बाद मैंने आपको बताया था एग्जम्पशन नंबर 2 अंडर द लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन द कंप्रेशन कंडीशन, और वो ये था कि जो हाईली कंप्रेस्ड फाइबर है उस पर आपको स्ट्रेन कितना लेना है, दैट इज इक्वल टू 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ द स्ट्रेन विच इज अवेलेबल एट द लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, देर शुड नॉट बी टेंशन इफ द बेंडिंग इज ऑकरिंग। वो था आपका Zone 2 के अंदर कि देखिए ये कंप्रेशन कंट्रोल जोन है, इसके अंदर हमें टेंशन कहीं भी नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट टेंशन एनी वेयर इन माई सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो 99% हमारे पास क्या है, कंक्रीट है यहाँ पर, यदि आप 1% स्टील कंसिडर करते हैं तो ये कंप्रेशन कंट्रोल जोन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल कॉलम्स डिजाइन करते हैं। बात करते हैं टेंशन कंट्रोल जोन, ये Zone 3 हो गया, वी डू नॉट वांट टू डिजाइन कॉलम अंडर द टेंशन जोन। इसके अंदर हम बीम डिजाइन करते हैं, क्योंकि बीम क्या आता है, टेंशन आता है, सेगिंग होती है बीम, यदि सिंपली सपोर्टेड की बात करूँ तो बॉटम में हमें टेंशन मिलता है, तो वो उसके लिए होता है Zone 3। मैं इंटरेस्टेड हूँ Zone 1 एंड Zone 2 में इन द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब मैंने जैसे बात किया Zone 2 की, मुझे यहाँ पर यूनिएक्सियल कॉलम बायएक्सियल कॉलम्स डिजाइन करना है, तो यूनिएक्सियल कॉलम्स में क्या होगा, एक साइड से बेंडिंग मोमेंट आएगा, या तो MU एक्स आ सकता है अबाउट एक्स एक्सिस या MU वाई आ सकता है अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन बायएक्सियल में क्या आने वाला है आपके कॉलम पर, बायएक्सियल में
अबाउट एक्सेसिस एंड अबाउट वाई एक्सिस दोनों आ सकते हैं। तो बिल्डिंग के जो कॉर्नर के कॉलम्स होते हैं है ना, जहाँ पर जैसे ये कॉलम है, एक बीम इस डायरेक्शन में जा रही है, एक बीम इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों एक्सिस के अबाउट में क्या लगने वाले हैं, मोमेंट्स लगने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कॉलम्स को हम बायएक्सियल कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी आप कंडीशंस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एज्यूम्ड डायमेंशंस होंगे। ये जो कर्व्स होते हैं वो बी बाई बी और डी डैश बाई डी पे बेस्ड होते हैं। अलग अलग कंडीशंस के लिए हम अलग अलग वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ एम यू एक्स मुझे निकालना है ना, एम यू एक्स और एम यू वाई क्या है, ये अप्लाइड मोमेंट्स है। आपको डिज़ाइन क्या है, अपने बायएक्सियल कॉलम आपको चेक करना है कि ये सेफ है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगी ISO 56-2000 के हिसाब से। तो यहाँ पर एम यू एक्स और एम यू वाई क्या है, ये है आपका अप्लाइड मोमेंट्स। एम यू एक्स और एम यू वाई जो है वो अप्लाइड मोमेंट्स है अबाउट एक्सिस एंड बाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन क्या है, एम यू एक्स वन या एम यू वाई वन की यदि मैं बात करूँ तो ये मोमेंट कैपेसिटीज कॉलम की लेने की, जो कि किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी यहाँ से। ये वैल्यूज आपको मिलेगा एक्चुअली एम यू एक्स वन एंड एम यू वाई वन की। यदि मैं बोल रहा हूँ एम यू एक्स वन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कर्व से, तो आप मुझे लिखना होगा एम यू एक्स वन डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। यदि मैं बोल रहा हूँ एम यू वाई वन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मुझे लिखना होगा एम यू वाई वन डिवाइड बाई एफ सी के डी बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने एक पहले कॉलम रेंडम कॉलम डिसाइड कर लिया, जिसके अंदर मैंने एज्यूम कर लिया कि भैया इसके अंदर 1% ए सी डालने वाला हूँ, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखने वाला हूँ, बी डैश डी डैश क्या है, विड्थ के डायरेक्शन में इफेक्टिव कवर, डी के डेप्थ के डायरेक्शन में इफेक्टिव कवर रिस्पेक्टिवली, बी डैश डी डैश है ना। तो बेस्ड ऑन बी डैश मैंने कर्व चूज किया और वहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, एम यू वाई वन का वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकाला, इस पर बेस्ड, इस वैल्यू पर बेस्ड कोई एक लाइन सिलेक्ट किया होगा, पी यू बाई एफ सी के बी डी का वैल्यू मुझे पता है। तो यहाँ पर जैसे ये लाइन सिलेक्ट हुआ मेरे पास, उसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, उसके हिसाब से ये सभी वैल्यूज मुझे पता है एम यू वाई वन मिल जाएगा। बेस्ड ऑन डिटेल्स बाई डी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम यू एक्स वन। तो सेम पैटर्न में आप क्या कर सकते हैं, एम यू एक्स वन भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इस फॉर्मूले में रखा, देखा यदि ये लेस देन वन आ रहा है मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, अप्लाइड मोमेंट कम है, तो आपका सेक्शन क्या है, सेफ है। आगे बढ़ते हैं। यदि वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि चलो वैल्यू 0.9 आ रहा है, इसका वैल्यू 0.9 आ रहा है, मतलब सेफ कंडीशन है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूँ ये सब पूरा कैलकुलेशन करने पर वैल्यू मेरे पास 0.2 आ रहा है, मतलब एक से बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका है, आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डायमेंशन रख दिए, तो थोड़े से डायमेंशन ऑफ रिड्यूस करने की कोशिश करिए। तो ये चेक करने की कंडीशन है डिज़ाइन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब मैंने देखा, अच्छा यहाँ पर अल्फा एन जो है वो डिपेंड करता है पी यू बाई पी यू जेड के रेशियो पर। पी यू क्या है, अप्लाइड लोड है, पी यू जेड मैंने आपको भी बताया था कि जब भी कॉलम के अंदर एसेंट्रिसिटी हम कंसिडर करते हैं, मतलब मोमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जो पी यू जेड है लेना है वो एग्जैक्टली एट द सेंटर लेना है। तो एग्जैक्टली एट द सेंटर पर यदि हम लेते हैं तो पी यू जेड वो होता है, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर पर मेरे पास ये इक्वेशन होती है 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.7 एफ आई एस टी, हम देख चुके हैं ऑलरेडी है ना, पी यू अप्लाइड लोड है जितना आ रहा है। तो अलग अलग पी यू बाई पी यू जेड के वैल्यूज़ के लिए मेरे पास अल्फा एन की क्या है, वैल्यूज़ है। तो पी यू बाई पी यू जेड यदि लेस देन 0.2 है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ग्रेटर देन 0.8 है तो 2 रहेगी, इन दोनों के बीच में है, तो ये वैल्यू भी इसकी एन की क्या करेगी, अल्फा एन की वैल्यू वेरी करेगी 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बात की आपका प्योर एक्सियल कंप्रेशन कॉलम्स की, मैंने बात की यहाँ पर आपके बायएक्सियल एंड यूनिएक्सियल कॉलम्स के। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर यदि मेरे पास लॉन्ग कॉलम्स यदि आ जाते हैं। अभी तक जितने भी मैंने बात किया शॉर्ट कॉलम्स के लिए किया, शॉर्ट कॉलम मतलब जिसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन, इफेक्टिव हाइट मीन्स इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन, जिसको हम क्या देते हैं नाम, स्लेंडरनेस रेशियो, लेस देन 12 है तो उसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन 12 हुआ तो उसे हम कह सकते हैं लॉन्ग कॉलम्स। तो यदि मेरे पास शॉर्ट कॉलम्स है तो ये पूरी डिज़ाइन रहेगी आपके पास, जो भी हमने डिस्कस किया। यदि मेरे पास लॉन्ग कॉलम्स आ गए तो लॉन्ग कॉलम्स मतलब सिलेंडर मेंबर्स, सिलेंडर मेंबर्स के कारण एडिशनल बेंडिंग मोमेंट्स ऑकर होते हैं। तो यदि जितने भी लॉन्ग कॉलम्स होते हैं उसको आपको बायएक्सियल मोमेंट्स के लिए डिज़ाइन करना होता है, समझ रहे हैं, जो भी आपके पास लॉन्ग कॉलम्स होते हैं उसको आपको बायएक्सियल मोमेंट्स के लिए डिज़ाइन करना है। तो बायएक्सियल मोमेंट्स में डिज़ाइन कर रहा हूं, तो यदि मैं बोल रहा हूं कि ऑलरेडी आपके कॉलम्स बायएक्सियल कॉलम्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दो एडिशनल मोमेंट्स ऐड करना पड़ेंगे, दैट इज योर एम ए एक्स एंड एम ए वाई। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट्स आने वाले हैं ड्यू टू द स्लेंडरनेस रेशियो, दैट विल बी योर एम ए एक्स एंड एम ए वाई। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बायएक्सियल के केस में सिखाया था, दैट विल बी सेम। आपको क्या करना है, एम यू एक्स में एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जोड़ना है, एम यू वाई में एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जोड़ना है। ये एडिशनल बेंडिंग मोमेंट
किसके कारण आ रहे हैं, स्लेंडरनेस इफेक्ट के कारण आ रहे हैं लॉन्ग कॉलम्स में। तो मैं देखता हूँ एम यू एक्स की वैल्यू क्या है, एम ए वाई की वैल्यू क्या है। एम ए एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है अप्लाइड लोड और स्लेंडरनेस रेशियो पर, यहाँ पर एम ए वाई की भी वैल्यू डिपेंड करती है अप्लाइड लोड एंड स्लेंडरनेस रेशियो की इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। तो यहाँ पर एल ई एक्स डिवाइड बाई डी रहेगा, यहाँ पर एल ई वाई इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई क्या रहेगा, बी रहेगा, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये था यहाँ पर मैंने बात किया टोटल कॉलम्स के बारे में। जैसे आप कॉलम डिज़ाइन किए, आपको पता लग चुका है आपके कॉलम की कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड आ रहा है, कितना सेल्फ वेट है, वो पूरा किस में ट्रांसफर होने वाला है, फुटिंग में ट्रांसफर होना है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन फॉर फुटिंग, किस तरीके से डिज़ाइन करना है आपको फुटिंग को। मैं यहाँ पर मेनली डिस्कस करने वाला हूँ आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। आइसोलेटेड फुटिंग का क्या करना है, मैं मान रहा हूँ आइसोलेटेड जो फुटिंग है उसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है और जो टोटल विड्थ है वो बी है। ये मैंने टॉप व्यू बनाया है, जो कॉलम मैंने यहाँ पर रखा है वो एक्जैक्टली एट द सी जी ऑफ द फुटिंग पर रखा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है वो ए इंटू बी है। सो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इज द डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड एल इंटू बी द डायमेंशन ऑफ फुटिंग। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि जब भी आपको फुटिंग डिज़ाइन करना पड़ता है देन वी हैव टोटल थ्री क्राइटेरियाज टू डिज़ाइन द फुटिंग। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है मेरे पास, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया है। तो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से डेप्थ निकालने वाला हूँ। तो यू शुड नोटिस यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपका, ये क्रिटिकल कंडीशन है हर एक केस के लिए। टोटल तीन केस है मेरे पास यहाँ पर, एक है बेंडिंग मोमेंट, दूसरा है वन वे शियर, तीसरा है टू वे शियर। यदि मैं बात कर रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया की, तो इसी सिचुएशन में जो मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन है वो एक्जैक्टली एट द फेस ऑफ कॉलम है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपके लिए जो बेंडिंग मोमेंट ऑकर होने वाला है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होने वाला है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होने वाला है, विच इज़ एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर मोमेंट। तो आप देखिए ये आपका क्या हो चुका है, फिक्स्ड पोर्शन हो चुका है क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन है। ये पोर्शन क्या हो चुका है, कैंटिलीवर पोर्शन हो चुका है। तो मैंने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया इन दिस फैशन। क्यू क्या है, ये अप्लाइड प्रेशर है, सॉइल प्रेशर है विच इज ऑकरिंग एट द बेस ऑफ फुटिंग। कैसे निकाला, जो भी लोड आ रहा था डिवाइडेड बाय एरिया किया, मुझे क्या मिल चुका है, क्यू का वैल्यू मिल चुका है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो क्यू है ये फैक्टर्ड प्रेशर है, फैक्टर्ड प्रेशर है। पहले आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, फिर आपको उसमें एरिया से, फिर इसमें आपको फैक्टर ऑफ 50 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको वर्किंग प्रेशर कैलकुलेट करना है, फिर उसमें फैक्टर ऑफ 50 से मल्टीप्लाई करना है। वर्किंग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, वर्किंग प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड लोड डिवाइड बाय एरिया, सॉरी अप्लाइड लोड इंटू SBC, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लोड में आपको अब वर्किंग लोड लेना है ना, लोड वहाँ पर आप जब लेने वाले हैं वो वर्किंग लोड लेना है। ठीक है, तो वर्किंग लोड ले लिया प्लस 10% वेट ऑफ फुटिंग भी ले लेते हैं हम उसके अंदर। वहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, वर्किंग प्रेशर निकाल दिया जो कि सॉइल पे लग रहा है, फिर उसको मैंने फैक्टर कर दिया 1.5 से, है ना। एरिया फुटिंग भी मेरे पास आ चुका है वहाँ से, है ना, पी डिवाइड बाय सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, मुझे एरिया फुटिंग मिल चुका है। उस एरिया फुटिंग पे कितना अब लोड लग रहा है, लोड डिवाइड बाय वो एरिया से मैंने क्या निकाल दिया, प्रेशर निकाल दिया। उस प्रेशर को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, वो क्यूयू की वैल्यू हो चुकी है, MUx आ चुका है। ये फॉर्मूला लगाइए, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच इज ऑकरिंग एग्जैक्टली एट द फेस ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर कितना होगा, एट द एज ऑफ फुटिंग पर दैट मोमेंट विल बी जीरो बिकॉज कैंटिलीवर है वो पोर्शन। इस तरीके से ये कॉलम है, ये आपका कैंटिलीवर पोर्शन है। तो एट द एज ऑफ फुटिंग यहाँ पर क्या होने वाला है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होने वाला है। तो डेप्थ के हिसाब से मैंने पास फॉर्मूला है, लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, वी हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मूला फॉर डेप्थ इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई क्यू एफ सी के बीडी स्क्वायर। इस एम की जगह मेरे पास क्या हुआ करता था, वहाँ एम यू लिमिट हुआ करता था। ये क्यू क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एफ ई 250 है, क्यू का वैल्यू 0.148, यदि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एफ ई 415 है तो क्यू का वैल्यू कितना होने वाला है, क्यू का वैल्यू होने वाला है 0.138। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्यू का जो वैल्यू है वो 0.133 है, दैट मीन्स आपके एफ ई का वैल्यू कितना है, 500 है। तो यहाँ से आप डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एट द एज ऑफ फुटिंग यदि मैं डेप्थ निकालना चाहता हूँ तो एम यू जीरो है एट द एज ऑफ फुटिंग, तो डेप्थ क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन हम कभी भी जीरो डेप्थ प्रोवाइड नहीं करते हैं। एज पर IS 456/2000 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट वी शुड डू, वी शुड प्रोवाइड मिनिमम 150 mm डेप्थ एट द एज ऑफ फुटिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की, दैट इज वी वन वे शेयर क्राइटेरिया। वन वे शेयर क्राइटेरिया में मैं क्या करता हूँ, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो वन वे शेयर क्राइटेरिया कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन, राइट। वाई बिकॉज अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन ही वन वे शेयर जो होता है वो गवर्न करता है। अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन इफ यू वॉन्ट यू कैन कैलकुलेट बट यू वॉन्ट गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट विल बी ऑकरिंग एट द लॉन्गर स्पैन। तो मैंने क्या किया, अलॉन्ग द लेंथ ये कैलकुलेट किया है, और इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन ऑकर होता है एज पर कोड इट इज़ कंसिडर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो 45 डिग्री पर किया है। तो ये यदि इफेक्टिव डेप्थ डी है तो ये डिस्टेंस भी क्या आने वाली है, स्मॉल डी आने वाली है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन यूज़ करना है, और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम,
डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी वैल्यूज मुझे यहाँ पर पता है ना। ये स्ट्रेसेस हैं, ये मतलब ये अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं, ये रजिस्टिंग स्ट्रेसेस है या फोर्स में कह सकता हूँ। तो यहाँ से भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डी। आपने एक वैल्यू डी की यहाँ से कैलकुलेट की, एक वैल्यू डी की यहाँ से कैलकुलेट किया, तीसरा वैल्यू ऑफ डी का हम यहाँ इस पंचिंग शेयर क्राइटेरिया से कैलकुलेट करेंगे। तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो डेप्थ हमें क्या करना पड़ेगी, प्रोवाइड करना पड़ेगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे टाउ सी नजर आ रहा है। टाउ सी इज व्हाट, टाउ सी इज द शेयर स्ट्रेंथ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। वी कैन टेक फ्रॉम द टेबल नंबर 19 ऑफ आईएस 456 2000। तो इसी सिचुएशन में यहाँ पर जो के दिख रहा है वो डिपेंड करता है आपके सॉलिड स्लेब पर। टाउसी सिर्फ मैं बीम्स के लिए बात कर लेता था, यहाँ आप स्लेब के लिए भी बात कर सकते हैं, फुटिंग्स के लिए भी बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर के का मल्टीप्लाई करना है। और के किस पर डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन द ग्रॉस डेप्थ ऑफ द फुटिंग और द ग्रॉस डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केस इफ इन द क्वेश्चन दे डोंट मेंशन एनी वैल्यू ऑफ के, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टू वे शेयर की मैं बात करता हूँ, जिसे हम पंचिंग शेयर भी कहते हैं। इस सिचुएशन में जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं, अच्छा यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन कहाँ था, एट द फेस ऑफ कॉलम था। यहाँ पर कहाँ पर था, एट अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मीन्स इन द लॉन्गर स्पैन, एदर दिस साइड और दिस साइड, है ना। इन द सेम फैशन टू वे शेयर क्राइटेरियम क्या होता है, आपको दोनों साइड में लेना है। इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो, द क्रिटिकल सेक्शन ऑकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ डी बाई टू फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में भी लिया और इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी दोनों साइड, वाई डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे दोनों साइड। तो मुझे कुछ इस तरीके से शेप मिलता है यहाँ पर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा ये डी बाई टू था, ये डी बाई टू था, तो ए प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू मुझे मिल गया ए प्लस डी। इन द सेम फैशन आई गॉट बी प्लस डी ऑल्सो। ये फुटिंग था एल इंटू बी का। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, पंचिंग शेयर की इक्वेशन लगा रहा हूँ। ये फिर फोर्सेस हो गए हैं, ये भी, ये रेजिस्टिंग फोर्सेस है, ये अप्लाइड फोर्सेस है जो सॉइल के कारण लग रहे, सॉइल प्रेशर पे जो बियरिंग प्रेशर आ रहा है उससे। तो यहाँ पर भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, सभी वैल्यूज मुझे पता है, मैं यहाँ से डी निकाल सकता हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पर टाउपी नज़र आ रहा है, टाउ पी इज द पंचिंग शेयर जो यहाँ पे वैल्यू रखना है, और वो डिपेंड करता है कॉन्क्रीट की पंचिंग शेयर पर, जहाँ पर आपने शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है। विदाउट शेयर एनफोर्समेंट जो पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑकर हो रही है, द वैल्यू इज 0.25 अंडर रूट एफ सी के इज द वैल्यू इन एल एस एम एंड 0.16 एफ सी के इन डब्ल्यू एस एम। वी आर इंटरेस्टेड इन एल एस एम बिकॉज वी आर स्टडिंग लिमिट स्टड मेथड, राइट। सो एज पर आई एस 456 2000 आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ टाउ सी पी, सपोज 0.25 अंडर रूट एफ सी के। तो टाउपी का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर रखा 0.25 अंडर रूट एफ सी के इस जगह पर, उसके अंदर आपको के एक्स का भी मल्टीप्लाई करना है, विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ कॉलम 0.5 प्लस बीटा सी। अच्छा बीटा सी क्या है, बी बाई ए है, ठीक है। बी क्या है, शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम, ए क्या है, लॉन्गर डायमेंशन ऑफ द कॉलम। बी स्मॉल बी क्या है, शॉर्टर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, ए क्या है, लॉन्गर डायमेंशन ऑफ द कॉलम। तो बी सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज मैं बोल रहा हूँ मेरे पास स्क्वायर कॉलम है, तो मतलब बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये था पूरा आपका फुटिंग का डिज़ाइन। इस फैशन में आप क्या कर सकते हैं, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2 एंड क्राइटेरिया नंबर 3 से आप तीन वैल्यूज निकाल सकते हैं, डेप्थ की डी1, डी2, डी3। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिज़ाइन, वो डेप्थ आप ले लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, उतनी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ आपने क्या किया, कुछ कवर मान सकते हैं यहाँ पर, वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। जनरली 70 mm टू 75 mm आई कैन पुट। अच्छा 75 mm भी रखते हैं कवर, 50 mm भी रखते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशंस में रखे जाते हैं। मैं यदि बात करूँ 50 mm कवर कब रखना है फुटिंग के केस में, वो तब रखना है आइसोलेटेड फुटिंग के केस में, जब आप फुटिंग के नीचे क्या PCC प्रोवाइड करते हैं, है ना, प्लेन कंक्रीट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उस सिचुएशन लीन कंक्रीट जिसे कह सकते हैं, वो आप यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में 50 mm इफेक्टिव कवर यू शुड टेक। लेकिन यदि मैं बात करूँ नॉमिनल कवर, है ना, यदि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फुटिंग जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल राफ्ट, राफ्ट के लिए हम पीसीसी नहीं डालते हैं, तो राफ्ट फुटिंग के अंदर हमें क्या लेना होगा, जब भी योर फुटिंग इज, योर कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली लेड ऑन द ग्राउंड सरफेस, इन दैट केस यू शुड टेक हायर वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर एंड द वैल्यू आई कैन टेक इक्वल टू 75 mm। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने बात किया, तो अच्छा मैंने क्या किया, तीनों में से जो मैक्सिमम डेप्थ थी वो ले ली। उस डेप्थ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन में, जो एएसटी के फॉर्मूलेज मैंने लगाया था, एक बड़ा सा फॉर्मूला लगाया था 0.5 एफसी के बाई एफवाई इनटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एमयू डिवाइड बाय एफसी के बीडी स्क्वायर इनटू बीडी, वो फॉर्मूला यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। स्लेब की मैंने जब बात किया था, मैंने बात किया था वन वे शेयर में कि आई प्रोवाइड द मेन रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर डायमेंशन, यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइड करना है, मेन रेनफोर्समेंट अलॉन्ग द लॉन्गर डायमेंशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग डायमेंशन व्हाट इज हैपनिंग, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज ऑकरिंग।
आपको शॉर्टर डायमेंशन लेंगे तो वहाँ पर बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं ऑकर होगा, जितना ज़्यादा लंबा स्पान होगा वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर होने वाला है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैंटिलीवर इफेक्ट मिल रहा है कॉलम से जो सपोर्टेड है फुटिंग उससे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो मेन रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन द लॉन्गर डायमेंशन, अलॉन्ग द लॉन्गर डायमेंशन, बट स्लैब के केस में अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट यहाँ पर हम देखते हैं फुटिंग के अंदर, जब भी मैं फुटिंग प्रोवाइड करता हूँ तो कॉलम के नीचे जब फुटिंग प्रोवाइड करते हैं देन आई वॉन्ट टू ट्रांसफर द लोड्स फ्रॉम द कॉलम। ओके, तो कैसे ट्रांसफर किया जाए, सपोज अर्थक्वेक इज ऑकरिंग देन व्हाट विल हैपन, दिस कॉलम दिस फुटिंग द कनेक्शन विल बी ब्रेक, राइट। तो इन दैट सिचुएशन आई शुड प्रोवाइड सम कनेक्टिविटी बिटवीन द कॉलम एंड द फुटिंग, सो व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स इन बिटवीन दिस टू, है ना। तो दिस बार्स आर जनरली कॉल्ड डॉवेल बार्स, है ना। तो डॉवेल बार्स आप जब प्रोवाइड करते हैं ऐसे सिचुएशन में कॉलम और फुटिंग दोनों के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये डॉवेल बार्स की प्रॉपर डिजाइन होती है। कोड कहता है कि यदि आप जो कॉलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं वो चार रेनफोर्समेंट आप क्या कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, उसके अलावा भी कोई अलग से डिजाइन होती है इनकी, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हमें क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ लोड्स की यदि मैं बात करूँ तो प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द कॉलम, कॉलम के लोड के कारण और जो एरिया है उसके कारण जो प्रेशर आ रहा है कंक्रीट पर, फुटिंग के कंक्रीट पर, तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा। एक तो जो वहाँ पे जो कंक्रीट अवेलेबल है, बियरिंग प्रेशर अप्लाइड बाय कंक्रीट, ये प्रेशर आया कॉलम से, यहाँ से रजिस्ट किया फुटिंग ने, तो ये रजिस्ट कौन कर रहा है, कंक्रीट कर रहा है, बियरिंग प्रेशर। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, बियरिंग प्रेशर अप्लाइड बाय डॉवेल बार्स, यहाँ जो डॉवेल बार्स हैं वो भी क्या लगाएंगे, बियरिंग प्रेशर। तो ये जो टोटल बियरिंग जो टोटल अप्लाइड प्रेशर आ रहा था वो दो बियरिंग प्रेशर्स में डिवाइड हो चुका है, मतलब दो बियरिंग चीज़ें ले रही है, एक फोर ले रहा है आपका कॉन्क्रीट, दूसरा ले रहा है डॉवेल बार्स। डॉवेल बार्स की मैं डिज़ाइन बता चुका हूँ, ये कोई भी एक रेनफोर्समेंट है उसकी 0.75 FY आप ले लीजिए इनटू एरिया ऑफ एस्टे देख लीजिए, है ना। बियरिंग प्रेशर ये कितना लेगा उसके लिए यदि आपको देखना है, तो कंक्रीट की जो बियरिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी 0.45 FC के। तो आप देख लीजिए कितना एरिया अवेलेबल है बियरिंग के लिए इनटू 0.45 FC के कर दीजिए, तो कितना फोर्स कंक्रीट ने ले लिया वो बात खत्म हो गई, वो फोर्स टोटल फोर्स में से माइनस कर दीजिए, तो कितना फोर्स के लिए मुझे डॉवेल बार्स प्रोवाइड करना है वो मैं निकाल सकता हूँ। डॉवेल बार्स की स्ट्रेंथ आप कंसीडर कर सकते हैं 0.75 FI, क्योंकि कंप्रेशन में 0.75 FI ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता था कुल मिला के कि जो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है 0.45 FC की होती है, काफ़ी बार इस पर से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते थे, है ना, 0.45 FC के। तो ये था आपका लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी कंप्रेशन कंडीशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात किया कॉलम्स का, नंबर ऑफ एजम्पशंस हमने देखे उसके अंदर, उसके बाद हमने उसके रिकमेंडेशन देखे IS कोड के किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर लिया पे कि एक्सेल कंप्रेशन कॉलम की डिज़ाइन की, मिनिमम सेंट्रिसिटी की, और फिर हमने बात करी यूनि एक्सेल डिज़ाइंस की, बाई एक्सेल डिज़ाइंस की, कॉलम इंटरेक्शन कर्व्स की, और फिर हमने बात कर ली यहाँ पे सिलेंडरनेस कॉलम्स की, और बात कर ली हमने डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के अंदर बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, वन वे शेयर क्राइटेरिया एंड टू वे शेयर, जिसको हम कहते हैं पंचिंग शेयर क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात किया RCC के बारे में, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के बारे में। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या होता है, जिस तरीके से RCC होता है, मैं यहाँ पर कहूँगा प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट उससे डिफरेंट एनालिसिस होती है। यहाँ पर जो हमने बात किया RCC में लिमिट स्टैंड मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, अंडर द शेयर कंडीशन, अंडर रिटॉर्शन कंडीशन, अंडर द कंप्रेशन कंडीशन, डिफरेंट टाइप के मेंबर्स डिजाइन किए, IS कोड के रिकमेंडेशंस थे, वो सबको फॉलो करते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। वो कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा प्री स्ट्रेस के अंदर, यहाँ पर पूरी डिफरेंट एनालिसिस होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो मुझे पता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब पहले से मुझे क्या करना है, इंटरनल स्ट्रेसेस देना है। क्या होता है, यदि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या, जैसे लार्ज गर्डर है, जैसे मैं ब्रिजेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इन द केस ऑफ लार्ज गर्डर्स व्हाट विल हैपन, सिंपली सपोर्टेड यदि गर्डर है तो टॉप में क्या आता है कंप्रेशन, बॉटम में क्या आता है टेंशन, और टेंशन मेरे कंक्रीट के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है, क्योंकि कॉन्क्रीट इज वीक इन टेकिंग टेंशन, वाई, बिकॉज इट इज ब्रिटल इन नेचर। तो यदि टेंशन आ रहा है तो मुझे उसको कम करना है, तो क्या करते हैं हम वहाँ पे टेंशन कम करने के लिए, देखिए टेंशन कम करने के लिए हम उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस दे देते हैं पहले ही, है ना। तो किस तरीके से देंगे, बिफोर अप्लाइंग द लोड्स मतलब यदि उस गर्डर को मैं फ्री यहाँ पर ब्रिज के ऊपर रख रहा हूँ तो उस पर लोड्स लगाए बिना, मतलब उस पर ट्रैफिक अलाउड किए बिना ही, उसके पहले ही मैं उस पर क्या करने वाला हूँ, इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा करने वाला हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा सिस्टम उसमें बनाने वाला हूँ कि जिसके टॉप में अब क्या आ जाए कंप्रेशन आ जाए और बॉटम में क्या आ जाए टेंशन आ जाए। समझ रहे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें नॉर्मली क्या आता है, लोड लगाने पर टॉप पर कंप्रेशन आता है, बॉटम में टेंशन आता है। मैं कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जिसके कारण इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो जाए, और इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे रहे कि बॉटम में इस बार कंप्रेशन आ जाए और टॉप में टेंशन आ जाए,
जो कि जो हमारे पहले स्ट्रेसेस लग रहे थे बॉटम में टेंशन एंड टॉप में कंप्रेशन के, वो इसको क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। तो इस तरीके से सिस्टम आपको क्रिएट करना है तो वो सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। इससे डिफ्लेक्शन भी कम होते हैं, लार्ज गर्ड स्पैन्स में हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ, मैं चलता हूँ डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यदि आप एनालिसिस करते हैं तो इसके दो मेथड्स अवेलेबल है। एक ही मेथड से यदि काम हो रहा हो तो हमें उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन सेलेक्टिंग द मेथड्स, ओके, क्योंकि गेट में तो सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो टाइम का इशू होता है। तो पहले कि आप यदि ये मेथड से करते हैं तो इससे भी आपका आ जाएगा। एक लोड बैलेंसिंग मेथड भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। यहाँ पर आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। बात करते हैं यदि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट सेक्शन में ले रहा हूँ जिसका बी विड्थ है, डी ग्रॉस डेप्थ है। यहाँ पर मैंने एट एन एसेंट्रिसिटी स्मॉल ई फ्रॉम द सीजी ऑफ द सेक्शन मैंने क्या रखा है, टेंडन बार्स प्रोवाइड किए। इसको क्या बोल देंगे, टेंडन बार्स। तो यहाँ पर हम क्या कर देखते हैं, स्ट्रेसेस देखते हैं। इस टेंडन बार को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्ट्रेच करते हैं तो कुछ सिस्टम होता है, प्रीस्ट्रेस प्री टेंशन होता है, एक प्रीस्ट्रेस पोस्ट टेंशन होता है। दोनों में अलग अलग सिस्टम होते हैं लोड को ट्रांसफर करने पर कंक्रीट में। तो क्या होता है कि कंक्रीट कंप्रेस्ड होने लगता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एट द टेंडन लेवल कंक्रीट में कंप्रेशन लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिया है मैंने, पी बाई ए कंप्रेसिव फोर्सेस मैंने ले रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है। जब ये कंप्रेसिव फोर्स इस लेवल पे लग रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इस जगह पर सेंटर पे क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देखो पी लग रहा था इस जगह पर तो इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब एक यहाँ फोर्स जो है ऐसा लग रहा है इसके डायरेक्शन में अलॉन्ग द लेंथ, जो एक्सियल लोड हो जाएगा इस बीम सेक्शन के लिए। तो एक्सियल लोड एक पी लग चुका है, प्लस यहाँ पर जैसे पी ए लग रहा था, पी इंटू ई से क्या लग जाएगा इसके अंदर, तो एक तो मेरा इसके अंदर लग रहा है पी, अच्छा ये वर्टिकल नहीं लग रहा है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन लग रही है ना, द डायरेक्शन विच इज नॉट विजिबल टू यू अलॉन्ग द लेंथ, दैट इन दैट डायरेक्शन इट इज ऑकरिंग। और दूसरा पी इंटू ई से क्या लग रहा है इसके ऊपर, मोमेंट लग रहा है, पी इंटू ई एसेंट्रिसिटी अवेलेबल है। तो सेंटर पे मैंने मोमेंट्स एंड लोड ट्रांसफर कर दिए। यदि सेंटर पे मैं लोड एंड मोमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मुझे टॉप एंड बॉटम में स्ट्रेस निकालना है कि वो परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर है कि नहीं है। तो अच्छा लोड यदि लग रहा है तो एक्सियल स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पे पी बाई ए पॉजिटिव कंप्रेसिव फोर्स के कारण पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव में मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस शो करेगा, नेगेटिव मतलब टेंसाइल स्ट्रेस शो करेगा। ये मेरे एजम्पशंस हैं, यहाँ पर मेरे साइन कन्वेंशंस में बोल सकता हूँ। यहाँ पे टॉप में देखिए, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके ऊपर सेल्फ वेट, उसका सेल्फ वेट है, उस पर यूडीएल लग रहा है, उस पर लाइव लोड लग रहा है, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, जो कि टॉप पे कैसा आने वाला है, मतलब बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण यहाँ पे हमें क्या आने वाले हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस आने वाले हैं। टॉप में क्या आता है, कंप्रेशन, तो मेरे पास ऐसे स्ट्रेस आ गए कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैं बेंडिंग इक्वेशन जानता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ से एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई से मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल देता हूँ एम बाई आई इंटू वाई, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रही है। वाई टी क्या बता रहा है, टॉप, ये डिस्टेंस बता रहा है किस फाइबर पे आपको ये स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर होते हैं वो टॉप फाइबर पर ऑकर होते हैं, मींस अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जो भी फाइबर अवेलेबल है फारेस्ट डिस्टेंस पे, एट दैट फाइबर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी ऑकरिंग। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक की, वो हो जाएगी वाई टी, और यहाँ से बॉटम स्ट्रेस तक की हो जाएगी वाई बी। यदि आपके पास सिमेट्रिक सेक्शन है, यदि मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसी टाइप के सेक्शन में स्क्वायर सेक्शन है, तो ऐसे टाइप के सेक्शन में, या मैं बोल रहा हूँ आय सेक्शन है जिनका फ्लेंज का डायमेंशन सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो आपका हाफ डेप्थ पे अवेलेबल होगा, जैसे यहाँ पे डी बाई टू पे अवेलेबल है ऐसे ही। तो लेकिन यदि आपके पास टी सेक्शन अवेलेबल है या सी सेक्शन अवेलेबल है या फिर मैं और भी टाइप के ट्राइंगुलर सेक्शन कहूँ, तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएंगे हमारे पास, या सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर में भी हाफ पे अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या होने वाले हैं, यहाँ पर आपके वाई टी और वाई बी अलग अलग होने वाले हैं। अदरवाइज यहाँ पर वाई टी और वाई बी अभी फिलहाल में रेक्टेंगुलर है, तो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, डी बाई टू के बराबर है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं YT और YB। इस तरीके से बॉटम में क्या आने वाला है, अप्लाइड लोड्स के कारण बेंडिंग मोमेंट, अच्छा ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा जहाँ भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस मुझे कैलकुलेट करना है सिंपली सपोर्टेड है तो मिड स्पैन पर होने वाला है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M by I डिवाइड बाई वाई बी, मतलब ये वाई बी, हाँ मैं लिख सकता हूँ एम वाई बी इंटू डिवाइड बाई आई, तो वाई बी भी आप लिख सकते हैं। बॉटम में टेंशन आता है बीम में, तो मैंने टेंशन नेगेटिव लिख दिया। अब क्या होता है कि मैं अपने इसमें प्री स्ट्रेसेस दे रहा हूँ, जिसके कारण क्या आ रहा है कि टॉप में टेंशन आ रहा है, बॉटम में कंप्रेशन आ रहा है, तो ये स्ट्रेसेस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आई डो नॉट वॉन्ट टेंशन एनी वेयर इन माई सेक्शन, ठीक है। तो इसी कारण से हम प्री स्ट्रेसेस देखते हैं।
तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, जैसे कि मैंने बताया मोमेंट आपका कितना आ रहा है पी ई का, तो वही इक्वेशन मोमेंट की जगह आपको पी ई लिखना है, बाकी इक्वेशन फॉर्मेट इज सेम। बस अब आप क्या करिए, यदि मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे टॉप पे टोटल स्ट्रेस निकाल के बताइए, दिस स्ट्रेस प्लस दिस स्ट्रेस प्लस दिस स्ट्रेस, यदि मैं बोल रहा हूँ बॉटम में निकाल के बताइए दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन दिस फैशन आई हैव रिटन टॉप में क्या आ रहा था, इस स्ट्रेस के कारण, प्री स्ट्रेस के कारण टेंशन आ रहा था, तो ये टेंशन लिखा, बाकी ये दोनों कंप्रेसिव था। बॉटम में अप्लाइड लोड्स के कारण टेंशन आता है, इसलिए ये नेगेटिव लिखा, बाकी दो के कारण कंप्रेसिव नेचर है वो लिखा मैंने पॉजिटिव। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर कब अप्लाइड लोड्स के कारण टेंशन कंप्रेशन आता है, कब प्री स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन एंड टेंशन आता है, तो वो चीज़ें के हिसाब से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने ये बताया है फॉर्मूला, और ये फिगर भी मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाया है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का सेक्शन है, ठीक है। यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, कैंटिलीवर इफेक्ट होता है, जिसके कारण टॉप पे मेरे पास क्या आने वाला है, टॉप पे मेरे पास आने वाला है टेंशन, एंड बॉटम में क्या आने वाला है कंप्रेशन, क्योंकि वहाँ हॉगिंग मोमेंट ऑकर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। देखिए टॉप में क्या आ रहा है, टेंशन, इसलिए मैंने टॉप में यहाँ पे क्या लिखे रखा है, एम बाई आई इंटू वाई टी, कैंटिलीवर बीम के केस में। अब इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, मतलब मुझे टॉप में क्या लाना पड़ेंगे, प्री स्ट्रेस के कारण कंप्रेशन, तो ये पॉजिटिव साइन लिखा। अब देखते हैं बॉटम में, ये तो एक्सियल स्ट्रेस है, ये तो पॉजिटिव रहना है, कंप्रेसिव लग रहा है फोर्स तो, है ना। अब बॉटम में क्या आता है, कैंटिलीवर बीम में कंप्रेशन आता है, तो उसको पॉजिटिव लिखा। अब मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो चीज़ मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव टेंशन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस पी ई बाई आई इंटू वाई बी। तो ये सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम में दो अलग अलग तरीके से होते हैं। अच्छा एक बात जरूरी याद रखना है कि आपको कब पता लगेगा कि, यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये सिंपली सपोर्टेड है या फिर कैंटिलीवर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, पता हम लगाएंगे फिगर से, कि मैंने यदि यहाँ पर टेंडन बार्स जो है मेरा, जो स्टील रेनफोर्समेंट मैंने बॉटम में डाल रखा है, मतलब बीम क्या है आपकी, सिंपली सपोर्टेड है। यदि मैं टॉप पे डाल रहा हूँ, उसका मतलब क्या हो जाएगा, कि वो कैंटिलीवर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं प्री स्ट्रेस की। यदि मैंने बात करी, अब मेरे पास प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के हिसाब से दो मेथड्स अवेलेबल है प्री स्ट्रेसिंग की। पहली होती है यहाँ पर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस मेथड, दूसरी मेरे पास होती है यहाँ पर पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस मेथड। तो यदि मैं बात करता हूँ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस मेथड की, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेचिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बिफोर द कंक्रीटिंग। प्री टेंशन मतलब आप क्या करिए, कंक्रीटिंग के पहले ही, जैसे कि कोई भी मेंबर मुझे बनाना है तो मुझे कंक्रीटिंग करना होगी, उसमें कंक्रीट डालना होगा, तो कंक्रीटिंग के पहले ही आप क्या कर रहे हैं, इसको स्टील रेनफोर्समेंट को प्री स्ट्रेस दे रहे हैं, है ना, उसको स्ट्रेच करें, तो मेथड को हम बोलते हैं प्री टेंशन। मतलब पहले स्टेज क्या होगी, टेंशनिंग किया और उसको टाई करके रख दिया। दूसरी स्टेज क्या होगी, उसमें मैंने कंक्रीट डाला फॉर्मवर्क में, और 28 डेज तक मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। कंक्रीट ड्राई हो चुका है, आफ्टर 28 डेज ये जो टेंडन बार्स मैंने स्ट्रेच करके टाई कर रखे थे उसको कट किया मैंने, तो सडनली वो क्या होंगे, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट पे लगेगा, ये आपका प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट रेडी है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, जहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट टेंशन है, मतलब पहले आपको कंक्रीटिंग करना है, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, टेंशनिंग करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करते हैं, तो पहले आप क्या कर दीजिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर देते हैं इसके अंदर कंक्रीटिंग की। कंक्रीटिंग कर देंगे तो फिर टेंडन को कैसे स्ट्रेच करेंगे, उसमें तो क्रैक्स आ जाएंगे कंक्रीटिंग के बाद, यदि आप टेंडन स्ट्रेच करते हैं तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले ही बीम में वो होलो पाइप्स प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, डिसडक्ट कहते हैं, होलो डक्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू टेंडन बार्स उसके अंदर अनस्ट्रेच्ड रखे हुए रहते हैं। आप कंक्रीटिंग पूरी कंप्लीट कर दीजिए और हम क्या करते हैं, वहाँ पर टेंडन बार्स डक्ट के अंदर प्रोवाइड करके रख देते हैं। बाद में उस डक्ट में से जो टेंडन बार्स, उसको हम स्ट्रेच करते हैं आफ्टर 21 डेज और 28 डेज, दैट डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, टेंडन बार्स को स्ट्रेच करते हैं। अब जैसे आपने टेंडन बार्स स्ट्रेच करे, मेरी थर्ड स्टेप आ जाती है कि मुझे वो जो लोड, ये तो टेंसाइल स्ट्रेस है, वो किस में लग रहा है, टेंडन बार्स में, वो स्ट्रेस हो चुके हैं, लेकिन कंक्रीट में मुझे कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफर करना है, वो कैसे करूँगा। पहले केस में तो क्या होता था प्री टेंशन में, कि मैं स्ट्रेच करके टाई कर देता था, फिर कंक्रीटिंग करता था, 28 डेज में रेनफोर्समेंट कट करता था, तो वो ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही मैं कंक्रीटिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं टेंशनिंग कर रहा हूँ, तो फिर इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ लोड्स को कंक्रीट के ऊपर, कैसे लोड ट्रांसफर करूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं एंकरेज प्लेट्स प्रोवाइड करता हूँ एट द एंड ऑफ द बीम गर्डर्स। और तो जैसे ही मैं ड्यूरिंग द व्हाट हैपन ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ओनली,
द कंप्रेसिव फोर्सेस आर ट्रांसफरिंग ऑन द कंक्रीट, राइट। तो जैसे भी किसी चीज़ को आप स्ट्रेच करते हैं, जैसे कोई एक मेंबर्स आप एज्यूम करिए कि मेरे पास एक मेंबर है जिसके अंदर टेंडन बास रखा है, जैसे मैं एज्यूम स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो ऐसा तो हम स्ट्रेच नहीं कर सकते ना, मुझे एक सपोर्ट कंक्रीट बीम पे देना होगा और दूसरे हाथ से मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ, तो जिस टाइम पे जिस वैल्यू से मैं इसको खींच रहा हूँ उतने टाइम से मैं इसको कंप्रेस भी कर रहा हूँ, राइट। तो एंकरेज प्लेट का यही काम होता है कि एंकरेज प्लेट कंक्रीट में जैसे आप ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ओनली ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट ये उसमें कंक्रीट में क्या दे देता है कंप्रेसिव फोर्सेस देने लगता है, तो कंक्रीट में क्या होता है कंप्रेसिव फोर्सेस आ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो ये हो जाता है आपका कंक्रीट रेडी हो जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये था आपका पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, दोनों में अलग अलग टाइप के लॉसेस मुझे देखने को मिलते हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1000 kN का प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रखा है, तो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्री स्ट्रेस मेथड क्या मुझे कंप्लीट 1000 kN का मिलेगा, या आफ्टर 5 years क्या मुझे वही वैल्यू मिलेगा? नहीं। यदि मैं इमीडिएट की भी बात करूँ कि मैं जस्ट आज मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है प्री स्ट्रेसिंग का, क्या कल मुझे सेम वैल्यू मिलेगी? तो मैं बोलूँगा नहीं, कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। क्या 10 साल बाद सेम वैल्यू मिलेगी? नहीं, अलग मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर इमीडिएट लॉसेस ऑकर होते हैं, यहाँ पर कौन से लॉस ऑकर होते हैं? टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो मेरे पास दो टाइप के लॉसेस है प्री स्ट्रेस में, एक होता है इमीडिएट लॉसेस, दूसरा है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो इमीडिएट लॉसेस में मेरे पास 3 टाइप के लॉस है मेनली, यहाँ पर लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। ये जो लॉस दो है, फ्रिक्शन लॉस एंड एंकरेज स्लिप, ये किसमें ऑकर होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशन में ऑकर होते हैं, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में। क्योंकि आप एंकरेज प्लेट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस मेंबर में। फ्रिक्शन जब आप स्टील रेनफोर्समेंट पुल कर रहे हैं, तो डक्ट और स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में क्या हो सकता है? फ्रिक्शन आ सकता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? लॉसेस हो सकते हैं प्री स्ट्रेस के। तो ये दो टाइप के जो लॉसेस है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ही ऑकर हो सकते हैं। बाकी के जो लॉसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों में ऑकर हो सकते हैं, प्रीटेंशन में भी ऑकर हो सकते हैं, पोस्ट टेंशन में भी ऑकर हो सकते हैं। बात करता हूँ मैं यहाँ सबसे पहले, अच्छा फिर होते हैं मेरे पास टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, जो कि लॉस ड्यू टू क्रीप हो सकता है इन कंक्रीट, लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इन कंक्रीट हो सकता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हो सकता है ना। ये जो लॉस है, ये वाला लॉस जो है, अच्छा ये और ये, इनमें से कभी कभी एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कि कौन सा टाइम डिपेंडेंट लॉस है, कौन सा आपका इमीडिएट लॉस है, ऐसे क्वेश्चंस कभी एक या दो मार्क्स में फ्रेम, एक मार्क्स के फ्रेम हो जाते हैं, है ना। अच्छा मैं जो यहाँ पे कि ये बताना चाह रहा था कि जो रिलैक्सेशन है, ये जो लॉस ऑकर होता है, ये लॉस ऑकर होता है जब भी स्टील में जो स्ट्रेसेस है वो 50% ऑफ इट्स परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सीड कर चुके हों, ठीक है। कब ऑकर होगा? जब 50% ऑफ इट्स परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सीड कर चुके हैं वो स्टील में स्ट्रेसेस, तब हमें प्री स्ट्रेस लॉस कंसिडर करना है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी के सभी लॉसेस की वन बाय वन। जो लॉस ड्यू टू क्रीप होता है ना, क्रीप के कारण हो रहा है कंक्रीट में, मैंने आपको क्रीप कोफिशियंट बताया है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमने बात किया था, तो मैंने आपको क्रीप कोफिशियंट बताया था, विच इज द रेशियो ऑफ क्रीप स्ट्रेंथ टू द इलास्टिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर मुझे क्या पता लगा है, डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज इक्वल टू M5FC। एम होता है मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट इन दिस चैप्टर, है ना। टू डिफरेंट, मतलब यदि मैं बेसिक डेफिनेशन दूं मॉडुलर रेशियो की, तो टू डिफरेंट मटेरियल्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होता है मॉडुलर रेशियो। यहाँ पर मेरे पास स्टील और कंक्रीट है, तो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ कि इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट इज द मॉडुलर रेशियो। तो ऑन एन एवरेज इसका वैल्यू जो है वो 10 के आसपास आता है, ठीक है, वैल्यू विल बी गिवन, नो प्रॉब्लम। फाई क्या है? क्रिप कोफिशियंट है, ये वैल्यू भी आपको दिया जाएगा। FC आपको सिर्फ निकालना है यदि आपको क्वेश्चन आता है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रिप निकालने के लिए, तो आपको FC कैसे निकालना पड़ेगा? FC होता है, अच्छा ये लॉस ऑकर कहाँ हो रहा है? लॉस ऑकर हो रहा है एट द लेवल ऑफ टेंडन्स। तो FC जो है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द टेंडन लेवल निकालना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला, जैसे मैं सिंपली सपोर्टेड की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ सपोज, क्योंकि कैंटिलीवर नहीं प्रोवाइड करते हैं जनरली, हम सिंपली सपोर्टेड के केस में यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, गर्डर तो सिंपली सपोर्टेड होती है। यदि ब्रिजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ टेंडन लेवल्स पर स्ट्रेस निकालने की। इस जगह पर मुझे क्या करना है? स्ट्रेस निकालना है। ये इस जगह पर, यहाँ कहीं पर मैं स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो इस जगह पर यदि मैं स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो इस जगह का स्ट्रेस प्लस इस जगह का स्ट्रेस प्लस इस जगह का स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ टेंडन्स, क्योंकि लॉस कहाँ ऑकर हो रहा है? इस लेवल पर। तो देखिए यहाँ पर कितना वैल्यू है, सेम P/A, यहाँ क्या है इसकी तुलना में कम है,
तो आप वाई की जगह क्या रख देंगे इस जगह के लिए, ये डिस्टेंस वाई यहाँ तक आप रखते थे तो आपको यहाँ तक रखनी है, और ये डिस्टेंस क्या है आपकी ई के बराबर। इन द सेम फैशन यहाँ पर भी आप क्या रख देंगे, ई रख देंगे। मतलब आपका जो ये वाला फॉर्मूला है बॉटम वाला, उसमें सिर्फ आपको वाई बी की जगह क्या रखना है, ई रखना है। देन यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इन द टेंशन जोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई ए बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन रहता है माइनस एम ई बाई आई, वाई की जगह मैंने ई लिख दिया है, और पी ई तो ऑलरेडी था, फिर एक वाई था ई हो गया वो भी, तो पी ई स्क्वायर बाई आई, ये फॉर्मूला हो चुका है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द टेंडन लेवल। तो आप ये कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस होता है, देखिए ये जो लॉस है हम समझते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या होता है, मटेरियल की इलास्टिसिटी के कारण ये लॉस हो रहा है। ये लॉस जो होता है ये मेनली जो ऑकर होता है ये होता है आपका प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, उसमें ज़्यादा ऑकर होता है। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, मैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैसे बना रहा हूँ, मैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील रेनफोर्समेंट स्ट्रेच करता हूँ, उसको टाई कर देता हूँ, फिर उसके अंदर कंक्रीट डालता हूँ। आफ्टर 28 डेज जब ये स्टील को मैं कट करता हूँ तो स्टील अपनी इलास्टिसिटी के कारण क्या करता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो जो मैंने इसमें स्ट्रेसेस दे रखे थे टेंसाइल स्ट्रेसेस, मतलब वो उसमें वापस अपनी पोजीशन पे स्ट्रेचिंग क्या हो रही है इसकी, कम हो रही है। जो इलॉन्गेशन मैंने इसमें पॉसिबल था, जो इसको इलॉन्गेट कर रखा था मैंने, वो वापस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलॉन्गेशन हो रहा है। जब भी लॉस ऑफ इलॉन्गेशन होता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं स्ट्रेसेस के। तो यहाँ पर मेरे पास लॉस होता है स्ट्रेसेस का। तो स्ट्रेस का लॉस क्या होता है, स्ट्रेन इंटू मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इस सेशन में मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला निकाल रखा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे स्टील रेनफोर्समेंट स्ट्रेच किए, बांध दिए कॉन्क्रीटिंग की, फिर उसको कट किए, तो स्टील अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है स्टील रेनफोर्समेंट का और कॉन्क्रीट का, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑकर हो रहा है। जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस ऑकर होते हैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है कॉन्क्रीटिंग की भी, क्योंकि स्टील की कॉन्क्रीट स्टील की यदि वो हो रही है स्ट्रेचिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यदि स्टील का हो रहा है तो कॉन्क्रीट का भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो जिसके कारण आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस मिलने वाला है। आगे देखते हैं, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर पोस्ट टेंशन के केस में इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, तो पोस्ट टेंशन में ये डिपेंड्स करता है, कभी ये जीरो भी हो सकता है, कभी ये कम भी हो सकता है, कभी ये मैक्सिमम भी हो सकता है। तो यदि मैं बात करूँ पोस्ट टेंशन की, पोस्ट टेंशन हम कैसे करते हैं, पहले कॉन्क्रीटिंग कर दो, फिर स्टील रेनफोर्समेंट स्ट्रेच करो, एंकरेज प्लेट के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट टेंशन में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ओनली हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट पर हम क्या करते हैं, लोड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ओनली यदि लोड उस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैं केवल एक टेंडन बार से मेरे पास मेरे बीम के अंदर, तो एक टेंडन बार को हमने स्ट्रेच किया ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग ओनली, हमारा पूरा स्ट्रेस कॉन्क्रीट पर ट्रांसफर हो गए, आपने टाई कर दिया, कट कर दिया, बात खत्म हो गई। मतलब कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं लॉस हुआ। स्टील कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब देर इज नो लॉस ऑफ इलॉन्गेशन, देन देर इज नो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस वेन यू हैव ओनली वन टेंडन इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि मेरे पास एक पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस मेंबर है जिसके अंदर दो या जैसे दो तीन मेंबर्स, तीन टेंडन बार्स अवेलेबल है, मैंने क्या किया, तीनों टेंडन बार्स को एक साथ स्ट्रेच किया। जब भी मैं तीनों टेंडन बार्स को एक साथ, तीनों को साथ में पकड़ के स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, वही प्रोसेस कि तीनों के कारण जो कंप्रेसिव फोर्स है वो क्या होगा, फोर्सेस आर ट्रांसफरिंग ऑन द कंक्रीट इज कॉल्ड द लोड ट्रांसफर थ्रू द एंकरेज प्लेट। फिर प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, हमने रेनफोर्समेंट टाई कर दिए, कट कर दिए, बात खत्म हो गई, आपका मेंबर फिर रेडी हो गया। अभी तक कुछ लॉस हुआ क्या, कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ कि जब भी आपके पास पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, यदि उसके अंदर सिंगल आप रेनफोर्समेंट पुल कर रहे हो, देर विल बी नो लॉस। यदि नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार से सभी को एक साथ पुल कर रहे हो, मीन्स साइमल्टेनियसली हम इसको यदि पुल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगेन देर विल बी नो लॉस। लेकिन नेक्स्ट स्टेप, यदि मेरे पास तीन रेनफोर्समेंट या ज़्यादा रेनफोर्समेंट है, हर एक की स्ट्रेचिंग में वन बाय वन करता हूँ, पहले स्ट्रेच किया बांध करके रख दिया, फिर दूसरा स्ट्रेच किया। अब क्या होगा, जब मैं दूसरा स्ट्रेच कर रहा हूँ, दूसरा स्ट्रेच होने के टाइम पे ही कंक्रीट में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आने वाले हैं। तो जो पहले वाला था स्टील जिसको मैं ऑलरेडी स्ट्रेच कर रखा था, अब जब वापस कंक्रीट में कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे तो वो जो पहले वाला स्टील था उसमें भी क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। चलिए मैंने दूसरे वाले को बांध कर रख दिया, अब मैंने तीसरे वाले को स्ट्रेच किया, वन बाय वन स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, पुलिंग कर रहा हूँ, तो तीसरे वाले को जब मैंने स्ट्रेच किया, वापस कंक्रीट में क्या आने लगे हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस। क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्रीट पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लोड ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वापस
अब क्या होने वाला है, जो पहला वाला टेंडन था उसमें भी और वापस डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब कॉन्ट्रेक्शन आ गया। दूसरे वाले भी जो कि मैंने टाई करके रखा था उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन आ गया। तीसरे वाला तो मैंने अभी बस बांध के रखा ही है, उसमें कुछ नहीं आया। तो जब भी आप इस तरीके से वन बाय वन सिक्वेंशली, यदि मैं कहूँ सिक्वेंशली आप स्ट्रेचिंग करते हैं, तो पहले वाले रेनफोर्समेंट में सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं उस, और सबसे कम लॉस या जीरो लॉस होते हैं सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लॉस ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑकर होता है पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जीरो होता है पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लास्ट लॉस ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे ऑकर होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, लेकिन प्री टेंशन है आपके कंक्रीट तो डेफिनेटली वहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो लॉस होते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, लॉस स्ट्रेस का लॉस होता है। तो स्ट्रेस लॉस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर स्ट्रेन जो आईएस कोड ने दे रखा है, यदि आपके पास प्री टेंशन है तो उस कंडीशन में आप कितना ले सकते हैं, प्री टेंशन में आप ले सकते हैं 0.0003 इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, है ना। यहाँ पर आप कितना ले सकते हैं, 0.002 पोस्ट टेंशन में और डिवाइड बाय लॉग बेस 10 टी प्लस 2 इनटू ईएस, है ना। तो यहाँ पर जो ईएस है वो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू आप ले सकते हैं 2×10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगा पास्कल। यदि वैल्यू कोड में वहाँ पे क्वेश्चन में भी कभी कभी दे जाती है 2.1×10^5 मेगा पास्कल, तो जो भी वैल्यू दिया है वो आपको ले लेना है। ठीक है, यदि वैल्यू नहीं दे रखा है तो 2×10^5 मेगा पास्कल आप ले सकते हैं। टी जो है वो एज ऑफ कंक्रीट है एट द ट्रांसफर लेवल। तो जब भी आप पोस्ट टेंशन करते हैं, मतलब बाद में स्ट्रेचिंग करते हैं, पहले कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तब तक कंक्रीट की क्या एज है, 21 डेज है, 27 डेज है, 28 डेज है, जो भी हो आपको यहाँ पे टी की जगह रखना है। तो ये हो जाता है आपका लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। अब बात करते हैं लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। ये किस में लॉस ऑकर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑकर होने वाला है आपका पोस्ट टेंशन में, क्योंकि एंकरेज प्लेट में वही प्रोवाइड करता हूँ। तो जब भी मैं स्ट्रेच करता हूँ ना, तो या फिर जब भी मैं उसको कट करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा स्लिप ऑकर होता है एंकरेज प्लेट का, तो उसके कारण भी लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑकर होता है। यदि मैं स्लिप बोल रहा हूँ कि डेल्टा एल है, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल इज द टोटल स्पैन ऑफ द गर्डर एंड डेल्टा एल इज द स्लिप। तो ये सीधे मॉडल ऑफ, तो स्ट्रेन इनटू मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो यदि मैं बोल रहा हूँ वन एंड जैकिंग है तो उसके अंदर स्पैन आपको एल लिखना है, टू एंड जैकिंग है तो स्पैन का हाफ लिखना है, एल बाई टू, है ना। तो यदि मैं बोल रहा हूँ आप टू एंड जैकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे वन एंड जैकिंग की तुलना में। ठीक है, बात करते हैं, तो ये था एंकरेज स्लिप का लॉस। बात करता हूँ यहाँ पर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, वन एंड जैकिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप जो बीम गर्डर है उसको एक साइड से ही स्ट्रेच कर रहे हैं रेनफोर्स टेंडन बार्स को, है ना। और टू एंड जैकिंग मतलब क्या है, दोनों साइड से स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके बीच में ऑकर हो सकता है, डक्ट और स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में जो टेंडन बार्स आपने प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें ऑकर हो सकता है। और ये डक्ट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, केवल और केवल पोस्ट टेंशन के अंदर। तो उस कंडीशन में ये जो लॉस है, एक ये वाला लॉस और एक ये वाला लॉस, ये दोनों लॉस इसमें ऑकर होने वाले हैं पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। तो आइडियली क्या होता है कि यदि ये मैं मान रहा हूँ डक्ट है और ये मेरा क्या है, टेंडन बार है, ये है आपका डक्ट और ये है आपका सपोज टेंडन्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, आइडियली हम एज्यूम करते हैं कि भैया ये सेंटर पे अवेलेबल है, तो देर इज़ नो कनेक्शन इन बिटवीन टू। ये सपोर्ट की कंडीशन हो सकती है, ये हम सपोर्ट पे देख रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ दूरी के बाद जाने पर, गर्डर से सपोर्ट से कुछ दूरी पर जाने पर क्या हो जाता है, ये जो रेनफोर्समेंट है, ये टेंडन बार्स है, ये डक्ट को टच करता हुआ यहाँ पर आता है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्वेचर इफेक्ट है। तो ये जो यहाँ पे जो लॉस ऑकर होते हैं वो कर्वेचर पे डिपेंड करते हैं, इस गर्डर की लेंथ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, कहीं पर भी यदि मिड सेक्शन लूँ तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन मैंने बना रखा था, ये जो टेंडन बार्स है वो आपके डॉटेड लाइन जो डक्ट है उसको क्या कर रहा है, बॉटम में टच कर रहा है। अब आप सोचिए यदि इस टेंडन को मैं यहाँ स्ट्रेच करूँगा, तो इस पोजीशन पे इन दोनों के बीच में लॉस होंगे, तो देर विल बी लॉसेस। तो ये हो जाता आपका एक्चुअल, ये हो जाता आपका आइडियल। तो अब क्या हो रहा है, इसमें कर्वेचर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बात यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है, क्या मैंने यहाँ पर क्या देखा था कि वन एंड जैकिंग है तो कम लॉस होंगे, टू एंड जैकिंग है तो डबल ट्वाइस लॉस होंगे इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए, वन एंड जैकिंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यदि आप वन एंड जैकिंग, अब आप सोचिए ये कर्वेचर है, इसके अंदर मैं कर्वेचर को कम करना चाहता हूँ, है ना, ये जो बेंडिंग आ रही है, सेगिंग आ रही है टेंडन्स में, यदि मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं इसमें इसको वन एंड जैकिंग से करूँगा तब ये ज़्यादा कम हो पाएगा, या इसको दोनों से मैं खींचूँगा तब कम हो पाएगा। ऑफकोर्स टू एंड जैकिंग से करूँगा
तो इसमें लॉस कम होंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होने वाला है, फ्रिक्शन लॉस, वो टू एंड जेकिंग के कारण कम होता है, लेकिन वन एंड जेकिंग के कारण ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर टू एंड जेकिंग के कारण ज़्यादा लॉस होता है, वन एंड जेकिंग के कारण कम लॉस होता है। तो मेथड सिलेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर ऑप्टिमम मेथड सिलेक्ट करना है कि वन एंड जेकिंग कम करना है, टू एंड जेकिंग कम करना है। दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल कैलकुलेशन कि किसमें हमें कम लॉस मिलता है। अच्छा, अभी तक ये जितने भी पूरे लॉसेस होते हैं, अच्छा यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है लॉस पी एक्स इक्वल टू पी नॉट एट समथिंग समथिंग एक्स वाई जेड, ये जो है ये है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस एट अवेलेबल प्री स्ट्रेस आई कैन से एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सपोर्ट। तो कोई भी डिस्टेंस, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कितना लॉस ऑकर हुआ वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरी गर्डर में टोटल लॉस कितना हुआ आप यहाँ पूरी लेंथ रख सकते हैं। और पी नॉट क्या है, इट इज़ इनिशियल प्री स्ट्रेस। बाकी तो सब यहाँ पे आपके कोफिशियंट्स है, कोई वेव कोफिशियंट होगा या एक्स जो है किस डिस्टेंस पर निकालने वाला होगा, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशियंट्स है, तो वो सभी कोफिशियंट्स है। उस फॉर्मूले पर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस कम होते हैं। अभी तक तो कभी फ्रेम नहीं हुआ है गेट के हिसाब से, आई इसमें शायद हो सकते हैं फ्रेम हुए हो। बात कर रहा था मैं कि अब मुझे क्या करना है कि टोटल प्री स्ट्रेसिंग लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो आपने क्या किया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्री टेंशन की या पोस्ट टेंशन की, तो नंबर ऑफ लॉसेस मेरे पास है, मैंने क्या किया सब लॉसेस को ऐड किया, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, क्रीप, श्रिंकेज, रिलैक्सेशन, एक्स वाई जेड, जितने भी नंबर ऑफ लॉसेस है सबको मैंने ऐड किया। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग था वो मैं चाहता हूँ मेरे मेंबर में 1000 किलो न्यूटन का, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर 1000 किलो न्यूटन का लगे ही लगे, इतना मैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स चाहता हूँ, है ना। लेकिन मैंने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना लगा रखा था, मैंने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लगा रखा था वो मुझे कितना लगाना है, वो मुझे यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो मैं कितना लगाऊं, क्योंकि मेरे पास जो लॉस ओकर रहने वाले हैं परसेंटेज लॉस, यदि मैं बोल रहा हूँ कि जो टोटल परसेंटेज लॉस है वो 20% है, समझ रहे हैं, टोटल जो लॉस है वो मेरे पास क्या है 20% है। तो मैंने यदि इनिशियली, यदि मैं बोलूं कि इनिशियली मैंने यहाँ पर 1000 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रखा है, तो मुझे 20% लॉस मिलने वाले हैं। अब जब 20% लॉस मुझे मिलने वाले हैं, मतलब मेरे पास अवेलेबल क्या है, टोटल 1000 का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पे आपका 200 ये हो चुका है। अब 200 का तो मेरे पास लॉस हो गया, तो अवेलेबल स्ट्रेस कितना है मेरे पास, अवेलेबल स्ट्रेस है मेरे पास 800 किलो न्यूटन का, लेकिन मुझे तो अपने सिस्टम में कितना चाहिए 1000 का। तो शुरू से ही आप क्या करेंगे, पहले प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस कैलकुलेट कर लीजिए कितना लॉस हो रहा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरे पास 200 का लॉस हो रहा था कि 300 का लॉस हो रहा था, उसके हिसाब से अब आप क्या करिए, इसका 20% बढ़ाकर फिर आप क्या लगाइए, कोई भी आप जो वैल्यू कॉन्स्टेंट लगाने वाले हैं उसका 20% बढ़ा के वैल्यू लगाइए, ताकि जब वो लॉस ओकर होगा तो आपको नेट वैल्यू 1000 किलो न्यूटन की मिल जाए और आपका बीम सेक्शन क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने प्री टेंशन प्री स्ट्रेस की बात की, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस की बात किया, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि जो मेरे पास प्री टेंशन प्री स्ट्रेस मेथड होती है उसके अंदर जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। तकरीबन 20 से मैं बोलूँ यदि तो 20 से 25% तक लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑकर होते हैं, है ना। लेकिन यदि मैं बात करूँ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, तो वहाँ 10 to 15% लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ऑकर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, और इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण ही सबसे मेजर लॉस ऑकर होता है प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर, है ना। तो ये था लॉस ऑफ, अब यदि मैं बोल रहा हूँ कि प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, तकरीबन 20-25% का लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा, और वो होना चाहिए M40 का। कितना M40, क्वेश्चन फ्रेम हुआ है इसमें से काफ़ी बार, 2-3 बार पूछा गया है कि प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, मिनिमम ग्रेड M40 का यूज़ करना है। पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है लॉस कम है 10-15%, तो आप M30 का मिनिमम ग्रेड यूज़ कर सकते हैं, M40 M30, है ना। तो ये था आपका प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट टेंशन पोस्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, आई एक्सेप्ट कि उसमें नंबर ऑफ लॉसेस ज्यादा है, ये सभी लॉसेस पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ऑकर हो सकते हैं, मतलब प्री टेंशन की तुलना में 2 नंबर ऑफ लॉस ज्यादा है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। लेकिन यहां पर जो नेट अमाउंट ऑफ लॉस है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू प्री टेंशन। भले ही नंबर ऑफ लॉसेस ज्यादा है पोस्ट टेंशन में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस है इन परसेंटेज वो कम होता है एज कंपेयर टू
टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो ये आपका था पूरा प्री स्ट्रेस प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन कंक्रीट पर बेस्ड पूरा एनालिसिस, जिसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस है एंड ये एनालिसिस है कि टॉप में स्ट्रेस निकालो, बॉटम में स्ट्रेस निकालो, कुछ या फिर टॉप एंड बॉटम में कोई परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दे रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि एसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू निकालो या बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी का वैल्यू निकालो, तो वो सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अभी तक मैंने चाहे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन बात किया हो, अंडर द शेयर कंडीशन बात किया हो, अंडर द रिटॉर्शन कंडीशन बात किया हो, अंडर द कंप्रेशन कंडीशन बात किया हो, इन सभी चारों जगहों पर मैंने यूज़ किया है FCK। FCK मैं आपको हर जगह बताते आया हूँ, यह है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कॉन्क्रीट डिज़ाइन होती है, मिक्स डिज़ाइन होती है, वहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पोर्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ FCK के बारे में ही इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि IS 456 के रिकमेंडेशन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ RCC के अंदर, कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कॉन्क्रीट की, उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो हम डिनोट करते हैं हर जगह FCK, उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि सब आप एक क्यूब बनाइए 15x15x15 का, उसको कंप्रेशन टेस्टिंग, पहले तो आप क्यूरिंग करिए उसकी 28 डेज की, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखिए, उस पर लोड लगाइए, जिस लोड पे वो फेल हो जाए दैट लोड वैल्यू डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्यूब, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मीनिंग नहीं होता है FCK का। ये जो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको लैब के अंदर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिस पे वो कॉन्क्रीट फेल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दो चीज़ें हैं, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर IS 456 2000 क्या कहा है कि जो FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका मीनिंग ये है कि आप क्या करिए कि मेरे पास सपोज मैंने 100 सैंपल्स बनाए, सपोज मुझे क्या करना था कि मुझे M30 ग्रेड डिजाइन करना था। M30 इज द कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, M30 मतलब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहां पर होता है और M का मीनिंग मिक्स होता है। तो मुझे क्या करना था, कंक्रीट बनाना था जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहे, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहे। मैंने बनाया कंक्रीट और उसके टोटल 100 सैंपल्स बनाए, फॉर एग्जांपल 100 सैंपल्स बनाए और हर एक सैंपल का साइज आपको पता है 15x15x15 सेंटीमीटर क्यूब रखना चाहिए, 15x15x15 सेंटीमीटर 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 इस फैशन में आपको रखना है। अच्छा, तो मैंने ये क्यूब बनाए और हर एक क्यूब को टेस्ट किया, सबकी स्ट्रेंथ मेरे पास आ चुकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कॉन्क्रीट जो बनाया था वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए बनाया था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो 100 क्यूब में से यदि मोर देन 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देते हैं, 100 क्यूब्स थे, पूरे क्यूब्स मैंने किसके लिए डिजाइन करें, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, इस 100 क्यूब में से 95 से ज़्यादा क्यूब्स यदि 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ दे रहे हैं, केवल 5 क्यूब्स जो है वो लेस देन 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ यदि आपको दे रहे हैं, तो इस 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हम नाम दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि मैं बोल रहा हूँ 92 क्यूब्स लेस देन 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रहे हैं बट 8 क्यूब्स जो है वो लेस देन 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर यदि दे रहे हैं, तो मैं उस 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कहूँगा, उसको मैं FCK का नाम नहीं दूंगा, है ना। FCK आप कंक्रीट को तभी बुला सकते हैं जिस कंक्रीट में मोर देन 95% चांसेस हो सक्सेस के, और केवल 5% चांसेस हो मेरे पास आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, 5% चांसेस ऑफ फेल के, 5% चांसेस ऑफ फेलियर, 95% चांसेस ऑफ सक्सेस। सो यहाँ पर डेफिनेशन ये देते हैं कि मोर देन नॉट मोर, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, है ना, इसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैं क्या किया था, जो नंबर ऑफ सैंपल्स मैंने 100 बनाए थे या जितने भी आप नंबर ऑफ सैंपल्स बनाए, उसको मैंने एक प्लॉट बनाया, सभी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने बनाई, है ना, उसको मैंने लिया है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और सभी की मैंने क्या किया नंबर ऑफ सैंपल्स जो है यहाँ पर। अब क्या किया, मैंने कर्व प्लॉट किया, मैंने देखा कि सपोज यहाँ पर 5 क्यूब्स है, ये 5 क्यूब है, यहाँ पे 10 क्यूब्स है, यहाँ पे 15 क्यूब्स है, तो कितने क्यूब्स जो है ये वाली स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कितने क्यूब्स है जो इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कितने क्यूब्स है जो इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो इस फैशन में हमने क्या किया, यहाँ पर कर्व बनाए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाते गए, सपोज कुछ इतने है जो इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो आप पाएंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब है वो मिडल में यहाँ पर FM जो है वो यहाँ कहीं पर स्ट्रेंथ देंगे,
बहुत कम क्यूब्स यहाँ पर स्ट्रेंथ देंगे, बहुत कम क्यूब यहाँ पर स्ट्रेंथ देंगे, मेजर तौर पे सभी क्यूब्स इस जगह पर स्ट्रेंथ देने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मुझे निकालना जरूरी है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे इस रेंज में क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू टर्म निकाली FM, जिसे हम कहेंगे मीन स्ट्रेंथ और टारगेट मीन स्ट्रेंथ। आप देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था FCK का, क्या बताया था, नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। आप देखिए, ये कर्व का जो एरिया है वो अंडर द कर्व एरिया मेरे पास टोटल 100% है। कितना है, 100%। मैंने आपको डेफिनेशन क्या दिया कि FCK का, FCK ये रहा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके पहले का एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया सिर्फ है आपका 5%, नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो देखिए, FCK से छोटे वाली जो एरिया है, मतलब जितना चांसेस है, वो सिर्फ 5% है। 95% एरिया, 95% चांसेस क्या है मेरे पास कि मोर देन FCK मुझे क्या मिलेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। ऐसे FM की यदि मैं बात करूँ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनना चाहिए, आप देखिए, ये बीच में आ रहा है, एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब 50% रिजल्ट्स FM से कम होंगे, 50% रिजल्ट्स FM से ज़्यादा होंगे। तो FM मीन्स टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसकी डेफिनेशन क्या दे दूँ कि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको भी आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कहेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर विच नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 50% ज़्यादा रिजल्ट्स फॉल नहीं होना चाहिए FM से, एंड 50% की सक्सेस मिलना चाहिए, 50% की फेलियर मिलना चाहिए। तो ये होता है FM। तो FM आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमने देखा स्टैंडर्ड जो सैंपल्स थे उनके बीच का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो मैंने ये पाया कि FCK और FM के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो FM मुझे मिल चुका है। अच्छा, ये सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ना, 1.65 कहाँ से आया, सिग्मा कहाँ से आया, तो नंबर ऑफ सैंपल्स लिए, कैलकुलेट किया, टेस्ट किया, मुझे ये वैल्यूज मिल गई, है ना। तो 1.65 सिग्मा के बराबर होता है, तो FM हो जाएगा आपका FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ये जो 1.65 सिग्मा है, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं कुछ लोग, और सिग्मा जो है आपका वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल्स। तो कोड ने क्या दिया है, सिग्मा, या तो टेस्ट आप यदि कर रहे हो आपके लैब में, तो आप सिग्मा की खुद ही वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर एग्जाम में आपको दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोड ने कहा है, कोड ने क्या दे रखा है कि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अलग अलग वैल्यूज दे रखी है सिग्मा की, तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यूज दे रखा है अलग अलग ग्रेड का, वो दे रखा है M10, M15 के लिए 3.5 न्यूटन पर mm² आप ले सकते हैं, M20, M25 के लिए आप 4 ले सकते हैं, M30 से M55 तक आप 5 ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वैल्यूज आप तभी ले सकते हैं जब आपकी साइट पे प्रॉपर स्टोरेज हो सीमेंट्स का, है ना। तो ऐसी कंडीशन में वाटर की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, प्रॉपर मिक्सिंग हो, इन कंडीशंस में आप क्या ले सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू ये सब ले सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉपर स्टोरेज नहीं है सीमेंट का, वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो या प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज यहाँ पर दिया है उसको 1 न्यूटन पर mm² से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अच्छा, तो मुझे यदि मैं बोलता हूँ टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि जब भी आप कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं, योर टारगेट शुड बी FM, आपको इसके लिए डिजाइन करना है, एंड वी विल ट्राई टू अचीव FCK। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए ही हमेशा क्या होती है, डिजाइन होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने देखा कि नंबर ऑफ क्यूब्स वहीं पर जाकर टारगेट होते हैं, वहीं पर नंबर ऑफ ज़्यादा सैंपल्स स्ट्रेंथ देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात किया हूँ अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। चलिए, मैंने मिक्स डिज़ाइन पूरी कर दिया है कंक्रीट में, उसके प्रपोर्शंस निकाल दिए हैं, कोर्स एग्रीगेट कितना डालना है, सैंड्स कितना डालना है, उसमें सीमेंट कितना डालना है, कितना वाटर कंटेंट डालना है, वो सभी मैंने बात कर लिया यहाँ तक, और एक डिज़ाइन आपको दे दिया है बना के। कब कंडीशन में, किस कंडीशन में ये डिज़ाइन एक्सेप्टेड होगा, क्या बस ये डिज़ाइन बना के दे दिया और ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, इसको एक्सेप्टेंस के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं कोड ने, कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। यदि आपका कंक्रीट जो आपने प्रिपेयर किया है वो इन क्राइटेरियाज को पास करता है, तो ही हम क्या करेंगे, वो कंक्रीट का जो प्रपोर्शन है, वो कंक्रीट की जो डिज़ाइन है, उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अदरवाइज यदि वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है, रिकमेंडेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, द कंक्रीट विच वी हैव डिजाइंड विल बी रिजेक्टेड इमीडिएटली। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इन जगहों पर से काफ़ी, कभी कभी क्या, मैं मुझे कहना चाहिए कि काफ़ी टाइम्स आते हैं, है ना, कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालिए, यदि FCK इतना है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर
किस तरीके से कितनी परसेंट के लिए कितना फेलियर है, मतलब वो पूरा डेफिनेशन पर बेस्ड जो भी अभी तक मैंने बताया वो पूछा जाता है कभी कभी। और यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के आप यदि टेस्ट सीरीज देखते हैं तो वहाँ पर भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, गेट एग्जाम में भी फ्रेम होते हैं, ESC के यदि एग्जाम देते हैं तो उसमें भी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर कोर्ट से लिए है IS 456/2000 से। और जिसमें से पहला जो मेरे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो ये है कि जो भी मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स बनाए हैं तो मिनिमम आपको क्या लेना है, 4 नॉन ओवरलैपिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेना है। जैसे नंबर ऑफ सैंपल्स है, कोई एक वैल्यू दे रहा है, कोई दूसरा वैल्यू दे रहा है, कोई तीसरा वैल्यू दे रहा है, तो ऐसी वैल्यूज लेना है जो दो वैल्यू मैच ना कर रही हो, है ना। एक सैंपल यदि मैं बोलूँ तो 32.5 दे रहा है, दूसरा सैंपल भी 32.5 दे रहा है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, फिर इन दोनों में से आपको केवल एक लेना है। तो 4 नॉन ओवरलैपिंग आपको लेना है ना, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हो। तो 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स लीजिए, उनका मीन निकालिए, है ना, उनका मीन एवरेज नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। जैसे 4 सैंपल लिए तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई 4 ना, तो मीन वैल्यू आपको निकालना है। तो मीन वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका एफ एवरेज, सभी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एवरेज आपने निकाला ये 4 सैंपल्स की, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, जैसे कि वो ग्रिड मैंने FCK के लिए डिज़ाइन किया था, वो कॉन्क्रीट FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा, सिग्मा के वैल्यू मैं यहाँ से बता चुका हूँ आपको वो रखना है, और FCK प्लस 3, ये तब यूज़ करना है ये कंडीशन जब आप कि जो ग्रेड है वो लेस देन 20 न्यूटन पर mm² हो, लेस देन 20 न्यूटन पर mm² मतलब कुल मिला के M15, क्योंकि M10 और M5 तो क्या है, लीन कंक्रीट, उसके लिए डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर M15 जब मेरे पास रहता है कुल मिलाकर, उस कंडीशन में मुझे क्या है ये क्राइटेरिया यूज़ करना है। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास FCK जो है वो ग्रेटर देन 20 है या इक्वल टू 20 है, मतलब M20, M25, M30 एंड मोर देन दैट है, तो मुझे ये वाला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगाना है कि जो आप एफ एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ क्यूब्स, वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4 से। तो ये कंडीशंस दिया गया है फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए। तो ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। अच्छा, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू आपको कोर्ट से ले लेना है, है ना। ये वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, किस में रहेगी, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में रहेगी, FCK भी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, एफ एवरेज भी न्यूटन पर, सभी वैल्यूज आपको ग्रेड के हिसाब से न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में जाना है। यदि मैं बात करूँ कि मैंने M30 ग्रेड लिया है तो एम मिक्स है, 30 क्या हो जाएगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी न्यूटन पर एम स्क्वायर में, ठीक है, मेगा पास्कल भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, देख रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट क्राइटेरिया। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि FC इंडिविजुअल, देखिए नंबर ऑफ मैंने सैंपल्स लिए थे, हर एक सैंपल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन टेस्टिंग में मैंने निकाली है, तो हर एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो FC के -3 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। किसी कंडीशन में एक सैंपल भी यदि आपको लेस देन FC के -3 से कम की वैल्यू दे रहा है या FC के -4 की वैल्यू दे रहा है तो वो कॉन्क्रीट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो FC के -3 M20 के लिए यूज़ करना है, FC के -4 ग्रेटर देन M20 के लिए यूज़ करना है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ मैंने M30 ग्रिड ऑफ कॉन्क्रीट डिज़ाइन किया और M30 ग्रिड ऑफ कॉन्क्रीट डिज़ाइन किया, 10 क्यूब है मेरे पास, हर एक क्यूब की जो स्ट्रेंथ है यदि वो कॉन्क्रीट एक्सेप्ट करवाना है आपको, तो हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए, 30-4 26 से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी एक क्यूब 26 से छोटी स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोज़ कोई 24 न्यूटन पर mm² दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कंक्रीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो सभी क्यूब्स में क्या देना चाहिए, FC इंडिविजुअल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FC के -4 फॉर M20 ग्रेटर देन दैट। आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया, सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और थर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये जो पहला वाला है तो रिकमेंडेशन से कुल मिला के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थर्ड वाला है। पहला रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 3 क्यूब्स शेल बी टेस्टेड, कम से कम आपको कितने क्यूब लेना है, 3। ऐसा क्यों, एक क्यूब में भी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल ही रहा है, तो ऐसा होता है कि जो आप एक क्यूब लेते हैं उससे आप पूरे कॉन्क्रीट की क्वालिटी टेस्ट नहीं कर पाते हैं, पूरे कॉन्क्रीट का जो बिहेवियर है वो शो नहीं करता एक क्यूब। तो आप क्या करेंगे, कॉन्क्रीट में 3 अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से कॉन्क्रीट कलेक्ट करेंगे। इतना बड़ा कॉन्क्रीट का हमारे पास क्या है, बना हुआ है, रेडी है, एक कॉन्क्रीट क्यूब यहाँ से तैयार किया, दूसरा कॉन्क्रीट क्यूब वहाँ से तैयार किया, तीसरा कॉन्क्रीट क्यूब यहाँ से तैयार किया, तो इससे आप क्या एवरेज बिहेवियर कॉन्क्रीट का शो कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है पूरा सिस्टम कि मिनिमम आपको 3 क्यूब लेना ही लेना है और उसको टेस्ट करके फिर ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना है। यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन या
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है, द इंडिविजुअल वेरिएशन इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शेल नॉट बी ग्रेटर देन 15% प्लस माइनस 15% ऑफ इट्स एवरेज। यदि मैं बात करूँ इसका मीनिंग क्या आ रहा है, इसका मीनिंग ये आ रहा है कि यदि मेरे पास तीन नंबर ऑफ सैंपल, जैसे उन्होंने कहा मिनिमम तीन लेना, तो सपोज मेरे पास तीन क्यूब्स है ना, तीन क्यूब्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरे पास है, इन तीनों का मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल दिया, जिसको मैं शो क्या कर रहा हूँ, एफ एवरेज के नाम से शो कर रहा हूँ। तो ये जो एफ एवरेज निकला है, ये एफ एवरेज हर एक की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेरिएशन इन दोनों के बीच में, है ना। तो उसको आप इस फॉर्मूले से भी टेस्ट कर सकते हैं, द परसेंटेज वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ शेल नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15%, मतलब एफ सी इंडिविजुअल माइनस एफ एवरेज डिवाइड बाई एफ एवरेज इंटू 100। तो ये वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो परसेंट में मिलने वाली है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते भी आप क्या कर सकते हैं, तीनों मेंबर्स के लिए वेरिएशन कितना हो रहा है एफ एवरेज से वो निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में ये जो वेरिएशन है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। अच्छा, यहाँ से क्या हो सकता है, आपको कभी पॉजिटिव वैल्यूज भी मिल सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी मिल सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस 15% से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो मैं यदि बात करूँ, कोई मतलब डेफिनेटली आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, कोई कॉन्क्रीट बनाया, उसके नंबर ऑफ क्यूब्स लिए, उसको पहले जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है, पहला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो उसके अंदर पास हो चुका है, दूसरा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो उसमें भी पास हो चुका है, लेकिन तीसरे में क्या हो चुका है, ये फेल हो चुका है, तीसरे में ये पास नहीं हो रहा है, तो क्या वो कॉन्क्रीट में अभी यूज़ करूँगा, मेरा आंसर है नहीं। कि कोई भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में यदि आपका जो कॉन्क्रीट है वो फेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों क्राइटेरिया क्या है सेटिस्फाई कराना है, तभी आपका क्या होगा कॉन्क्रीट आगे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा यूज़ किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये था पूरा आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट पे क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पर बनाया है। तो क्या हुआ था कि इसके पहले भी मैंने आपको जियोटेक का क्विक रिवीजन दे चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का उस वीडियो पर कमेंट्स आया था कि सर किसी और सब्जेक्ट्स का भी प्रोवाइड कीजिए, तो आरसीसी का मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आरसीसी का भी वेटेज अच्छा होता है। यदि आप देखेंगे गेट 2018 का जो गेट 2018 में अभी पूछा गया था आईआईटी गुवाहाटी ने जो पेपर सेट किया था, तो उसमें आरसीसी का वेटेज करीब 7 से 8 नंबर का था। वो मॉर्निंग सेशन की बात करूँ या इवनिंग सेशन की, दोनों में तकरीबन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, है ना। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर आरसीसी का पूरा ये रिवीजन बनाया है। आई होप जो गेट 2019 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे, एंड आई होप यू पीपल वॉच एंड हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।